when I was upset by Mu Sigma not selecting me, it was also because I had imagined in my head ki मैं कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल डालूंगा आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड तो तेरा पोस्ट खराब कर दिया उन्होंने तेरा ये मोमेंट तो मैंने ऐसे सोचा था कुछ सोशल मीडिया विन क्योंकि मैं प्लेसकॉम से लड़ लड़के इतना एंग्स्ट भर गया था मेरे अंदर कि मैंने ऐसे वन शॉट हेड शॉट ये सब सोचा हुआ था वन शॉट ए नाइस आई लाइक इट सो कॉल ऑफ ड्यूटी वाले लाइव शो दिस इज क्या हुआ कुछ और कुछ इशू हो रहा है क्या वॉइस चेंज कर लूँ क्या मैं वॉइस चेंज करूँ क्या नाइस वेरी गुड एनिमेटेड कैरेक्टर नहीं मेरा थोड़ा तो वॉइस चेंज है अभी बिकॉज मैं रात को पीता हूँ ना तो वॉइस सुबह चेंज हो जाता है मेरा थोड़ा और कल सुबह तक ठीक हो जाऊँगा वापस किसकी मिमिक्री कर रहा है तू किसी का नहीं मेरे को आई एम फिगरिंग आउट किसका कर रहा हूँ एज आई एम सीइंग इट किसी का तो कर रहा हूँ या आई इट डिडंट साउंड लाइक जेन्युइन बिड़ो यू बिड़ो कड़ी पत्ता वाला ऑमलेट खाया क्या बिड़ो कड़ी पत्ता उसमें डालने का और कर 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 कड़ी पत्ता उबलेगा व्हाट इज हैपनिंग अरे एक जैकी श्रॉफ एक रेसिपी बताता है ऑमलेट बनाने का हमें हमें अमेया ने दिखाया था ये वीडियो बेस्ट है भाई कड़ी पत्ता ऑमलेट जो कहता है कि ऑमलेट का एक मस्त रेसिपी बताऊं क्या और वो कुछ बात करने आए कि आप क्या जो आप ये पौधे वौधे लेके घूमते हैं और वो एकदम टॉपिक ही चेंज कर देता है कहता है एक मस्त ऑमलेट का रेसिपी बताता हूँ कड़ी पत्ता लेने का कड़ी पत्ता को तेल में तलने का ऐसे कड़क कड़क करके कड़ी पत्ता हिलेगा फिर उसके बाद उसमें अंडा डालने का बनाने का ऐसे फट 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 करके बनाने का तो सारी साउंड इफेक्ट्स बताता है फिर वो खा के देख बिड़ू और बता अच्छा नहीं लगे तो मेरा बताइए लेकिन वो रेसिपी ठीक से नहीं बताता आवाजें सारी बताता है सारी बताता है सही से तो एटलीस्ट यू फील लाइक ट्राई तो करना चाहिए एक बार ये साउंड इफेक्ट्स के लिए यार मैं चप्पल पहन के क्यों बैठूं क्या हुआ यार नहीं यार ये मंदिर है हमारा दिस इज आवर वर्क प्लेस हाँ मैं वो लेके आया हूँ स्निफिंग सॉल्ट सो डू यू वांट टू स्टार्ट विद दैट क्या है मतलब जस्ट थोड़ा इंट्रोड्यूस यू स्निफ इट एंड इट गिव्स यू एनर्जी Oh. I think तू sell कर रहा है बहुत positive spin देके इसको So I'll tell you why people use this. Generally powerlifters या boxers use करते हैं जब या तो boxer जैसे knockout हो गया है unconscious हो गया तो वापस होश में लाने के लिए और powerlifters before lifting they need like a burst of energy और अपना performance 20-30% increase करने के लिए they sniff this they go crazy and then they lift. This is legal. Of course it's legal. You think power lifters are illegal? I don't know kya hai. Chal chal phir to smell kar. Okay, let's start. ठीक है यार मैंने देखा है इसको एक podcast में तो हाँ तो podcast में actually इसको खोल के दे देता हूँ वरना फिर वरना क्या पॉलिथिन से स्मेल करना होगा जस्ट खोल के अंदर भी फंसा रहता है इसको खोलो ढक्कन को एंड देन टेक अ स्निफ आई थिंक थोड़ा दूर से करना नहीं नहीं डोंट मतलब ना घुस घुसाना नहीं चाहिए नॉर्मली करो क्या 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 फील हो रहा है जो क्लोरीन की स्मेल आती है स्विमिंग पूल में उसका ऐसा विफ सा है तूने कभी डूबा है तूने कभी नहीं डूबा है आई थिंक मतलब तू कभी ऐसे कूद गया अंदर सक्सेसफुली तो नहीं डूबा फेयर जो एकदम अंदर जब बॉडी के अंदर क्लोरीन वाला पानी चला जाता है वैसे टाइप का एसेंस आएगा ठीक है ट्राई कर गो अहेड ब्रो ही इज सो टॉल वहां तक पहुंचेगा ही The problem with your height is मेरे को एनर्जी तो नहीं लग रहा भाई ये जो बोला एनर्जी आएगा मेरे को लग रहा है हाँ डूब रहा हूँ क्लोरीन का ही स्मेल है भाई ये तू रेगुलरली स्मेल कर रहा है जब से नहीं भाई ये दिस इज नॉट क्लोरीन दिस इज अमोनिया तो ये अमोनियम सल्फेट या कोई सॉल्ट्स हैं तो उससे अमोनिया निकलेगा तो ये फिर यूरिनल वाला स्मेल है यस तो जब मैं डूब रहा था तो लोग क्योंकि स्विमिंग कर रहे होते थे स्विमिंग पूल में सूसू ही होती है भाई मेन वही होता है भाई वो हीटेड पूल थोड़ी होता है और स्विमिंग पूल में जस्ट गॉट इट तो मेन स्विमिंग पूल में जो भी कलर और जो भी स्मेल है इट्स जस्ट यूरिन रिएक्टिंग विद व्हाटएवर केमिकल दे पुट इफ दे पुट क्लोरीन समथिंग देन क्लोरीन रिएक्ट्स विद यूरिया हाँ सब केमिकल्स ही है बेसिकली लाइफ में ऐसे ही सोचने का तो इसलिए गो अहेड मेरा दिल थोड़ी टूटा है कुछ केमिकल रिएक्शन भाई
आई थिंक वो ज्यादा यूज्ड टू है ना, या मैं पता तीन चार दिन से कर रहा हूं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अरे मेरे को पहली बार तो आंख में लगा जब मैंने खोला। नहीं तो तो ये खत्म कैसे होती है, ये जस्ट वो सब्लिमेट होता है, इसीलिए तो मैंने जिप लॉक में डाला है क्योंकि इट कीप्स माइक 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 क्या जो तू बोल रहा है आ नहीं रहा आवाज। नहीं कोई बात नहीं, इतनी भी इंपॉर्टेंट बात नहीं। मैं कह रहा था कि इसको जिप लॉक में इसलिए रखा है क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा लीक होता रहता है, तो व्हेन यू ओपन द जिप लॉक दिस थिंग यू स्निफ एंड दैट्स इनफ। कितने का आता है, कितने का? 400 रुपए आई थिंक, ये 4-5। अच्छा, अगर नैफ्थलीन बॉल भी तो सूंघ सकते हैं इसकी जगह। यार नैफ्थलीन बॉल के बहुत ही टॉक्सिक होते हैं वेपर्स। भाई नैफ्थलीन बॉल का मेरा रूल है, अभी अगर दिख जाए ना तो मैं मूत देता हूँ। आई डोंट केयर कहाँ भी हो, मैंने मैं कंडीशन हो गया कि उस पे मूतना होता है भाई। तो फिर तो अलमारियां बंद रखते होंगे तेरे आसपास भाई। अगर तेरे पास नैफ्थलीन बॉल डाल के कर दिया तो तू तो खत्म है भाई। लोग कह रहे हैं अरे हमने ये कपूर है, नैफ्थलीन बॉल नहीं है। मैं डांट देता हूँ लोगों को, क्यों डाला था इधर नैफ्थलीन बॉल। मानिक ने कभी एक जोक किया, शामिक को कभी हवन में नहीं बुलाएंगे, शुरू ही नहीं होने देता भाई। मानिक ने कभी जोक किया था कि मतलब ही वुड डू रैंडम इंसल्ट्स और उसका गेम ये था कि इस इंसल्ट का कोई कमबैक ही नहीं है, तो इंसल्ट ऐसे होते थे तेरी चड्डी में नैफ्थलीन बॉल है, तेरी चड्डी में दूसरों के प्यूबिक हेयर है, पता नहीं व्हाट। एंड ही वुड गो राइट दीस एंड गेट टू ओपन माइक्स एंड से दीस। क्या ऑडियंस को बोलता था? कहता था कि मैं कुछ ऐसी इंसल्ट तुम लोगों को बताऊंगा जिनके कोई कमबैक नहीं है, तुम भी सीख लो इनको। एंड देन आफ्टर हिज सेट ही डू ऑल दिस। मैंने ऐसा एक सोचा हुआ था जिसमें सामने वाले का पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा कि वो भूल ही जाएगा कि दुश्मनी चल रही है, इंसल्ट चल रही है। तो जैसे बोलेगा आई लव यू आई एम गे यू आर आल्सो, तो उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। मैं तेरे पूछूं तू कितने पैसे कमा लेता, इतने कि तू मेरी फैमिली टट्टी खा लेती है। बहुत ही ऑफ शूट क्वेश्चन आएंगे। एक सेकंड क्या खाते थे? फिर सामने वाले को कोई आईडिया नहीं कैसे रिएक्ट करना है, इल थ्रो यू ऑफ और की बेइज्जती तो करिए, पर तेरी टट्टी का रेट्स कैसे पता चल रहा है, टट्टी का क्या चल रहा है मार्केट पे, बस इतना ही कमाते हो। और इफ यू मेक इट मोर स्पेसिफिक कि इतने के तो मेरे फूफा जी टट्टी खा जाते हैं दिन की, the other person would have no idea how to react. ye tune banaya, yeah, well done man. I think they should use it in a show. bhai I don't know, tujhe abhi bhi thoda smelling salt ka feeling kuch bhi hai body mein? mere ko lag raha hai ki abhi bhi bhai to thoda to rahega hi kamre mein. are meri body choti hai to ja ke nikal gaya wo tere mein, wo travel lambe time tak karta hai. abhi bhi body smell kar raha hai salt ko andar abhi bhi. no you'll process it in, yeah, in some time. and fir kya hua? and then nothing. देख बहुत ज्यादा देख अगर तू बहुत ज्यादा स्निफ कर लेगा तो इल कॉज इरिटेशन है तो टॉक्सिक ही, बट थोड़ा सा करने में कोई दिक्कत नहीं है। ओनली पिच दैट यू हैड वाज कि नेफ्थलीन बॉल्स आर टॉक्सिक, दिस इज नॉट टॉक्सिक, दिस इज वेरी लिटिल टॉक्सिक। भाई कोई कैसे देखा कि पॉइजन को पिच किया कि इससे एनर्जी मिलता है बहुत ज्यादा? ए आई विल लीव इट टू द ऑडियंस, पीपल हु आर लिसनिंग टू इट, you tell us if what amount of ammonia is toxic. They can search. Achha. There we have doctors who are listeners, we have scientists, we have some really smart also at least we have if compounders nothing else, if nothing else we have people who regularly pee, yeah, and people who can Google. Uh-huh. So find out, and I don't think it's this amount, this is a very trace amount, this can't be toxic. So but don't do this every day. This is like the amount that will be in a urine. हमारे यूरिन में आई डोंट नो हाउ मच डज योर यूरिन स्मेल। मैं लंबा हूँ बहुत, मैं स्मेल निकाल सकता हूँ। तुझे तो आती नहीं, बताओ यार तुम लोग। हम वी आर वेरी ग्राउंडेड पीपल, वी आर डाउन टू अर्थ पीपल, सो आई फील लाइक आती है काफ़ी आती है। कुछ ऐसा रहता है ना कि बहुत सारी मूवीज में ये जोक करते हैं कि ओ यू ईटिंग टू मच एस्पैरगस बिकॉज दैट मेक्स योर यूरिन। आई हैव नेवर ईटन एस्पैरगस, आई डोंट इवन नो व्हाट इज एस्पैरगस। होगा तो वी डोंट ईट इट, हमारे डाइट में है ही नहीं तो हमें नहीं पता कि कैसे स्मेली करते हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट वेजिटेबल लगता है बीट रूट, खाते ही कलर आ जाता है, जीप पे कलर आ जाता है,
और यूरिन में भी कलर आया, नहीं नहीं स्टूल में आ जाता है, स्टूल में आ जाता है, राइट. हां मैं वही सोच रहा था व्हाट इज अ गुड टर्म इंस्टेड ऑफ से. भाई तो तूने 2 मिनट पहले टट्टी खलवा दी है तो अब तू स्टूल बोलने में शर्म. वो तो जोक के लिए चाहिए था. अच्छा अच्छा फेयर. अभी मेडिकल पे आ गया. अगर तू बीटरूट खा के उल्टी करेगा तो ऐसा लगता है खून उल्टी, खून की उल्टी हो रही है. हां तो फिर काफी सारी, मतलब एक हमारी फैमिली में कुछ इंसिडेंट हुआ था कि किसी ने बीटरूट खा के उल्टी करने लग गया था. लाइक अ कजन आई हैड वाज 16 17 इयर्स ओल्ड. तो बाकी सब वो कहने लगे कि प्रेग्नेंट है. अच्छा वो लड़की थी. ओके लड़की थी. हां दैट्स आई थॉट इट्स अनदर फ्लिप कि मेरा एक कजिन है उसने उल्टी करी और पूरी फैमिली कह रही है प्रेग्नेंट है. उन्होंने कहा ये कैसी फैमिली है, उल्टियां कैसे हो रही है, प्रेग्नेंट हो गई है. जिन जिन फूफा जी ने पॉटी गई थी उन्हीं का बेटा. इनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है. बेटा प्रेग्नेंट हो गया भाई साहब उल्टी पॉटी का. लाइफ तो आई थॉट यू से कि जब तुम बीटरूट खा के उल्टी करते तो एस्पैरेगस की स्मेल आती है. ये कनेक्शन तो नहीं, फुल क्लोज हो जाएगा ये सर्कल. अब हम हर कॉन्वर्सेशन को 2-3 मिनट में क्लोज करने की कोशिश करते हैं. बट ये बीटरूट वाला हगने वाला मैंने बस प्रैक्टिकल में सीखा था, मैंने थियोरी में नहीं पढ़ा था पहले. ओके तो यू वर आल्सो शॉक्ड. आई वाज रियली शॉक्ड. गोइंग टू डाई. हां बिकॉज़ मैं तो देखता हूं हर बार कि क्या चल रहा है उधर. और ये बहुत ही आउट ऑफ मतलब माय एक्सपेक्टेशन रेंज था. मैन वे आई नेवर डू दिस कन्वर्सेशन में कभी भी. एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. टॉयलेट तो बिल्कुल ही. यू आर अगेंस्ट टॉयलेट ह्यूमर. आई डोंट लाइक इट. I was just doing the sniff thing. You guys took it too susu and then this is ammonia. Yeah, but तो और कौन से scenario में हमने ammonia smell करा हुआ है? Ammonium sulfate, ammonium nitrate. अगर तू bomb bomb बनाता हो, अगर तूने कभी try किया, अगर तू मेरे पास bomb लाया ना, तो मैं भी ammonia smell करूँगा, but for another reason. कोई bomb फटेगा तो मैं सबसे पहले कहूँगा susu करिए यहाँ पे. I'm sure आती होगी, because it'll release. No survivors to tell us about it. No, no. पुलिस तो आती है, लेट ही आती है, तो वो चेक तो मतलब बॉम्ब ब्लास्ट और बड़ा हो जाता है बेसिकली. विक्टिम के मुंह से उसका फायर बढ़ जाता है उसके बाद. नेवर एंड कैटलिस्ट. इंपॉर्टेंट स्टेप इफ यू आर इन अ बॉम्ब ब्लास्ट डोंट कंटेन इट इज डोंट पी. इसलिए स्विमिंग पूल में बॉम्ब ब्लास्ट मत करना भाई. फैलते ही चला जाएगा. जब भी आए फिनिश इट, टेक इट आउट ऑफ योर सिस्टम, बी रेडी. अरे यार मैं एक आज इंटरनेशनल जोक डे, एक जोक सुनाता हूँ. मुबारक हो दोस्तों. मुबारक हो यार. अरे दोस्तों हमारे काम का वो सेलिब्रेट करा जा रहा है यार. आज तो ऑफिस से छुट्टी ले रहा हूँ. अरे मोदी जी का मैसेज नहीं आया आज मन की बात में. इंटरनेशनल जोक डे पे योगा नहीं करेंगे ठीक है. मन की बात आज के दिन मन की मस्ती ऐसे कुछ करना चाहिए. मैं तुझे बोला ना आई वांट टू वर्क विद मोदी जी. मोदी इफ यू वांट टू वर्क विद हिम द पीएम. हां आई वांट टू वर्क विद द पीएम हूएवर ही इज और शी इज. इसको टाइमलेस बना दे ये पीस को पॉडकास्ट. या आई वांट टू वर्क विद द प्राइम मिनिस्टर. या आई नो नो नेम्स. तो आई वांट टू वर्क विद द पीएम एंड आई वांट टू राइट जोक्स फॉर हिम. I feel like it's a really good opportunity because the PM can hold an audience anyway, na? He has an aura anyway. Everybody loves them. If they do like 2-3 really good jokes, fucking kill. He'll kill. Yeah. He always kills already. He did a joke, na, recently. Yeah, he got in trouble. Very dark joke. Very dark joke, yeah. And there was no context. You thought usse kuch aayega point ki isiliye main bol raha hu ye yojana hum chala rahe hain. Nahin, it was just ki chalo abhi lunch break hai iske baad. Ki spelling galat likh ke gayi hai, ye tha na joke. But hilarious ki left ko uske pehle Gujarat ke dango vango mein koi problem nahi. Keh rahe hain ki ye joke bada dark hai. मोदी से एक प्रॉब्लम उनको हुई कि ये जोक बहुत डार्क बोल दिया. लेफ्ट का सबसे मेन एजेंडा है मीठी वाणी बोलिए. मन का आपाक होए. जिसको काटना है, जिसको पीटना है, जो करना है करी होइए. मीठी वाणी बोलिए. मनमोहन सिंह बट ही वाज वेरी सॉफ्ट स्पोकन सो पीपल वुड लव हिम कि भाई चलो ये बंदा हरामी तो नहीं, गंदी बातें तो नहीं करता. मैन पीपल रियली ट्रोल्ड हिम फॉर बीइंग एन इंट्रोवर्ट. जस्ट द सेम जोक कि वो बोलता नहीं कभी. हाँ देखो दिस इज माय इंप्रेशन. लेफ्ट का ये है कि स्टिक्स एंड स्टोन्स can never hurt me but words can break my bones. but words really trigger me into a panic attack. But Manmohan Singh तो बहुत troll किया भाई उन्होंने. Because he didn't talk. Not talking is a big con in most people's eyes for some reason. But you see when people talk. क्या छुपा रहा है ऐसा. When people talk जैसे मोदी जब भी जाके बाहर मुंह खोलता है
तो भाई बेइज्जती होती है. He would say stuff like, अभी इसने कुछ पता है क्या बोला जाके वहां पे कुछ तो बेइज्जती कुछ नेटवर्किंग टाइप की बात करी थी. That is, कुछ तो बोला था कोई सम यूएस डिप्लोमेट वाज ग्रीटिंग हिम एंड ही सेड समथिंग. हां हां उस मीम में बस मीम ही देखा. मैंने भी मीम्स देखा हुआ है. Every time a meme, and they won't circulate it that much. Varna Modi says equally stupid things as Rahul Gandhi. So, अभी एक point पे इसने बोला था, एक point पे इसने क्या बोला था कि किसी ने बोला कि आप पढ़ते हैं आप ऐसे, कहते कि मुझे actually मैं यूं नहीं पढ़ता, horizontally नहीं पढ़ता, मेरा तो ऐसा है कि पूरा फोटो आके चिपक जाता है, photogenic memory है मेरी. He said कि मेरी photogenic memory है. नहीं नहीं photogenic memory and the reporter didn't say anything, dude. Man, कि उसकी memory की कोई photo ले तो बहुत सुंदर दिखेगी. Yeah, he didn't say anything. Mr. photogenic memory award मिला है. This is the problem, dude. Reporters won't call you out because you of the image, and he keeps saying so. जितना तुम उसको मौका दोगे जाके भाषण देने का, उतनी भाई वो stupid बातें बोल के आएगा. तो मतलब उनसे print out निकाल सकते हैं. एक डायरी खोल रखी है और वो यूं यूं कर रहा है, पन्ने पलट रहा है, यूं यूं कर रहा है और पीछे गाना चल रहा है, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता. एंड ही इज डूइंग दिस. नॉट वेरी गुड मीम्स. आई थिंक चेंज द पर्सपेक्टिव इमीडिएटली. तुम कुछ भी डार्क चीज भी कर दो. हाँ एक और मीम है ना, आई थिंक इट्स लाइक अ समवेयर इन अफ्रीका, लाइक अमेरिकाज गॉट टैलेंट सो अफ्रीकाज गॉट टैलेंट जो भी है. ओह या या ओके. माय मदर आई कैन रीड वेरी फास्ट, वही बोलता है. और बोलते व्हाट डू यू मीन, इज आई विल रीड दिस होल बुक नाउ. और वो कहता है अच्छा मैं, अरे और फिर जज बोलता है What do you think you're doing? You think this is a talent? नहीं वो कहता है Are you serious? एक बंदा कहता है कि वो गाने आता है तो वो कहता है कि this is dedicated to my mother who died before my birth. कहता है what? कहता है you she died giving before giving birth to me. वो कहता है then how? Okay carry on. कहता है she only taught me this song. कहते हैं व्हाट आर यू सेइंग, कहते हैं इनफैक्ट शी इज राइट हियर. दिस इज वेरी गोविंदा. फ्लिप फ्लिप आफ्टर फ्लिप, बैक फ्लिप ही कर रहे हैं बैक टू बैक. बट आई फील लाइक दिस इज स्टेज्ड. A lot of these videos are staged. This can't be real. All the lines were solid. That's why एक भी bad line नहीं था. You can't be that good at improv unless you are. Yeah. अच्छा हाँ, तो मुझे एक joke. Complete your sentence. No, एक joke सुना दो. तो एक बार ना. Is this a joke day special? Yeah. तो इसमें वो audio डाल देंगे. ये जो celebratory वो नहीं होता है, confetti गिरती है. हाँ हाँ हाँ. All right, bro. Okay. I have no clue. But okay. ये तेरा नहीं है, अब ये edit में हो जाएगा. हाँ. Yeah, if you're watching editor. हाँ. I hope you're watching. No, you're the editor. तो तीन पुलिस एकेडमी में तीन कैडेट्स होते हैं, तीन लड़के होते हैं और उनको डिटेक्टिव बनना होता है. तो दे गो टू द सीनियर जो भी सिलेक्शन कर रहा होता है, कहते हैं कि सर मुझे डिटेक्टिव, हमको डिटेक्टिव बनना है. तो कहते हैं इतना आसान नहीं है डिटेक्टिव बनना, तो मैं टेस्ट लूँगा और जो पास होगा उसको बना देंगे. तो बुलाता है, एक एक करके बुलाता है, पहले बंदे को बुलाता है, एक फ़ोटो 5 सेकंड के लिए दिखाता है, वापस रख देता है और कहता है कि ये क्रिमिनल है, इसको पकड़ना है. हाउ डू यू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन? तो कहता है सर बहुत सिंपल है, एक ही आंख है इसकी, तुरंत पकड़ लेंगे. कहता है बेवकूफ़ हो गया, मैं साइड प्रोफाइल दिखाई है, एक आँख नहीं है. कह रहा तुम जाओ तुम कहते हो. ठीक है, दूसरे को बुलाता है, दूसरा आता है, 5 सेकंड के लिए दिखाता है, रख देता है. कहता है हाउ डू यू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन? क्या रहा सिंपल सर, एक कान है इसका, इसको तो यूं ही पकड़ लेंगे. तो सब पागल हो गया, साइड प्रोफाइल दिखाइए, एक कान नहीं है यार. तो कहते हैं ठीक है जाओ. तो तीसरे बंदे को बुलाते हैं, कहते हैं कि भाई तुम लास्ट होप हो, ये 5 सेकंड के लिए दिखाया रखा. कहता है कि बताओ कि इसको कैसे पकड़ेंगे, हाउ डू यू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन? तो कहता है कि आप चेक करिए एरिया में कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट लेंसेज के वो लिक्विड बिकता है. कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनता है बंदा, कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनता है, जाता है अपना, उस कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, जाता है केस स्टडी में चेक करता है, वापस आता है, कहता है यू आर सेलेक्टेड, कॉन्टैक्ट लेंसेज सही में पहनता था, मुझे भी नहीं पता था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट हाउ डिड यू नो? कहता है भाई ना कान है ना आँख है, एक तो चश्मा तो पहन नहीं पाएगा. <laughs>
बट इज लाइक अ रियली इनोवेटिव इडियट. इन लोग प्योर इडियट है. इसने इडियोसी के बाद ब्रेन लगाया. यू एंटर द यूनिवर्स ऑफ स्टुपिडिटी एंड देन एक्ट सिंसियर. चैक स्टुपिड. ये बहुत फनी जोक है बिकॉज आई पिक्चर द इंस्पेक्टर्स फेस कि इसको सेलेक्ट करके पता चला सेम ही टीम में. बट इज लाइक फक डूड दिस इज आउट ऑफ माय. मतलब हाउ डिड यू नो कि इट्स कॉन्टैक्ट लेंसेज. तो उसको बैक स्टोरी में जाके चेक करना पड़ा है. या लाइक बट मुझे पता है तीसरा बंदा बेस्ट होगा. या आई गेव इट अवे व्हेन आई सेड इट्स अ जोक. अगर पोएट्री होती तो हो सकता है सेकंड बंदा. वो रिदम तोड़ते ना. हाँ बिल्कुल. सेकंड बंदा तुम पे हाथ उठाता और वो तुम्हारे पापा होते. वी शुड डू दिस. या पोएट्री में बीच में तुम जोक कर लो एंड देन ही वुड टॉक. एंड में तो रोला नहीं होता. हु इज जस्ट नॉर्मल. हाँ मतलब एंड स्ट्रांग नहीं करना है. ऐसे कुछ छोटे छोटे ट्रॉमा की बड़ी बात करनी है. हाँ रियलिटी दिखाना है कि रियलिटी में एंड में नहीं आता जो कभी भी. माय डैड एक्सीडेंटली पुश्ड मी. I thought you will complete the poem. No, that is all. Yeah, it's a comment on incomplete relationship with father. Then I never spoke to him. Yeah, yeah. Bas. But the thing is, all the comments and all the metaphors, they never mention. They're like, ये तुम समझो. हमने खुले में छोड़ दिया. Now you figure out what the metaphors are. It's a lot of work. Everything is open to interpretation. You go to an poetry open mic. You have to think a lot. मेरे को recently जो भी हिडन सटायर करता है ना उसकी इज्जत नहीं है. हिडन सटायर गुफा में बैठ के मोदी मतलब कि एक्चुअली आलू भिंडी की बात हो रही है बट हो रही है कांग्रेस और बीजेपी. साले कम से कम इतने तो गट्स दिखा. मेंशन कर दे कि तू प्रॉब्लम में फंसने का रिस्क हो. राइट. इंटेलिजेंस के नाम पे तुम किसी चीज में छुपा के कि एक मॉन्स्टर है बट वो मॉन्स्टर एक्चुअली तो बोल ना बोल और फंस. हाथी चीटी बट इट्स नॉट मेकिंग सेंस कि हाथी ने ईवीएम को मतलब रिग किया है. तो मतलब ये क्या हो रहा है इधर. आई थिंक ये पूरा जोक बताने के बाद दे शुड गो एन इंडेक्स. हाथी मोदी जी चीटी कांग्रेस. देन आई थिंक इट्स गुड. इट कवर्स एवरीथिंग. यू मेक पार्ट टू फॉर पीपल हु रियली टेक ऑफेंस एंड पार्ट वन ओनली फॉर पीपल हु आर लाइक रैंडम. तुम्हें एक लेवल पे समझना है तो पार्ट वन देखो. यस यस. फिर तो उसके बाद से तुम अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से अनलॉक कर सकते हो सब. जैसे इसने करवाया शान अली ने. ईशान अली ने. हाँ भाई पार्ट टू तुमको देखना पड़ेगा. एंड यू विल बी. हमने पार्ट वन देखा है एंड देन वी वर फिगरिंग ही पार्ट टू का वीडियो ही नहीं मिल रहा है. एंड आई रियली वांट टू वॉच दैट पार्ट टू. भाई क्या होने वाला है उसमें. ओह मैन बिल्ड अप. 30 सेकंड की वीडियो में उसने फ्लिप मार दिया. एक मिनट क्लिफ हैंगर. वो चोरी करके लाता है. हर एक माँ होती है उसका बेटा होता है. ओके दिस इज आउट देयर इन द यूनिवर्स. यस यू कैन फाइंड पार्ट टू ऑफ दिस प्लीज कमेंट. एक वो बच्चा आता है माँ के पास. कहते हैं ये ब्रेड लेके आता है. कहते कैसे लाया. कहते चोरी करके. कहते बहुत बढ़िया किया. फिर बच्चा बड़ा हो जाता है. फिर वो कहती है ये पैसे कैसे आए. कह रहे एक बंदे का से मैंने चोरी कर लिए. ट्रेन में था उसको धक्का दे दिया मर गया. ठीक है. कहते अब हमें गरीब घर में नहीं रहेंगे हम शहर चलेंगे. फिर वो शहर चले जाते हैं और वहाँ पे फिर वो एक बड़ा सा बैग लेके आता है और उसमें 5 लाख रुपए निकालते. कहते ये कैसे करो. वो पहले अपनी माँ के ऊपर पैसे फेंकता है. और माँ यूं करती है. और फिर कहता है कि अब तो मैं सुपारी लेने लग गया हूँ लोगों की. ओ दैट इज वेरी ट्रेंड. अरे यार. सो वी वांट टू. और इसमें पार्ट टू कंटिन्यूड लिख के आया बट वी कुडंट फाइंड. बट कितना टाइम हुआ रिलीज से. देखा तुम लोगों ने. नो क्लू मैन. अरे इसने 50 वीडियो दिखा दी. उसमें कहां तुम ढूंढोगे कहां टाइम. पर पार्ट टू नहीं मिल रहा है. पार्ट टू नहीं मिल रहा है. व्हाट कुड हैपन. वैसा भी होता है. पार्ट टू ही है उसका. yeah, ये और इरिटेटिंग है कि इसका प्रीक्वल कहाँ है. नो आई थिंक द फर्स्ट मूवीज ऐसा भी होता है एंड द सेकंड मूवीज वैसा भी होता है पार्ट टू. बट ये फिर बस वैसा भी होता होना था ना. तूने वो देखी है 10. नहीं बस गाना देखा वो 9 का पार्ट. पहले 9 का है भाई उसके. सात खून माफ भी यार. सात खून माफ कर. हर खून के माफी के पे एक मूवी चाहिए यार. लेकिन खून के पहले भी तो बहुत क्राइम होते हैं. किडनैपिंग माफ. पॉकेट मारी माफ. बिल्कुल. मनी लॉन्ड्रिंग किया होगा पहले थोड़ा. या दिस इज लाइक अ होल मार्वल यूनिवर्स डूड. द 30 मूवीज. चेन स्नैचिंग माफ. अल मॉब लिंचिंग तो है ही माफ.
ये हुआ सटायर, ऐसे होता है, बोल के करते हैं। हाथी ने चीते को मॉब लिंच कर दिया एक बार। No value in your cryptic satire, dude. Get out in the open. एक बार एक चीटी और इस एनर्जी में परफॉर्म करते हैं। एक बार एक चीटी कॉकरोच का मीट लेके जा रही थी। माइक ड्रॉप। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल माइक ड्रॉप, वेरी ब्यूटिफुली एंड नाइसली डन। और कॉकरोच तो आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों। अब तो जिनको, नहीं वो भी नहीं ऐसे, जिनको समझना था वो समझ गए। एक बार बाकी लोग पढ़े लिखे हुए कंफ्यूज बैठे हैं कि ये क्या कर रहे हैं हम। और ये बहुत सही स्टेटमेंट, जिनको समझना था समझ गए, बिकॉज इट माइट इंक्लूड किसी ने नहीं समझा। दैट वाज द पॉइंट। ठीक है, इट आल्सो पुट्स प्रेशर ऑन द ऑडियंस कि हम भी समझ गए, समझ गए, समझ गए। ईगो हर्ट करो तो अपने आप लोग बोलते हैं, करेक्ट, कि बोल देते हैं खुद को कि समझ गए और फिर घर जाके रिसर्च करेंगे। अरे पीपल डू दिस, दिल से जोक एंड बी लाइक, बहुत ही स्मार्ट लोगों को ये जोक समझ आएगा, तो भाई लोग जोर जोर से हंस रहे हैं पागलों की तरह की आ गए। ओनली आईक्यू अबव 120 विल गेट दिस। आई थिंक क्लियर वो होना चाहिए कि ओनली पोस्ट ग्रेजुएट्स इन स्टेम STEM post graduates will be able to get this. Only CPA graduates who passed in first attempt will get. Dude, 117 IQ वाले लोग रोने लगे उसी time तो। यार मेरे पैसे बर्बाद हो गए, मैं आया था यहाँ। या जो 117 वाला IQ जिसको समझ में आ गया, उसको लगा मेरे को revaluation करना पड़ेगा, मेरा 100 के ऊपर है। थैंक यू भाई, थैंक यू। मुझे पता था एक्यूरेसी का इशू है आईक्यू टेस्ट में। कुछ लोग जल्दी से नोटबुक लाके मैथ्स लगाने लगे कि जल्दी आईक्यू बढ़ा दे। उन्होंने रिजल्ट में लिखा था प्लस माइनस 3। प्लस है, प्लस है भाई। पार्ट ऑफ द क्लब। 114 की बेइज्जती में जी रहा था। टर्न्स आउट आई एम 120। और इसमें मतलब थोड़ा सा क्रिप्टिक करते हैं, पूरा नहीं, कि जैसे एक चींटी है तो एक मुस्लिम चींटी है जो पवित्र कॉकरोच का मीट लेके जा रही है। तो चींटी मियां ने बोले, या या या, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस मोर। एक एक चींटी है टोपी पहन के जा रही है, अब आप समझ लो दोस्त। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मेरे ऊपर नहीं। एक चींटी 5 बार जो प्रेयर करती है दिन में, और लकी अली की बहुत बड़ी फैन है। उसने अपने हाथी दोस्त से गणपति मोरया गणेश चतुर्थी पे बोला। अब तो मैं जेन्युइन नेचर डॉक्यूमेंट्री भी देखता हूँ ना, तो उसमें सैटायर ढूंढने लगता हूँ मैं कि डेविड एटनबरो बस एक सांप के बारे में बोल रहा है, बट मैं तो इसी के बारे में बार बार क्यों बोल रहा है। एंड डेविड, व्हाट्स योर प्रॉब्लम ब्रो? असली वाला भेज मेरे को लिंक। इंग्लैंड में भी बहुत रेसिज्म है, हमने देख रखा है। मैं डेविड एटनबरो ईमेल भेज रहा, मेरा आईक्यू 117 है, प्लीज। समझ में नहीं आया क्या था ये। एक बार मैंने लुईस सीके को मेल भेजा था कि आपकी वेबसाइट में ये गलती है, सही कर दो। ठीक है, मुझे लगा कि भाई इंप्रेस हो जाएगा, एंड देन आई चेक्ड अगेन, गलती नहीं थी। अरे यार, आई जस्ट सेंट अ रैंडम मेल सेइंग यहां पे ग्रामेटिकल एरर है। You know, if you like somebody, you try to be like, sure. वो करने की कोशिश कर। Some conversation without seeming like a fan. Yeah, correct. So I tried doing that. You try to help. You seem like you're coming in to help them. Yeah. They need you in this moment. Also, Louis C.K. writes in his on the website, I am never gonna check your mail. Send it. I am not gonna check. एक कोलकाता में भी शो कर रहा था, जिसमें ऑडियंस में एक बंदा आया था who has जो जैसे जोकर में उसको होता है ना लाफ्टर वाला डिफेक्ट, कि बस वो रैंडमली हंसता रहता है, तो वो थ्रू आउट द शो हंसे जा रहा था, रियली फक्ड द रिदम, बट एट सम पॉइंट ऑडियंस आल्सो गॉट यूज्ड टू इट, कि अच्छा ये ऐसा ही है। और मेरे को बाकी क्लब वालों ने बता दिया था कि ये रेगुलरली शोज पे आता है और ये ऐसे ही रिएक्ट करता है, कुछ कर नहीं सकते। तो समबडी फ्रॉम द ऑडियंस, आई आल्सो रिकॉर्डेड दैट शो फॉर रेफरेंस कि कैसा जा रहा है शो। तो somebody from the audience texted me कि I know you were recording, which is why you planted an audience who gave us a cue to laugh. Wow. But I think उसके बिना भी it would have worked better. Wow. I didn't plan that guy. कहती okay maybe you didn't, but the club owners did it for a better recording. I said अरे I was not even recording for releasing it. I was just कहती oh okay cool. तो फिर then I wanted to make her feel guilty. मैंने कहा that guy has a medical problem. कहती oh sorry. हाँ ये I know करके जो आता है कि सब पता है मेरे को. And I don't appreciate it. Dude, this is early. I think जब मैं यहाँ बॉम्बे आया ही था और हैबिटेट पे शो लेके आया था जब मैं 22 हाँ तो बॉम्बे में आई थिंक पहला शो कुछ हो रहा था यहाँ पे एंड द ऑडियंस वॉज 40 वुमेन, एक किटी पार्टी टाइप का कुछ ग्रुप ऑफ वुमेन है ना,
एंड तो सब लोग बॉम्ब हो रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, और वो लोग देवर ऑल अ ग्रुप, तो बेइज्जती करनी, ठीक है, तो मैं गया और किसी पॉइंट पर उन्होंने बोला कि खाना खा लिया करो या कुछ, बिकॉज आई एम थिन, तो आई वॉज थिनर, है ना, तो मैंने बोला कि आई एक्चुअली हैव कैंसर जस्ट टू गेट इट, एंड देन दैट वुमन आई सॉ द फेस, आई एम लाइक विल यू से दैट टू योर सन if he had cancer. I ruined the whole night for everybody. us party ka collection Shashwat ko de diya unhone. Dude, agar main maut ke the, but he does not have cancer. So why would I say this to him? Yeah. Also, I feed him. and I did a few of these jokes, random jokes, aur uske baad बाद में आई थिंक कॉमिक्स हंसने लगे थे ऑब्वियसली, बिकॉज दे नो कि मैं बॉम्ब हो रहा हूँ, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द होल बाय सेइंग एनीथिंग, कश्यप स्वरूप एंड ऑल दे स्टार्टेड लाफिंग एंड अप्लॉडिंग. दिस वाज द एरा वेयर पीपल वर्नट फुली अवेयर दैट ही कांस्टेंटली लाइज. या ठीक है, तो हो गया एंड शी फेल्ट रियली बैड, ऑल द अदर पीपल ऑल्सो स्टार्ट एंड स्लोली द बिट मे बी पिक्ड अप, क्योंकि जो भी बाकी जो एंड क्योंकि उनको लगा बेचारे के दो बेचारे भाई मरने वाला है आखिरी दो जोक पे, तो हंस ले, तो दे डिड दैट. और उसके बाद फिर दिस इज द शो जिसमें वन ऑफ द वेमेन शी स्लिप्ड हर कार टू मी, लाइक शी इज अ ओल्डर वुमन, ओके, लाइक अ कूगर, and she's trying to slip a card. I'm like, dude, I just told you guys I have cancer. Shut up, nahi aa rahi is. अरे तो वो वैसे करने चाह रही थी. ये मेरे क्या? जब तक हो, let me make your time worth. Yeah. मुन्ना भाई वाला जो वो last wish वाले को क्या कहते हैं? Make a wish foundation. She tried to do that too. Make a wish slash fuck a patient. भाई and if you're watching, is the offers? No. If you're watching, he still has cancer. Yes. Send your cards to PO box number. भाई ये सही है यार, तो हर शो में मैं बोलूंगा अब तो ये है ना. आई हैव अ कैंसर ऑफ लेग्स जिससे लंबे हो जाते हैं पैर. यू डोंट अंडरस्टैंड, मेरे नीज में ट्यूमर है, मेरे ये पूरा और ग्रो हो रहा है. No, no, let's not joke about guns. Of course we do. Happy joke. वो आंटी अगर देखो बोल देती कि हाँ ठीक से नहीं खाओगे तो हो ही जाएगा ना कैंसर. तो हाँ एक्चुअली अगर इसमें कोई डबल डाउन करके वो करे. Yeah. Then I would have also done something. भाई उस समय जोक तो मैं सोच ही नहीं रहा था. मैं तो बस कि you have to win this. I have to win it. I think मेरे को जुकाम हो गया smelling salt से. अबे नहीं, वो एसी की वजह से. Smelling salt से क्यों जुकाम हो गया? I hope not, dude. तूने बहुत ज्यादा स्निफ कर दिया था क्या? नहीं, बस एक स्निफ, हल्का सा चक कर लिया थोड़ा मैंने. ही इज अ रेबेल, इज लाइक मैं क्यों सिर्फ स्मेल करूं भाई. सही बात, वील डू रिसर्च आफ्टर, बट आई फील लाइक इट्स नॉट टॉक्सिक दैट. नहीं नहीं, नॉट दैट. आई हैव सीन कि ये ओलंपिक्स में करते हैं लोग बिफोर दे पिक अप द. आल्सो मैंने तो इन लोगों को कॉमिक्स को पॉडकास्ट में करते हुए देखा, तभी खरीदा है. तो जो रोगन डज इट एवरी टाइम, थियो वॉन डज, बॉबी ली वगैरह, तो मैंने कहा सब पॉडकास्ट के पास है. वो वाला कौन सा स्मेलिंग सॉल्ट होता है जो नोट घुमा के लेते हैं? People really enjoyed him making fun of my short. Dude, people enjoyed so much. क्या हुआ था? अरे मैं एक शर्ट पहन के आया था, पर्पल था, तो बस पर्पल जोक उस पे टैग 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 मारे जा रहा था. अच्छा वो आज नहीं आया? अरे यार पर्पल टी शर्ट पहन. भाई शायद को मैं पूछता हूँ, मेरे ऊपर बोल दे पांच. तो उसने किया काफी, उसके बाद पीपल स्टार्टेड कमेंटिंग भाई वाओ ये कर दी, और लोग कह रहे टाइम स्टैम्प यही चाहिए. हाँ उनको बहुत मजा आया. और उसके बाद हम लोग ऐसे ग्रुप पे बात कर रहे थे, हमने बोला कि यार इनको बड़ा मजा आ रहा है. तो शायद सेंट एंड सीआईडी का जो अभिजीत था बहुत ही फनी था यार. दैट फिट द सिचुएशन सो परफेक्टली. उसके दांत में ऐसा गैप और यूं कर रहा है, इट्स वेरी फनी. हाँ रोस्ट तो लोगों को बहुत पसंद भाई, है रोस्ट के अलावा बाकी चीज कॉमेडी ही नहीं लगती है. yeah, कई बार तो ऐसे देखा कॉमिकस्तान में हिज बेस्ट पार्ट वाज द रोस्ट. मतलब मैंने बाकी देखा नहीं, बट रोस्ट वाज वेरी फनी भाई. अभी वो उसका प्रॉब्लम हो गया है कि रोस्ट, इफ एनीबॉडी नोज मी एट ऑल फ्रॉम द रोस्ट ऑन द स्ट्रीट, दे विल बी लाइक तू वो है ना, वो रोस्ट वाला ऐसे बोलते हैं. एंड देन दे ट्राई टू रोस्ट sometimes like they roast you, they try to roast you, and which is very like just a person roasting you, it always sounds offensive. Yeah. Like it hurts. Also matlab usme na to bhai dekh
जैसे इस वाले में जब शाद जोक मार रहा था ही स्टिल हैड शाश्वत एज एन ऑडियंस है ना यू नीड एन ऑडियंस उसमें यू नीड एन ऑडियंस देयर इज नो ऑडियंस इफ इट इज जस्ट वन ऑन वन तो देन द पर्सन यू आर इंसल्टिंग व्हाई वुड दैट पर्सन एंजॉय फिर उसे लड़ाई कहते हैं भाई हां फिर उसे तो लड़ाई कहते हैं आई वुड लाफ बट आई एम द विक्टिम सो आई कांट बी द ऑडियंस आल्सो भाई मेरे पापा के साथ मेरा रोज चल रहा है 15 साल जब से उन्होंने मेरे को पैसे देना बंद करा या एंड कमाल की बात है वही हमेशा जीतते हैं रोज हां यार की बातों के अलावा उनके पास छापड़ भी वो मतलब इलीगल मीन से जीत जाते हैं हर बार वो वाला इसका जोक सो यू हैड अ जोक कि इज एन इंटरनेट सेंसेशन द सेंसेशन इज पेन वेरी नाइस देयर सम रियली गुड जोक्स ओवर देयर ओके तो व्हेन यू वर ऑन द शो एंड एवरीबॉडी appreciated you for the roast round did it make you feel offended ki what about the other 6-7 rounds that I did before this I was just happy ki yeah you shouldn't be like that aaya kuch bhi honestly because yeah, yeah. this was your round sab aise kehte the ki hum we were really looking forward to you doing this specific round and closed our ears for the previous six nahi kyunki maine to comicstan hi nahi dekha I just saw the clips so why would I watch anything ab mere ko pata tha comics to yahi episode pe ja ke dekhenge I mean why would we watch the whole oh nahi maine to sara dekha tha I He genuinely watches a lot of comedy. Yeah, मैंने ही नहीं देखा. नहीं मैंने भी नहीं देखा. मैं तो अपना वाला सीजन तो बिल्कुल ही नहीं देखा. अच्छा थैंक्स यार. बस तूने और मम्मी ने बोला है मेरे को अब तक ये. हाँ मम्मी ने देखा पूरा. मम्मी ने देखा यार. I don't think my parents watched Comicstan. Really? Nah, not for me. They like ये सब कॉमेडी. I think it might have been because of the way you talk about Comicstan. That's true. That's true. That's also true. But I also like I have talked not in great ways. Yeah. But my mother doesn't trust my opinion. She must be like इसको क्या पता? ये तो best होगा. वो तो हाँ. From a positive point of view कि बेटा तुम तो हमेशा से अपने आप को undersell कर रहे हो type के. Correct. Correct. But let me at least sell you correct. हाँ हाँ. Yeah. Moms do that. नहीं but like you're saying right कि उसमें ये था स्केच राउंड वो सब था विच आई हैड नो कॉन्फिडेंस इन डूइंग लाइव स्केच तो आई वाज जस्ट कि ये है तो एटलीस्ट ये तो कर लेंगे यार एक चीज जिसमें मतलब जस्ट खड़ा होकर जोक बोलना है राइट ओके एक और कैन आई गिव माय हाइपोथेसिस अराउंड दिस कि since you are coming from the Bangalore scene yes. which really prides itself with the oh, we are the New York scene this apparently is this, this is not Clitopia this is Cellar we are roasting each other I am Patrice so did that give you some confidence ki bhai I am great at roasting मतलब मैं तो नहीं बोलूंगा कि हाँ यार दैट्स व्हाई एटीट्यूड से नहीं बोलूंगा मैं बट ऑफ कोर्स रोस्टिंग इज आवर फेवरेट टाइम पास तो इट डिड फील दैट इफ आई मेस दिस अप Yeah. फिर तो मतलब तो यू फेल्ट एडेड प्रेशर इन इट की हाँ बट दिस वाज गुड प्रेशर लाइक आई फेल्ट कि आई थिंक आई कैन डू दिस वाला प्रेशर व्हिच आई रेयरली फील इन लाइफ ऑनेस्टली वो वाला प्रेशर इन द फर्स्ट सीजन दे डिडंट हैव इट एज अ राउंड दे हैड इट एज अ पीआर एक्टिविटी एंड आई हैड अ गुड सेट देयर व्हेन आई वाज रोस्टिंग बट दे डिडंट पुट मोस्ट ऑफ द जोक्स हां आई हैड सो मेनी जोक्स अबाउट कनीज एंड केनी एंड ऑल दे डिडंट पुट बट दे लाइक दे recorded everything yeah they recorded also they had wo jo AIB wale writers and they were telling me ye wala mat karo I'm like of course I'm not gonna listen to you I did all of them so they were also didn't they had that thing yeah disrespectful but it killed people liked it and then Biswa went in like who did you like the best and people said obviously because I had a good set and we were like ये नहीं जीता एंड यू डिड ऑल दैट ये आकर ही आया है यू डिड ऑल दैट बट द रोस्ट थिंग जस्ट एज अ पीआर एक्टिविटी आई फेल्ट वाज फाइन दैट वाज द ओनली गुड पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन इट्स अ श्योर सेल हैविंग अ रोस्ट इन दिस काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन इज आल्सो लाइक अ बॉन्डिंग एक्टिविटी आई गेस बट आई मीन आई डोंट if you don't know somebody then it's not bonding that's why you have to know the person nicely but it's a new thing to expose the public to that we can do this to each other and
at least we should take it in the right spirit. I think this should happen. All styles of comedy should be normalized. Kisi na kisi tarah se. If this is happening to roast, I think it's great. But jis tarah se ye ho raha hai na, hum sochte hain ki wo roast ko as a joke writing aur ye sab kuch ki kya kara hai. उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रिशिएट करते हैं, वो ऐसे अप्रिशिएट करते हैं, गांड मार दी भाई, गांड मार दी, गांड मार दी, बट या मेजॉरिटी विल बी लाइक दैट, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगे, दैट इज द सेल, बट या इट्स लाइक मेरे को भी ऐसे ही हुआ था कि लाइक आई थिंक द जजेस लाइक्ड इट मोर देन द इन हाउस ऑडियंस बिकॉज दे वर वेरी यंग ऑडियंस इन द शूट एंड दे वांट सैवेज, सैवेज नहीं था मेरा, दिस पर्सन आई वाज जस्ट ट्राइंग टू राइट क्रिएटिव जोक्स व्हिच दे वर लाइकिंग बट दे लाइक उसको मतलब तोड़ नहीं दिया, ही सीम्स हैप्पी अबाउट इट, व्हाई इज ही हैप्पी अबाउट इट, या तो दे एंजॉयड व्हेन द अदर पर्सन गेट्स अपसेट, बट वो शुरुआत में होता ही है एंड देन इट गेट्स बेटर. मैंने और शाद ने एक बार किया था, और सृजन वाला भी, हाँ, तो दोनों में यही हुआ था कि वी वर मेकिंग, बिकॉज आई लाइक बोथ शाद एंड सृजन फ्रेंड, दैट्स द परफेक्ट जोन वेयर यू शुड, या सो वी आर मेकिंग स्टूपिड जोक्स, इसका चेहरा ऐसा, ही लुक्स लाइक अ डॉग, व्हाटएवर, एंड पीपल लाइक अरे ये सैवेज नहीं है, ये तो ये क्या रोस्ट है, इसमें तो बेइज्जती कुछ खास नहीं हुई, व्हाटएवर, शाद वाला, yeah, just be really like, no, but you can never aggressive. Please everyone, because then you go savage and then comments will come ki ye bura ho raha hai. I don't think roast mein hoga. Nahin? No, roast mein they want it because this is how it's been marketed also. Agar tum Justin Bieber wagera wala bhi dekho, usme rula do usko, rula do bhai, ekdam mar jaye, yeah. Mentally. But usme kya hota hai na, the person who's the subject of the roast, yeah, always it's someone who's sort of a hated figure in some way. Donald Trump liya tha unhone, Justin Bieber, Charlie Sheen, yeah. It's always someone who's in the, it's like Big Boss contestant type of person, yeah. Right. Famous but not loved, yeah. Or that was previously loved, correct, is now. So that anger that the audience has for these people, they is channel the same, through, yeah, these, yeah, people, mm. Ki Justin Bieber ko to bol diya, you should have been aborted, ye sab bol diya, yeah. And people were like, बेस्ट बोला भाई, बहुत सही बोला, हाँ. उसका मूड खराब हो गया, उसका पहले गाने का नाम बेबी है और उस पे अबॉर्शन वाले सारे जोक्स कर दिया. यहाँ पे अगर कोई हेटेड फिगर, लाइक इफ यू टेक समबडी हु पीपल कलेक्टिवली डोंट लाइक एंड रोस्ट हिम, आई डोंट थिंक दैट गाय विल बी रेडी टू गेट इट डन, यू नो दैट इज द इशू. लाइक गिव अ कोई प्रोबेबल कैंडिडेट कौन हो सकता है, अर्नब, या अर्नब विल से नो, डोंट रोस्ट हिम. That is a problem, no, na. Usme to there is also a political aspect, yeah, attached to it. I agree. If his reputation goes down, the agenda he's pushing goes down. Correct. But the thing is, if he accepts, it will really boost his, yes, like, yeah, the, yeah, way people, yes, see him. Yeah, yeah. The left would really appreciate. Yeah. I think Karan Johar did it and these guys, and usse uski image better hi hui thi. Karan Johar. Yeah. Yeah. Seemed more cooler. Yeah, seem cooler. Yeah. Nah, before that, he'll be like, oh, all high and mighty, correct, doesn't want to take jokes, correct, and also makes jokes on other people. Huh. Now, when he took those jokes, like, okay, cool. Same, huh, even and field. Also, you get to roast in the end of your roast, right? Yeah. If someone writes your joke, whatever is the case. But yeah, that's a nice, you balance it out. It's not like you leave just taking the roast. Fair, yeah. Yeah. Also, if you guys have done ever roasts apart from this, jahan pe lineup wala roast hota hai, where, yeah, you end up roasting other people also. Yeah. So if you are early, maine aise Bangalore mein kiya tha, I was early in the lineup, aur maine kar diya apna, aur fir in log bahut zyada savage the mere paas, yeah, and I felt like yaar ek second round hona chahiye isme. Yeah, because second you don't know what's coming. Delivery pe I always have two sets. One is ki if it is a healthy competition and if it gets ugly. Oh, nice. So then agar if the other person is not holding back, then I will also do the ugly jokes. Yeah, the ugly ones actually I have also done those jokes. But main is wale mein aisa hota hai ki it is one versus one. Yeah. As opposed to somebody going roast battle. So roast battle mein it is easy to figure out kya karna hai. Yeah. You go back and forth. Haan, jo tune aur Srijan ne kiya tha, right? And Shahad also. Haan, to wo to theek hai. Matlab maine waisa kiya hai, kuch sare jokes kiya hai on people who I don't even know that well, and I've said some mean thing. Just stupid. I don't know why I did that. I said some mean things about a comic. कि ये comic ही बेकार है. And I just, that's not a good. But हमारे पास दो ही options हैं. When the subject is not known, is either too funny nahi hai or that's your defect. Ha, face dekh ke ki bolte look at this. Jo maine kiya hai. Ki look at his face, look at his nose. Abhi us pe kar deta hu. You know, ha. But अब मेरे पास ऑप्शन क्या था, मैं वैरायटी ला रहा था अपने रोस्ट में, तो मैंने कहा कि मैंने ये जोक्स लिख दिए हैं, कुछ लिख दिए हैं, एक दो को मैं ऐसे एकदम जेन्युइनली बोलूंगा ये तो है ही. तो आई थॉट पीपल रिसीव, दे वर एंग्री, डूड, दैट कॉमिक गॉट रियली एंग्री विद मी, आई स्टिल होल्ड्स अ ग्रज. ओह डैम भाई, मेरे साथ
मतलब कॉमिक नहीं होता हूँ कौन है, ठीक है, तो एक ये रोस्ट मैं बता दूंगा हाँ. तो पता चली जाएगा. वो रोस्ट में कैप्शंस ऑन कर देना यहाँ पे, कैप्शंस में लिख देंगे. एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट हिज वाइफ, दैट गाइस वाइफ, ओके. और फिर राउंड 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 पे आके, तो मतलब मेरा किसी से हुआ, फिर उसमें जीते, फिर किसी और पे हुए, और फिर देन आई इवेंचुअली रीच दैट गाय. आई हैड नो कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट गाय, आई हैड ओनली हर्ड रोस्ट अबाउट हिज वाइफ, सो देन आई आल्सो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हिज वाइफ. तो और बट बाय द टाइम ही वाज सो फेड अप बाय दिस. एंड सेकंड, when I said the first joke, he said, dude, she's sitting right. Oh my God. Sorry. And then I immediately lost the roast. Because तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ था. And I felt very guilty. अभी roast पे sorry बोल दिया था. That's the end. Sorry. Yeah. खत्म है भाई. Dude, the funniest thing was they were roasting each other and like मैं तेरे divorce के बारे में बोलूँगा. Said don't मत बोल कर अब तो मैं जरूर बोलूंगा. कहता भाई मत बोल. गया and he started doing all divorce jokes and they all bombed. Dude, it was so the audience took it too like harsh. I don't know why but it all bombed and every rebuttal that did all killed. Like dude, he prepared so much and and it all killed. Like the audience came on idea. So whatever he was giving was like you were killer. There tumne dekha tha nahi maine audio suna hai iska but I was not there. Maine music concert gaya tha main for some reason. Main Bangalore mein do hi concert gaya aur ek roast ke din pe tha. Yeah, wo fun tha bahut kyunki maine likha tha ek do jokes usme. Kelt had done Kelt versus Neelaksh kuch tha usme. I think so. ek iska version. To kehta hai से कहता है भाई तेरी पंच लाइन नहीं चल रही, चल ठुमका लगा. Dude, it was just and people like यार क्या इसमें कहता है नाचता बहुत है कुछ कुछ तो and then he gave context. It's crazy. But it's enough. Usually in those shows, there's enough comics in the audience कि उनसे भी laugh आ जाए. 10 लोग जोर से हंस दे तो that's enough. मैंने ये किसी का सुना था कि देवेश ने बोला था इसको लगता है लोग मर के तारा बन जाते हैं. I think उसी को बोला होगा यार. हाँ क्योंकि if you don't know somebody, you'll say vague lines ना. जैसे सृजन ने भी एक vague line बोली थी मेरे में, which was his old joke कि कुछ तो fundraiser lundraiser. Like I've heard that joke. What the fuck? This is not a roast of me, but ठीक है वो बहुत ही vague ही था, क्या कर सकते. What has been your favorite phase in comedy? मतलब तेरे को याद करके कि ये वाले time में मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आया था stand up में. I think after 1 year into comedy, when I start getting like late. वो तो मतलब one day 7 years in है और मैं हूँ भी नहीं 7 years in comedy में. ठीक है वो मेरा मतलब मैंने प्रोजेक्ट किया है 7 years में होगा नहीं. 1 year in when I start getting spots in some sort of lineup shows जहाँ मैं somebody said ठीक है 5 minutes यहाँ कर ले. So it was great fun to come with your tightest five in a lineup where of you no pressure on you. Yeah, you don't have to close. You will get a nice. They won't put you first. They'll put you in a nice. तो वो कर लो और थोड़ा अंदर से अच्छा लगा. Nobody remembers you. Maybe sometimes one person see very nice. That was a nice phase because you had no pressure of going लेकिन somewhere. उस time पे you believe that क्योंकि sometimes people come and tell you कि actually मेरे को बाकी सबसे ज़्यादा आपका अच्छा लगा था कि आपका जल्दी ख़त्म हो गया था. No. लेकिन somehow that ये कोई नहीं बोलता. अब वो second line नहीं बोलते लेकिन तो मैं ऐसा लगता है कि जब मैं 20 पे आ जाऊंगा तो भाई ग्रेट दैट यू रियलाइज कि 20 पे आने में बहुत मुश्किल है एंगेज. नहीं मेरे को तो ऑडियंस आते थे 5 मिनट बहुत अच्छा गया. मैं बोला सोलो पे आ जाओ वहां भी 5 ही करूंगा. टाइट 5 ₹100 टिकट ₹25 टिकट. व्हेन डिड यू स्टार्ट गेटिंग लेट विद कॉमेडी? I don't think ऐसा मेरा कोई क्या बात चला है कि बहुत सारे just बहुत भाई. I think I started comedy like to get 27. अच्छा. So I was already like getting laid. मतलब I was not, I didn't get into it thinking कि अब तो बहुत मिल जाएगा. Yeah, same. And you need to have that mentality. I always thought this is a loser's profession. What? Whoa, dude! You he hadn't seen me, dude. then my perception changed everything. He's like number one bullshit. Yeah. then one day, मैं तेरे को देखा smelling salts कर रहा था तू stage के चढ़ने से. चला. ये है ना. ये वही बात. मेरे को देख के जो भी ऐसे लगे थे वो ऐसे stud नहीं लगते थे. Comedy में कोई stud नहीं होता. तो they seemed exaggerated versions of the people I found funny in boys hostel.
मेडल और ये सब टाइप के राइट, तो वैसा लगता था कि ये तो लाइक मतलब मस्ती मस्ती है, डिडंट सीम वेरी कूल, क्योंकि आल्सो द वेस्टर्न कॉमिक्स हैड कूल तो लगता मुझे, कूल लगता था बट वैसा लगता था कूल, जैसे तुम्हें लुईस सीके ऐसे देख के लगता था कि भाई ही मस्ट बी गेटिंग लेट कांस्टेंटली, नहीं लेट तो आई एम जस्ट डूइंग अ जोक बट आई एम सेइंग कि लुईस सीके कूल फ्रॉम अ बॉयज पॉइंट ऑफ व्यू दैट अदर बॉयज विल अप्रिशिएट इट टाइप का कूल लगता था कि हाँ आई तो मेनली लाइक द ऑफ स्टेज दैट यू कैन टॉक टू पीपल एंड इन एंड से व्हाटएवर टू ईच अदर, यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट जोक्स व्हिच यू वुडंट से विद अदर पीपल, कि सेंस ऑफ कम्युनिटी ये सब कुछ चीजें ड्रॉ लगा था बट इट डिडंट सीम कि कुछ रॉकस्टार टाइप का वो रॉकस्टार सेंस ऑफ कम्युनिटी के लिए या डूड हम लोग इधर बोले कूल लगा देखो प्रोफेशन नहीं तो कम्युनिटी मैं सिंधियों के लिए मंदिर बनाऊं सेंस ऑफ कम्युनिटी का एक जगह मिला है वो है कॉमेडी या यू गाइस हैव फाउंड अ हाउस इन कॉमेडी मैं तो भाई वन ईयर इनटू कॉमेडी आई स्टार्ट गेटिंग लेट अ लॉट तो मेरे स्पॉट्स मिस होने लगे थे मैं अपना टाइट फाइव कहीं और कर रहा हूं आज दिस इज अ जोक एवरी न्यू कॉमिक वुड बी लाइक आई परफॉर्म फॉर टू मिनट्स एंड शी वाज डिसअपॉइंटेड अरे भाई मतलब हो गए पूरी दुनिया कर चुकी है सब लोग हम वही किया है भाई जस्ट दिस वन जोक इज सो पॉपुलर दिस इज मोर पॉपुलर देन एनी कॉमिक दिस वन जोक दिस इज अ राइट ऑफ पैसेज पहले हफ्ते में आके करो या एंड आल्सो एवरी कॉमिक थिंक्स आई विल से दिस एंड दे विल थिंक एक्चुअली इट्स द ऑपोजिट वो जोक में बोल रहा है कि 2 मिनट नो बट नोबडी थिंक्स पीपल लाइक ऑफ कोर्स होगा 2 ही होगा इट्स ट्रू ये ज्यादा बोल रहा है कॉमिक्स एग्जैजरेट करता है 30 सेकंड 2 मिनट परफॉर्म करता है तो उसके बारे में 5 मिनट क्यों बोला है तू अभी ये अपना सेक्स टेप डालते तो रील बनती है और उसमें फोर प्ले इंक्लूडेड है अभी जो इंस्टाग्राम रील में 90 सेकंड फीचर गया तो मैं 3 बार डाल देता हूं तो क्या 3 बार का सेक्स डाल देता हूं मैं एक रील में तूने ब्रुकलिन 99 देखा क्या मतलब इन पासिंग टाइटल ऑफ योर सेक्स टेप नहीं 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 इसमें एक कहता है कि आई एम गोइंग फॉर कहता आई एम गोइंग विद दिस गर्ल फॉर 1 आवर एंड वी विल हैव सेक्स 23 टाइम्स ये अंदर वार को एक सेक्स गिन रह गया बट ये भी बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव हो गया जस्ट डू इट अगेन मेनी टाइम्स इट्स क्रेजी इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंप्रेसिव ही डज फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन बट ही डज सो मच इट्स जस्ट क्रेजी कीप्स कमिंग बैक लाइक मारियो मशरूम गाने लगा हाँ, ये क्या, हो क्या बोलते हैं उसको वो डॉर्मेंट फेज बहुत कम है उसका मतलब बिटवीन समझ गया ना तुम लोग नहीं ये कौन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं आई डोंट नो व्हाट डॉर्मेंट मतलब बिटवीन अटेम्प्ट्स बहुत टाइम कम हां ही डजंट वेट होएगा कि आई एम गोइंग विद हर फॉर एन आवर एंड वी विल हैव सेक्स 23 टाइम्स आल्सो वॉच अ 37 मिनट डॉक्यूमेंट्री हां मैथ्स तो परफेक्ट किया या एकदम क्लीन हो गया अभी बहुत देर से जो बैठा था कि मैं मन में 47 सोच रहा था फिर लग रहा था कुछ ऑफ है अभी मैंने भी तू जब बोला मैं कैलकुलेट किया आई वाज होपिंग कि एरर है इसमें तो एक जोक निकाल लूंगा कोई जोक वेरी गुड रिसर्च के होता ही नहीं मौका नहीं देता है कुछ भी झूठ रुक जा एक्चुअली मैंने उस कॉन्फिडेंस से नहीं करा कि तू यकीन माने एंड आल्सो वॉच अ 37 मिनट डॉक्यूमेंट्री नाइस एक बार मुझे सबसे अच्छा माइक ड्रॉप हर्ष गुजराल का लगा था ही ड्रॉप्ड द माइक and then he did this on the mic he dropped it and bujha diya mic cigarette nahi kuchal dete hain and this is the second level of mic drop that's epic mic that's crash like, the show is over this is I think aur wo karna chahiye ki mic drop kar diya aur fir fire engine aa gaya stage par aur fir wo kar the worst part is you do a mic drop in the middle of your set na so you have to pick the mic up and do it again so guys as I was saying dude it's so lame now you crush the mic थोड़ा झाड़ना पड़ेगा वो जूता लग गया स्पेशल में देख के मेरे वही सोचा था प्रीवियस वन टैम्बोरिन वो लास्ट में वो ऐसे फेंकता है और इट एंड्स ऑन द फ्रीज फ्रेम माइक इज इन द एयर ड्रॉप माइक ड्रॉप हां वो ऐसे हाँ ऐसे और वो माइक हिलता है और वो उस पर कट कर देता है बो बर्नम ने डायरेक्टोरियल कॉल लिया था कि वो
क्योंकि क्रिस रॉक इज नोन फॉर माइक ड्रॉप्स, वो हमेशा सारे में ही ऐसे करता है. और लुईस सीके उसका ही सेड आई यूज्ड टू जज हिम ऑन दिस की व्हाट इज दिस ब्लैक कॉमिक हु इज टॉकिंग लाइक दिस एंड ऑलवेज डज अ माइक ड्रॉप एट द एंड ऑफ हिज सेट. बट मैं सोच रहा था पोस्ट शॉट की द वेन्यू गाइज लाइक डेंट डाल दिया डूड हैबिटेट कभी ना दे इसको कैनवस तो कैंसिल करो पैसे अलग ले ले 2500 रुपए लाओ तुम. हमने इसलिए आपकी पेंडिंग पेमेंट 2 महीने और रोक रखी भाई. क्या यार विश्वा ने एक जोक करा था कि हम लोगों ने सोचा था मॉनिटर पे पैर रख के कुछ गाना करेंगे. तो हमने जैसी पैर रखा तो वहां से साउंड टेक्नीशियन चलने लगा है तुम साला बोका चौदह हर साल कॉलेज का लड़का आके हमारा एम्पलीफायर खराब कर देता है. लिटिल लेस ऑन द मॉनिटर प्लीज. यार डू दे वोंट लेट रॉकस्टार्स बी रॉकस्टार्स. इट्स नॉट कूल मैन. रिस्पेक्ट भाई स्टेज को रिस्पेक्ट करो. अरे किसी ने ऐसे किया था ना कि ऐसे रख दिया है स्टेज के ऊपर पैर और बलराज ने फोटो डाली कि डोंट हैव सो मच कॉन्फिडेंस बट नोबडी सेज एनीथिंग ओवर देयर. दिल भी लाइक अरे बस हटा लीजिए किसी को दे शुड गो क्रश दैट. मैं तो बोलता हूं फुट फेटिश है मेरे को प्लीज पीछे मैं चाट लूंगा. तो फिर कर लेते लोग की अजीब हो जाता है वाइब. इज दिस व्हाट वी हैव कम टू कि हम लोग को आई डोंट माइंड. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कॉमिक्स गेटिंग वेरी इरिटेटेड बाय दिस. इट डजंट बदर मी एट ऑल. नो सही में क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फुट फेटिश दिस इज जस्ट समथिंग दैट दे आर डूइंग इंपल्सिवली. अरे भाई तो इंपल्स तुम्हारे गंदे इंपल्स को तो रोकना हमारा काम यही होता है हमारा. भाई हम आए क्यों हैं? इंपल्सिवली मैं तेरे कबड़ में मूत दूंगा नेस्टेलिन पे तो तू गुस्सा नहीं होगा. इंपल्स था यार ये कौन सा उसने सोची समझी साजिश नहीं है भाई. वो प्लेन डिसरिस्पेक्ट के उससे नहीं कर रहे थे कि इसकी मां की ऐसे तो नहीं रखते वो बस वैसे ही रख देते हैं. हमें क्या पता उनका इंटेंट क्या है. आई बिलीव इन द गुड इन पीपल. भाई यही सबसे बड़ी गलती है लाइफ की तेरी. मैं तो बोलता पैर भी बाहर छोड़ के चप्पल नहीं मेरे को पैर नहीं दिखना चाहिए. पालथी मार के बैठो अगर मेरा स्टैंड अप सुनना है तो. हाँ मेरा शो इट्स लाइक कंप्यूटर लैब कॉलेज में कि बाहर चप्पल छोड़ के आओ पैर भी छोड़ के आओ. मुझे तो आप रामदेव बाबा मानिए. आप पालथी मार के जमीन पे बैठिए बहुत नीचे और यूं देखिए जितनी इज्जत मुझे चाहिए. अब हेड स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए मेरे को. हेड स्टैंडिंग ओवेशन इज ग्रेट ड्यूड. उसने बहुत अच्छा किया था एक जोक. अमनदीप आया आते ही कहता है कि थैंक यू फॉर सिटिंग ओवेशन. ब्यूटी ड्यूड जस्ट फाइंड थिंग्स. इट्स ऑल अबाउट काउंटिंग दीज थिंग्स. काउंट कर लो कि मिल गया मेरे को. वी ऑल नो ये हुआ है अभी. यू कांट टेक इट बैक. तुम सांस ले रहे हो ना. मैं उसमें जोक क्या रोक लेगा सांस. उसमें जोक ले लूंगा. अ बंच ऑफ पीपल डू दिस. वो स्टेज पे आते ही लाइनअप शो ओपन माइक ओके थैंक यू फैंस. फैंस आई लाइक इट क्योंकि यार आयरनी अमनदीप ऑलवेज शेयर्स एवरीथिंग ऑन हिज इंस्टाग्राम विद फैंस. एक उसने किया था उसके बाद आई थिंक समबडी कॉपीड दैट आल्सो बट ही यूज्ड टू डू दिस कि पीपल से यू डोंट स्माइल एज अ कॉमिक यू शुड स्माइल मोर सो नाउ आई विल स्माइल एंड देन वो अपना पूरा यहां तक ले आता है. म्यूजिक बजता हो जानम. आई डोंट रिमेंबर. या या बट इट्स प्रीटी दिस इज यूनिक एंड देन समबडी एल्स डिड इट. Now you've copied the thing. Just say somebody's people are in the room, you're like, oh, thank you for breathing in my aura. They can't stop breathing. Yeah, they just find out these loopholes and keep doing jokes about it. Absolutely mandatory thing that they are doing. Thank you for being clothed in my presence. Yeah. Really a big sign of respect. Yeah. The orgy starts in 3, 2. Just keep riffing on this. Thank you for being clothed, but please, dude, you don't need to be so formal in front of me. लड़कों का ये मूव होता है ना कि इफ दे सारे लड़कों का नहीं सॉरी मतलब यू सी इट इन मूव. नहीं नहीं मेरा भी हो सकता है क्या बता. या लेट्स सी वी डोंट नो येट. किसी को घर बुलाया अरे यार गेट कंफर्टेबल यार. यू सीन दिस इन मूवीज की अरे गेट कंफर्टेबल यार क्या है सब कपड़े-पड़े में बैठे हो. गाइस इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल टेल मी प्लीज. आई डिडंट वांट टू. भाई मैंने ऐसे बोला था जॉब इंटरव्यू में कि मैं एज यू ओवरडू इट यू वेयर अ टाई पहन के चले गए थे हम एंड दे वर लाइक वी आर अ कैजुअल प्लेस तो प्लीज ये टाई नहीं है एज अ जोक. इफ आई took off the they said take it off तो मैंने टाई निकाली. इट वुड बी फनी इफ दे लाइक बस वो नहीं अब खोलते रहे सब. यू आर स्टिल टू फॉर्मल फॉर द शाम.
मेरे कॉलेज में जिंगा आया था, जिंगा पोकर जिंग. तो व्हेन दे स्टार्टेड दे हैड अ लॉट ऑफ मनी क्योंकि फंडिंग वगैरह मिली थी एंड देयर इज नॉट. तो उन लोगों ने सारा पैसा ऑफिस में खर्च करे, वेरी लग्जूरियस है ना, और सारे गेम्स और हाफ. कुछ कंपनियों को चुल होता है दिखाना कि वी आर वेरी कूल, वेरी कूल पैंट वाला बोल रहा है, हाफ पैंट पहन के टेबल के ऊपर पैर रख के इंटरव्यू ले रहा है. क्या हो रहा है, चूती है क्या ये लोग? ये स्केच चल रहा है, ये इट वाज कंप्लीट स्केच. और वही किया उन्होंने. और उसके बाद जो लोग वहां पे गए दे जस्ट लाइक उन्होंने पूरी फंडिंग खर्च कर दी और बोला अब हम बैंकरप्ट. पूरा उड़ा दिया भाई. अभी बैंकरप्सी फाइल करने के लिए फॉर्मल शर्ट खरीदना पड़ा डूड. मैंने शुरू करा था निक्कर में ही आ गए भाई. जिन्होंने वहां पे जिन्होंने वहाँ पे पहली जॉब करी वो भाई सब यूएस टूर वगैरह करके आए. कह रहे हैं ऑफिस के पैसे पे इतना आई आज. भाई मैंने ऐसे एक थॉटवर्क्स बोल के एक कंपनी है, आई हैव हर्ड ऑफ थॉटवर्क्स. सो दे हैड कम टू आवर वो रिक्रूटमेंट के लिए कॉलेज एंड देयर पिच वाज कि तुम शॉर्ट्स में, शॉर्ट्स उनका मतलब हेडर था कि शॉर्ट्स में काम कर सकते हो. एंड सेकंड थिंग इट वाज नियर एकदम मेरे घर के बाजू में, तो पैदल आई कुड हैव गॉन इन शॉर्ट्स. मैंने लिटरली ऐसे अपने आप को बोल के आई वुड नॉट अप्लाई टू अदर कंपनीज, मैं बस यहीं अप्लाई करूँ मिल जाएगा मेरे को. मैं थर्ड राउंड तक गया था, चार राउंड है उनका शॉर्ट्स वाले कंपनी में. यू डन टू मच फॉर शॉर्ट्स. नहीं मिला मेरे को, बहुत सैड था मैं. अरे यार वो चार राउंड तो एक में तुम शॉर्ट उतारोगे, चड्डी उतारोगे, दो तुमको नंगे करने पड़ेंगे. इट्स अ लॉट ऑफ वर्क डूड. तीन तक इसीलिए ये जा पाया मेरे को बस. क्या उतारो? मेरा फीडबैक फॉर्म में लिखा कि प्रोग्राम अच्छा किया पर फुल पैंट्स में किया है, तो यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड. तो इंटरव्यू रिजेक्शंस में कौन कौन से रिजेक्शंस रियली गॉट इन टू यू जॉब में? मेरा तो एक, हाँ ठीक है बता. जॉब में मेरा यार रिजेक्शन में एक मेरे को अभी याद आ रहा है, इट वाज द ऑपोजिट. आई वाज इंटरव्यूइंग दीज पीपल बिकॉज आई वॉज गोइंग टू लीव, मतलब नॉट बिकॉज ऑफ माई पोजिशन, वी वॉज जस्ट मी एंड अनदर गाय इंटरव्यूइंग कैंडिडेट्स. तो एक बंदा आया था और उसने पूरा हक दिया, ठीक है, मतलब इट ही न्यू स्टार्टिंग से कुछ गलत ही बोल दिया, पूरा नाम ही गलत बोला अपना, ठीक है. एंड ही इट वॉज अ हॉर, आई डोंट हैव टू से वर्ड, इट वॉज वेरी बैड. एंड देन ही लेफ्ट एंड वी सेड दैट वील लेट यू नो वाला, एंड एवरीबडी न्यू वॉट दैट मीन्ट, राइट. और फिर वो वापस आया दो मिनट बाद, बोला एक्चुअली कल मेरा बर्थडे था तो बहुत लेट तक पार्टी किया हमने, प्लीज थैंक यू. चला गया. सोचा वी विल जस्ट कंसीडर दैट फैक्ट, बी लाइक फिर तो एक्चुअली बहुत सही होगा ये बंदा उस हिसाब से. तो कि इसका वर्स्ट कितना मतलब पॉसिबल है. बट दिस इज अ ट्रिक डूड, दिस यू यूज इट सो मेनी टाइम्स कि लाइक आई हैव कैंसर. हां, यू यू वर्क हार्ड, यू गिव योर बेस्ट एंड बी लाइक ये तो मेरा 20%. अरे भाई तो यू आर स्कैर्ड ऑफ फेलिंग एट योर 100%, व्हिच इज yeah. I never took part in these races in sports day and all fear for that fear that I will look it. Visibly that I've put 100%. Yeah. I'll be sweating and yeah, if I don't win. Yeah. Nah, nah, nah. This is and this everybody, even athletes have. I have friends like who do MMA and they're like, "I didn't apply for 3 years." Because I was like, "I'm going to lose." And then I was saying that I was not in my फियर नहीं है, द फियर इज डिफरेंट. आई एम गेटिंग ह्यूमिलेटेड, दैट फीलिंग गोज अवे, इट बिकम्स अ स्पोर्ट. किया ये जीत गया ऐसा हो गया. बट मेरे को तो स्पोर्ट में भी हार के खराब ही लगता है. ऑफ कोर्स ग्रुप स्पोर्ट में भी फुटबॉल हमारी टीम को हरा दी तो वैसे लगता है फक. बट दैट्स इजीयर, ग्रुप स्पोर्ट है ना, कि 11 से तुम्हारी शेम डिवाइड हो गई. करेक्ट करेक्ट. Yeah, it's also there is some fun in getting humiliated together. Together, yes. Bonding, bhai. Yeah, bonding. You chill with all the losers. वो बहुत ऐसे आते हैं यार. भाई हमने ऐसे किया था कॉलेज में स्पोर्ट्स, we had gone football inter school कुछ, and we got beaten 2-0. और हमें लगा, वी सेलिब्रेटेड लाइक अ विन बिकॉज वी थॉट हम बहुत पूरी तरह बड़े मार रहे हैं. एंड वी स्टिल टॉक अबाउट कि याद है पोस्ट मारा था तूने 17th मिनट पे, दैट वाज द हाईलाइट ऑफ आवर गेम कि बंदे ने पोस्ट मारा लग गया, मतलब गोली नहीं नहीं बचाया था, वो शॉट तो बहुत स्ट्रांग था तेरा. एंड वी कलेक्टिवली टेक क्रेडिट फॉर उसने पोस्ट मारा था जो. फेयर, आई लाइक दैट. बट तेरा कुछ है जॉब इंटरव्यू रिजेक्शन वाला? दो एक तो था मेरा फोर्थ ईयर में इंजीनियरिंग में, वो आया हुआ था, अरियर आया हुआ था और
एक ही कंपनी थी जो अरियर के बावजूद भी ले लेती ले लेते थे, म्यू सिग्मा आती थी। हाँ, म्यू सिग्मा, याद है भाई। तो म्यू सिग्मा जब आई थी उनका उनका याद है पैकेज, पहले 3 साल, पहले 3 लाख, फिर 7 लाख, फिर 11 लाख, जस्ट क्रेजी स्टफ। फिबोनाची सीक्वेंस ऐसा पड़ रहा है यार, तुमको 3 साल रुकना है तब तुम्हें अच्छे पैसे मिले। तो म्यू सिग्मा जब आई थी और वो मेल्स भेजती थी ना प्लेसमेंट सेल, तो उसमें लिखा हुआ था नो अरियर्स अलाउड। तो आई रीच्ड आउट टू समबडी इन द कंपनी, उनका वेबसाइट वगैरह निकाल के, और मैंने कहा कि हमें लगता था कि और फेयरली एक्सेप्टिंग, कि एक अरियर तो क्लियर कर ही लेते हैं लोग। तो उन्होंने कहा या वी स्टिल एक्सेप्टिंग, अरियर्स आर अलाउड। तो मैंने कहा बट जो मेल आया है वो तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, लेट मी चेक। फिर उसने चेक करा, तो देन आई फॉट माई प्लेसमेंट सेल कि दे आर ओके विद दिस, बाय आर यू नॉट ओके। तो ये निकला कि उनको अपनी तरफ से हैसल नहीं चाहिए था, बच्चे शॉर्ट लिस्ट और हो जाते हैं। तो देन आई रियली फॉट फॉर इट, देन दे चेंज द क्राइटेरिया एंड पीपल विद अरियर्स कुड अप्लाई, and then I didn't get selected. Arey, so it felt very embarrassing. So you changed the system at least. Yeah. But one guy got selected because of you, जो इसका career आया हुआ था, and he was very unhappy in his job. Oh. It's not a good job, obviously. New Sigma, dude. Basically, nobody won in this story. Yeah. Yeah. There's another. Can we shit on companies? There's another one called Futures First. Futures First. हाँ, पता है तुझे? Sounds familiar. Yeah, जिसमें basically तुमको पैसे देते हैं वो लोग ऐसे। ये दोनों words सुने हुए मैंने। मेरा first future. तो abortion clinic. Yeah. और जी उसके बाद future second, future. तो futures first में क्या है कि it's a trading company, तो वो तुमको basically trading सिखाते हैं और उसके पहले वो तुमको पैसे देते हैं और फिर कहते हैं कि तुम खेलो इससे game type का, और अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा है उस हिसाब से तुमको बोनस मिलता है। बट एवरीबडी परफॉर्म्स बैडली, क्योंकि किसी को आता नहीं है, तुम लर्न कर रहे हो वहाँ पे, पैसे फोल्ड करके घर वर बना देते हैं। नहीं नहीं, तो द थिंग इज द कल्चर ओवर देयर इज सो टॉक्सिक कि तुम अंदर घुसोगे ऑफिस में, बड़ी बड़ी स्क्रीन है और लोग गालियां दे रहे हैं। अरे बिकॉज दे ट्रेडिंग और उनके पैसे उड़ रहे हैं ना, तो दे ऑलवेज इन स्ट्रेस और 12-12 घंटे की शिफ्ट है और वो गालियां ही दे रहे हैं यार। और उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हारा आपस में जो कलीग्स हैं उनमें एटिकेट होगा, मेरे पैसे डुबा दिए, क्यों तूने ये बोला, है साले तेरे को मांगे तो। दिस इज हैपनिंग इन द ऑफिस, इट्स जस्ट क्रेजी। पीपल हु नो फ्यूचर्स फर्स्ट कमेंट डाउन भाई, एचडीएफसी का ये छोटा सा हुआ एक, उसमें लीक हो गया, वो मैनेजर ने स्वेयर किया। तो फ्यूचर्स फर्स्ट का तो बहुत पहले से होना चाहिए था। डूड इट्स क्रेजी द कल्चर एंड पीपल, लाइक हसल कल्चर बेसिकली। या या एंड दे फायर, सो द अट्रिशन रेट इज आई थिंक 70% और समथिंग, दे हायर एंड देन दे थ्रो पीपल आउट, क्योंकि तुम्हारा परफॉर्मेंस साउंड्स लाइक वो फाइट क्लब में प्रोजेक्ट मेहम जो होता है कि उसके एंट्रेंस पे यू फैट फकिंग पीस ऑफ शिट गेट आउट, इफ यू आर एबल टू सर्वाइव दैट इंसल्ट हां तो फिर तुम आ जाओगे। डू वी चेंज द नेम, फ्यूचर सेकंड की बात कर रहे हैं हम, बस की बात नहीं कर रहे, सॉरी। इट्स लाइक ये तो वो मेरे को इससे ये याद आ रहा है, गैरी वी, गैरी जो मोटिवेट करता है वो बहुत स्वेयर करके मोटिवेट करता है ना, लाइक पीपल आस्क हिम गेट ऑफ योर फकिंग एस, या लाइक आई एम नॉट एबल टू सक्सीड, इज लाइक बिकॉज़ यू आर अ फकिंग फेलियर, स्टॉप फकिंग फेलिंग एंड स्टार्ट फकिंग सक्सीडिंग, सिंपल। थैंक्स सर, दैट वर्क्स। मतलब सलाम करके बैठ जाता है कि समझ गया, व्हाई डिडंट आई थिंक ऑफ दिस, आई जस्ट नीड टू स्टॉप फकिंग फेलिंग। या आई वाज थिंकिंग ऑफ दिस weakest approach of stopping failing. Yeah, yeah, but fucking stop fucking failing is, you have to kick failure's ass, you can't just stop it, you can't be nice to failure, he'll stay aise maro ki failure wapas knock bhi na kare darwaza bhai. Actually maybe when I was upset by Mu Sigma not selecting me, it was also because I had imagined in my head ki मैं कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल डालूंगा आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड, तो तेरा पोस्ट खराब कर दिया होगा, तेरा ये मोमेंट छीन लिया। तो मैंने सोचा था कुछ सोशल मीडिया विन, क्योंकि मैं प्लेसकॉम से लड़ लड़ के इतना एंग्स्ट भर गया था मेरे अंदर कि मैंने ऐसे वन शॉट हेड शॉट ये सब सोचा हुआ था। लास्ट सेम में प्लेसमेंट में बैठ के सब कुछ बहुत खराब लगा था मेरे को देखना, तो वो बहुत ह्यूमिलिटी। और वो भी अरियर कैसे हटाया था, मैं जो टीचर था
उसके पास जाके बहुत ऐसे शर्ट वर्ट के गलत बटन लगा के चला गया था कि मेरी फैमिली मेरे से बात नहीं कर रही, कह बैठ बैठो चाय पियो. तो उसने फिर आउट ऑफ सिंपथी मेरे को पास करा था. तो जो मैंने अपने मन में एंग्स्ट सोचा था कि ये भी क्लियर कर लूंगा, सबको दिखा दूंगा, कुछ भी नहीं हुआ. इवेंचुअली हाथ जोड़ के वापस सब लेना पड़ा. बहुत दिस इज रियलिटी डूड. ये जो घर पे बैठ के दिमाग में सोच रहे हैं कि ये करूंगा स्टोरी बनेगी, सक्सेस स्टोरी में हमेशा पीछे बैक स्टोरी बहुत ही स्ट्रगलिंग वाली होनी चाहिए. पीपल थिंक उसके बाद मैं यूं निकलूंगा ईगल की तरह सोर. डजंट हैपन लाइक सारे दुश्मनों को कुछ कुछ नहीं. ये है और तुम यहां सोर कर रहे हो भाई सेकंड फ्लोर के लेवल पे प्लीज. बट आई थिंक मेरे को ये याद है कि प्लेसमेंट सेल में ये हुआ था कि एक कंपनी आई थी एंड दे टुक ऑल द पीपल, एवरीवन थॉट दे विल नेवर गेट प्लेस्ड, उनको उठा लिया पहले ही. ओके. एंड दे वर द फर्स्ट कंपनी टू प्लेस पीपल. तो दैट डे ना आवर होल बैच दे वर शेकन कि कुछ अभी कुछ लॉजिक ही नहीं बचा. ये 10 लोग जिनको प्लेसमेंट नहीं होना था उनको पहले हो गया. तो व्हाट आर वी आर स्क्रूड, लाइक ऐसे लग रहा था हमें. अबे तो वर यू अ गुड स्टूडेंट in school? I was in college, I was just, I was decent. I gave up on, like, it was not my focus. No, but you're saying you were not the... What was your focus? मतलब म्यूजिक बजाता था, मैं टाइम पास करता था. नो नो, व्हाट आई एम सेइंग इज, तो जैसे तू बोल रहा है कि दीस वर द 10 बैड स्टूडेंट्स, तो यू वर अहेड ऑफ देम, राइट? नो नो, आई वाज इन द मीडियन एटलीस्ट. या या, अबव द मीडियन. ओह ग्रेट, दैट्स ग्रेट डू, अबव द मीडियन. आई हैव नेवर सीन दैट. आई वाज इन द टॉप 363 इन द ईसी बैच ऑफ 680. Because our college used to release rankings beautiful, publicly. Dude. You guys are pretty good then. Oh, I used to see the bell curve like this. As a bottom. Fuck, where is it going? Why is the worst? बिल्कुल बीच में था. 363 of 680. तो क्या अच्छा है? तो भाई तू मिडिल में ना, मीडियन है. I was way below median. भाई तेरे सबसे ज़्यादा दोस्त होंगे यार. हाँ भाई obviously everybody. 6.7 pointer है तू यार. क्या बात कर? Dude. ये very close. 7 point. No, pretty. तो मेरा तो बहुत ही बुरा था. तो मेरा तो वहाँ पे बिट्स में ऐसा होता है, जीरो डे जो प्लेसमेंट होती है उसमें सबसे पहले कूड़ा हट जाता है, सारे लोग चले जाते हैं उसमें. एंड आई वाज लाइक कि अगर मुझे मैं चला जाता हूँ, अगर इसमें हो गया तो देन तो चिल है. तो उसके बाद मैंने किसी में अप्लाई नहीं किया. आई वेंट देयर एंड आई अप्लाइड इन वन मोर श्लम्बरजे, उसने लिया नहीं. एंड देन दैट्स इट. श्लम्बरजे का एक मुझे पता है कि उन लोग अपने ऑयल रिग्स पे मेथ देखे लोगों को काम करा रहे थे भाई. 18 घंटे काम करने हैं, तुम कैसे करोगे? फिट राइट इन विद योर स्मेलिंग सॉल्ट. हाँ, ये जो च्यवनप्राश के डब्बे में कोकेन जो रखा है तूने. या हाँ, तो व्हिच कंपनी वर यू प्लेस्ड इन, आर यू अलाउड टू से? या हेडस्ट्रॉन्ग. हेडस्ट्रॉन्ग, या क्या हेडस्ट्रॉन्ग? इट्स अ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी. अच्छा, या तो ये मास रिक्रूट कर लिया बहुत लोगों ने, मतलब लाइक बट फ्रॉम गुड कॉलेजेस. बट या whoever goes there, उसका हो ही रहा था. अच्छा, तो मेरा हुआ जीरो में और उसके बाद मैंने सिर्फ श्लम्बरजे में अप्लाई किया, उसमें हुआ नहीं. एंड नोबडी एल्स, आई डिडंट रियली अप्लाई टू एनीथिंग. अच्छा, मेरे को हुआ था एलएनटी में. एंड हां, एलएनटी भी जाते वाज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. इट्स लाइक मतलब यहीं जानना चाहिए अगर असली में कुछ सीखना है. एंड सिविल आल्सो, सिविल आल्सो, मैकेनिकल आल्सो एक्चुअली. या कोर बेसिकली मैकेनिकल. आई मीन या मैकेनिकल हैज अ लॉट मोर ऑप्शंस. आई थिंक केमिकल मैकेनिकल हैज बेटर ऑप्शन. बट इनके कोर कंपनीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की भी कोर बहुत कम आती थी, ज्यादातर कोडिंग और उसकी आती थी. ट्रू. या एक हमारे में बहुत कवेटेड जॉब होती थी, अमेरिकन एक्सप्रेस. उसमें भी मैं इंटरव्यू तक जाके रिजेक्ट होता एंड आई फेल्ट वेरी बैड. बट वो भी कोडिंग का ही जॉब है. हाँ, कोडिंग का ही जॉब था, लेकिन सारी कोडिंग के सूट पहन के कोड करना पड़ता है उसमें. थोड़ा यही में बॉम्बे में ही तो थॉट वर्क्स का ऑपोजिट. मेरी कजिन का हुआ था बॉम्बे में ही ऑफिस. तो उसने मेरे को मेरे से सब पूछे थे, कहता तुम्हें एक केक को काटना है तीन स्लाइस में 8 पीस करने हैं, कैसे करोगे? मैं सोचा था मतलब मैं क्यों करूंगा ये. बट अरे भाई, एल्गोरिथम के लिए करते हैं ऐसे ऐसे. और फिर अटक ही गया, फिर इक्वल पार्ट्स. और फिर मेरे दोस्त ने बताया भाई ऐसे ऐसे और फिर बिट से. ये दोस्त लोग कंप्यूटर इंजीनियर वाले वो करवाते तो मुझे मजा आता. तो उन्होंने गूगल वाले क्वेश्चन मेरे से पूछे, मैं कर लिया. अच्छा, मजा आता मेरे साथ ये सब चीजों में. कभी कभी क्लिक हो जाता है कि सही जोन में हो ना. कभी कभार मैं किसी भी जोन में रहूं, मेरे को कभी क्लिक नहीं होता जोन में. बस मेरे को उसमें मस्ती मजाक आता है कि अरे एचआर बनाने वाले कैसे ये सब आता है बस मेरे दिमाग में.
नो ये तू सही कह रहा है कि इफ इट क्लिक्स देन यू गेट इट इमीडिएटली, वरना तुम घंटों सोचते रहो आएगा ही नहीं। लेकिन और फिर पैनिक करते रहते हो कि इसको भी समझ में आ गया यार ये बाजू वाले ये बहुत जोर से लिख रहा है अभी। नहीं, आल्सो सब ऐसे बोलते थे कि इवन इफ यू आर अनेबल टू अराइव एट द करेक्ट आंसर एटलीस्ट शो मी द मेथड, तो मैं उसके सामने ड्रा कुछ कुछ करे जा रहा कि इसको क्या क्या एनालाइज कुछ कुछ लिखने की कोशिश नाटक कर रहा था कि कुछ तरह से वो कर लो और वो बहुत वैसा नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा चलो अगर बताओ एक आदमी को तीन बॉनों में बनाना है कुछ जो भी वो गेम खेले जा रहा था उसके एक आदमी को तीन बॉनों में बनाना तो कौन से लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाले आए थे तेरे पास, व्हाट इज दिस रिक्रूटमेंट। और वो हर एक चीज में से एक एक मिनट दे रहा था और विजिबली डिसअपॉइंटेड, तो मैं आता क्या है, मैं कहा मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन अपनी ब्रांच आती है भाई ये सब कटिंग वगैरह बेचो, यू स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग द टेस्ट या ये क्या पूछ रहा है एल्गोरिथम के नाम अच्छा वाला देना मेरे को पेपर वापस किया। अरे मैं ZS एसोसिएट गया था उसकी तो स्टोरी बताई देना, ZS ही आया कि मैं गया वहां पे और उनके ना तीन चार जो भी राउंड होते हैं वो हो गए और उसके बाद प्रिंसिपल राउंड होता है क्या ना, वो प्रिंसिपल आता है उससे बात करनी हो तो उसने सब हो गया मेरा बढ़िया जा रहा था एंड उसमें लिख दिया था रेकमेंडेड विच मींस हो जाएगा है ना, तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, देन दे सेंड मी टू द अदर प्रिंसिपल वो इज माई ब्रांच व्हाटएवर इससे भी बात करूँ एंड हो गया इंटरव्यू। उसके बाद उसने पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, मैंने कहा व्हाट हैव यू गिवन बैक टू द सोसाइटी, कहता है आई हैव डन माई ओन विज या व्हाट आर दोस, कहता आई थिंक वी आर डन विद द इंटरव्यू एंड देन दे डिडंट टेक मी डू व्हाट जस्ट दैट या ही गॉट पिस्ड एंड देन डिडंट टेक मी, यू नेवर नो व्हाट विल गेट यू नॉक्ड आउट, उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन करना आई थिंक सबसे बड़ा वो या बट आई डिडंट रियलाइज कि मैं वो कर रहा हूँ। उसने बोला कि कुछ पूछो मेरे से और मैंने कहा मैं क्या क्रिएटिव अभी सोचूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे क्या पूछूं, तुम्हारा सनसाइन क्या है, टॉरस, ओह मेक सेंस, बट थैंक यू सर, नो फर्दर क्वेश्चंस, और व्हाट इफ ही इज लाइक यू बिलीव इन सनसाइन्स, ही इज आउट, इफ ही इज द गाय हु इज नॉट अ बिलीवर, व्हाट विल बी योर क्वेश्चन टू योर इंटरव्यूअर आफ्टर नोइंग, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरा हो गया, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं क्या वो पूछो क्या पूछना है, क्या किया तुमने व्हाटएवर, बट ऑफ कोर्स आई वाज नॉट इन द करेक्ट जोन फॉर द इंटरव्यू, बट अगर तुम होते व्हाट विल यू आस्क द इंटरव्यूअर, मैं एक जो कॉन्शियसली करता था बताता हूँ कि मैं सोचता था कि जॉब के बारे में कुछ और क्यूरियोसिटी दिखा दो उसको, यही इंटेंट है उनका ये सब पूछने का, तो मैं ऐसा पूछता था कि इफ आई स्टार्ट विल आई बी स्टार्टिंग इन द बैंगलोर ऑफिस, अच्छा आपके ऑफिस में पार्किंग है, करेक्ट, दिस इज यू टॉकिंग इन अ वे कि ऑलरेडी हो गया, या या या, बट दिस इज आई थिंक विद नॉलेज, दिस इज व्हेन यू हैव ऑलरेडी रेड कि इस तरह के आंसर कैसे देने होते हैं, आई हैड नो क्लू, तो पता कुछ लोगों ने क्या एग्जांपल दिए, मंडे एग्जैक्टली कब पहुंचना है, एग्जैक्टली उस बंदे ने क्या पूछा, व्हेन शुड आई स्टार्ट, दिस इज माय, अरे व्हेन, ये सब थोड़ी हम कहां से मेरे दिमाग में आएगा, ये मूवी से एकदम उठा के, या ये पूरा उसने नहीं मुझे बताया, बट लाइक पीपल हु हैव टोल्ड मी कि ये आंसर होने चाहिए, सुनाई बातों पे मैंने भी फिर ये करा था कि शो मोर इंटरेस्ट इन द जॉब की, नहीं ये व्हेन शुड आई स्टार्ट वाला चीज सिर्फ लैंड करता जब उसके बाद जो मूवी का डायरेक्टर है वो म्यूजिक लगाता है, अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेरी ऑकवर्ड मोमेंट, एक्सटर्नल एग्जामिनर आया था कंप्यूटर साइंस लैब कुछ था कॉलेज में एंड उसने कोड का वो C++ कोड का एक पीस लिखा था, यू हैव टू गिव द आउटपुट, तो उसमें उसने एक सेमी कोलन भूल गया था, तो मैं रियली सोचा कि सिंटैक्स एरर है, ये ट्रिक क्वेश्चन है, बोले उसने बोला व्हाट इज द आउटपुट, बोला एरर है, उसने जीरो डाल दिया मेरे को, उस मेरे को जीरो आया उसमें एंड द इंटरनल एग्जामिनर एक्सटर्नल टॉक कि नहीं नहीं इसको आता है कंप्यूटर साइंस, आई एम लाइक रियली एरर है, इट्स लाइक एक्टिंग टू स्मार्ट, यू थिंक मेरे को नहीं पता है सेमीकोलन होता है, बोला भाई हाउ डू आई नो इट्स अ ट्रिक और नॉट अ ट्रिक, या दिस इज अनफॉर्चूनेट ऑन मैन, आई रियली लाइक दिस लाइन आल्सो, यू यूज्ड टू हैव इट इन योर गो एयर सेट, यू रिमूव्ड इट, क्योंकि कहता है इट इज नॉट रियली योर फ्लाइट, contact over smart, yeah we'll see you when we see you, yeah don't act over smart ki dant is fairly common, yeah it's also anytime you can drop it and be like chal jayega wo line, because maybe you start doubting ki main over smart tha kya abhi kuch main bola, which can be interpreted as over smart. When do we find the ceiling in our smartness,
When will the smartness end? Of peak smartness, beyond which it's over smart. All right, that's enough smart. Stop there. It's very tough to figure that out. Because actually, in their defense, our smartness is just कि मुंह फटे कुछ भी बोल तुम्हारी स्मार्ट जो तुमको ऑर्डर दिया वो करोगे तो स्मार्ट हो अगर ज्यादा उसके आगे बढ़ा क्योंकि जो ऑर्डर फॉलो करते हैं दे आर बियॉन्ड अस कि उनको दुनिया के तौर तरीके पता है और वो उस गेम को खेल रहे हैं ढंग से भाई बिल्कुल डिप्लोमेसी सीखनी है थोड़ी सी पॉलिटिक्स सीखनी है थोड़ा सा जस्ट कीपिंग पीपल हैप्पी इज द मेन जॉब कोई फील नहीं है उसमें यार ना कोई फील नहीं है बिल्कुल ये जो बेकार गेम है छोटे मोटे रिबेलियन करके चालान कटवाने की जो मस्ती है ना कब सुना तूने इसकी अरे मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर दिया यार 3 महीने के क्या क्यों क्या किया तूने लड़ लिया ट्रैफिक पुलिस वाले ओह माय गॉड भाई तूने नहीं सीखा अपने प्लेसमेंट वाले बट किसी और का नहीं होगा जो तूने मतलब जो भी तूने सह लिया है ना बिकॉज ऑफ यू समवन एल्स सम अदर ड्राइवर विल बेनिफिट हाउ जैसे तेरा अभी तूने जो बोला तेरा प्लेसमेंट के साथ भी हुआ कि नो ओनली आवर व्यूअर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस एंड दैट इज व्हाई यू वॉच बता दे इनको स्टोरी बता दे जिससे दे कैन बेनिफिट जगह है गुड़गांव में जहाँ पे 50 स्पीड लिमिट है बट थ्रू मल्टीपल परमिटेशंस आई हैव रियलाइज्ड नन ऑफ द कैमराज वर्क देयर ओके तो आई ऑलवेज ड्राइव फास्ट देयर व्हिच इज फकिंग बिग डील पुट बिहाइंड बार 60 की स्पीड में चला रहा हूं मैं बेंचोद ठीक है तो उसने एक गाड़ी रखी हुई थी जहाँ पे उसने फोटो ले ली मैं कहा ओवर स्पीडिंग है ही नहीं उसने मेरे को फोटो दिखाई नंबर दिखाया ये तुम्हारा नंबर है यहाँ 64 की स्पीड चल रही है तो मैं कहा तो ठीक है चालान चढ़ा दो कह रहे चढ़ा दो क्या होता है लाइसेंस जमा होगा मैं कहा लाइसेंस आप नहीं जमा कर सकते हो जो कि कंपलसरी नहीं होता है उसने कहा हाँ कंपलसरी नहीं है बट मैं तेरे को जमा करके दिखाता हूँ आज ईगो हर्ट कर रहा है पुलिस वाले उसने कहा पुलिस से बात कर रहे हो तो उसको बोला ट्रैफिक पुलिस से बात और उसने कहा पीछे पिछाट पिछाट फिर तो वो चिढ़ गया मेरे से बहुत बुरी तरीके से और फिर उसने लाइसेंस ले लिया और एक्चुअली उस गेम यू कांट बी शॉक्ड एट दिस डूड और उस गेम में भी वंस ही टुक इट I thought ठीक है उस पॉइंट पे I was just in a very irritated mindset I thought fucking let him take it because I thought even if they take it वो receipt लेके तुम चला सकते हो फिर जब उसने जब receipt वगैरह निकाल दी actual game ये था कि वो निकालता लाइसेंस जमा कर लेंगे बोलते मैं बोलता 500 रुपए ले लो और फिर वो रख लेता ठीक है कभी कभार उसने ऐसा करा है कि 500 रुपए भी रख लिया और लाइसेंस पे चढ़ा भी दिया चालान तो आई एंड अप पेइंग 2500 instead of just 500 या फिर तो मैं थोड़ा माइट एज वेल पे 2000 instead of ये फिर जब उसने स्लिप लिप काट के चलान की दी मेरे को उसने कहा तुम नहीं चला सकते अब 3 महीने तक तो तब मेरी गांड फटी मैं कहा कुछ कर सकते हैं कह रहा है ये सब पहले बोलना था तेरे को अभी बकवास कर रहा है मेरे से तो क्या ऑफिशियल रीजन क्या है मतलब ओवर स्मार्टनेस ओवर स्पीडिंग एंड देन हिम व्हाट ही डिड दैट इज द मेन रीजन वाओ तो ओवर स्मार्टनेस एक्चुअली यस ओवर स्मार्टनेस 64 के स्पीड पे गया था तू या बट डूड यू टॉकिंग टू द पुलिस ट्रैफिक पुलिस ऑफ कोर्स व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आफ्टर दैट डूड ऑब्वियसली जो जेल भी ले जाएगा तो 64 के ज्यादा स्पीड पे ले जाता वहां से डबली इंसल्टिंग अगर वो जेल भी ले जाता तो वो कौन ट्रैफिक जेल होता सड़क पे एक डब्बे में बंद कर दिया लोग आके बिस्किट दे रहे अब ट्रैफिक नहीं है आप गाड़ी नहीं चला सकते तू बोल क्या हुआ है उसका नेक्स्ट स्टेप मैं एक ट्रैफिक टावर में 1 घंटे के वीडियोस देख के आया हूं मैं एक्सीडेंट्स और रूल्स वगैरह फॉलो करने के और उसके तो मुझे लगा अब इमीडिएटली दे देंगे फिर उसके बाद उसने सब चालान वालान वो जो टोकन वोकन दिया कि मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी वो दिया मैं कहता 3 महीने बाद माना मैं कहा मैंने ट्रेनिंग खत्म कर ली कह रहा हाँ तो तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंडेड है 3 महीने मैं कहा तो नहीं चला कह रहा तुम्हें क्या चीज सस्पेंडेड के बारे में समझ में क्या नहीं आ रहा है बट तब तो लगता है कि अरे कुछ तो तरीका कुछ तरीका होगा हाँ वही मैंने बोला मतलब और दे हैव मेड ये घुटने पे बैठ गया अरे नहीं होता ये सब नहीं होता दे मेड श्योर कि कोई तरीका नहीं है क्योंकि वहां पे जो आप चालान के भी फीस भरते हो ना उधर सब कार्ड से होता है वाओ तो वहां पे सब ये भी लोग घूम रहे होते हैं कि भाई कार्ड का आपको मैं कैश दे रहा हूँ आप अपने कार्ड से पे कर दो ये कर दो मैं मेरे को ये सब धंधे में नहीं घुसता वाओ या not worth it man but now you've learned all the traffic yeah, it is routes. Not worth the hassle of course. Really enjoyed posturing but that also went away immediately kyunki uske turant baad maine kaha kuch kar sakte ho to wo mere se itna irritated hua ki hame yahi to game khelna tha bhai jo chutiye tune kharab kar diya pura matlab tune mood hi kharab kar diya honestly ab mera yeah it's yaar wo the ball is completely in their court there is no point of you trying to yeah but I have learned this कि अगर वो लोग तुमसे लाइसेंस पूछ रहे हैं तो तुम उन्हें फोन में डिजी लॉकर वगैरह में लाइसेंस दिखाओ नेवर गिव अ
physical copy in their hand. वो तो मेरे पास है भी नहीं. है मेरे पास है यार, रखी हुई है. Just kidding, just kidding. डिजीलॉकर ही दिखाना होता है कभी physical copy. भाई सबसे फाइन तो मेरे साथ होता है. एक बार I lost my wallet. पिकपॉकेट हो गया था मैं. और तो मैं गया था वो जो कुछ पुलिस में कुछ बोलना पड़ता है. तो बोला मेरा लाइसेंस क्या क्या गया पूछा. मैं बोला लाइसेंस गया है. तो पुलिस मेरे को बोलता है कॉपी होगा ना, ओरिजिनल तो नहीं होगा. मैं बोला नहीं ओरिजिनल है. और वो मेरे पे हंसा कि दूसरे पुलिस को बोला कि ओरिजिनल रखता है. बट वी हैव नॉट बीन टॉट दिस कि हम लोग, मुझे भी लगता था कि ओरिजिनल रखो. मैं भाई की सारी चीजें हमेशा वॉलेट में रखनी. राइट राइट राइट. मुझे अभी पता चला है रिसेंटली कि गाड़ी में भी जो रख रहे हो वो तुम फोटोकॉपी रखो. सारे फोटोकॉपी रखने होते. असली तो दिखा ही नहीं किसी को. असली घर पे वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो होता है ना, तुम बस पकड़ लो एंड द पर्सन डजंट गेट इट. एक्चुअली उसका रेप्लिका देते हैं उन लोग. बट द डिजी लॉकर थिंग हैज हेल्प्ड अ लॉट क्योंकि अब तुम उसको दिखा के यू डोंट हैव टू कैरी पेपर्स. मेरे को सबसे हेल्प ये किया है कि मैं गाड़ी नहीं चलाता. तो मेरे को लाइसेंस किसी ने नहीं पूछा अब तक, जबकि है मेरे पास. लेकिन थिंक ऑफ थिंग्स टू से टू ट्रैफिक पुलिस. मैं पैदा ही नहीं हुआ हूँ. वो सबसे ज्यादा बढ़िया. सर आई आइडेंटिफाई एज आई एम एट होम अनबॉर्न. आई एम नॉट हियर सर. आप ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ पे तो ट्रैफिक ही नहीं, खाली है सड़क, वापस जाइए. Exactly. I don't know what you can do to enrage them. But it's even such a funny situation ki wo aggressively bolta hai tu matlab nikal yahan se or whatever, give me your, and his technique of showing aggression is taking your license. It's such a, at least break the license, do something. Thoda kuch chaba ke wapas usko kuch karo. What is their way to pay? तेरे टायर की हवा निकाल दी. हम ट्रैफिक पुलिस मेरे दिमाग खराब कर दिया है. लोग पता है क्या करते हैं, क्या कहते हैं, अगर जैसे यूजुअली रोकते हैं तो भगा देते हैं ना लोग. या तो अब ट्रैफिक पुलिस वाले भी थोड़ा सा बीच में आके रोकते हैं, बाइक लगा देते हैं, तो लोग उड़ाते हुए जाते हैं. अब स्टॉपिंग हां 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 उनको उड़ा देते हैं, बाइक गिरा देंगे, वो गिर जाए माँ छुदाए वो. आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड जिसके पास मैं उसके बाद जाके दुखड़ा रो रहा था कि लाइसेंस ले लिया मेरा. तो वो बता रही थी कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि दो ट्रैफिक पुलिस वाले ऐसे आके बीच में रोक रहे थे और उसने अपनी स्कॉर्पियो ऐसी भगाई और दोनों उड़ते हुए गए. और वो निकल गया आगे. 2000 दे दो भाई. आई स्पोकन टू अ बंच ऑफ पीपल आफ्टर दैट. तो ये बनीत वगैरह कह रहे हैं, मैं कह तेरा कभी लाइसेंस रखा है? कह रहा हाँ. मैं कहा फिर? कह रहा है कुछ नहीं रखा हुआ अभी तक, 3 साल हो गए. तो सब ऐसे बता रहे हैं, हम तो बिना लाइसेंस के चलाते हैं, जब भी रोकते हैं तो 500 देते हैं. यार दिल्ली इज लैंड ऑफ द अनलॉ भाई. इट्स लाइक अ फ्रीडम. अभी लाइसेंस ही नहीं है, अब तो 500 दे के लाइफ चला रहे हैं हम. बट ये जो तू बोल रहा है, आई सॉ अ वेरी होलसम मोमेंट ऑन द स्ट्रीट की पुलिस बीच में स्ट्रीट का खड़ा था हेलमेट के बिना, कोई दो बंदे चल रहे थे, तो उसने उसको स्टॉप करने को ट्राई किया, वो ऐसे निकल गया और फिर चला गया वो. और फिर पीछे देखे वो बाइकर और दे मेड आई कॉन्टैक्ट एंड दे बोथ लाफ्ड. सही यार, सही. इट्स लाइक रिस्पेक्ट बिटवीन अस, लाइक आफ्टर द बाउट यूएफसी बाउट. बट डिड द ट्रैफिक पुलिस आल्सो लाफ? या वाओ, इट वाज अ अमेजिंग मोमेंट कि दे बोथ नो इट्स अ ब्लडी गेम दैट आई वाज गोइंग टू ब्राइब हिम एनीवेज. तो मैंने एक बार भगाया है ऐसे. मैं कुछ पर्सनल स्ट्रेस में बहुत गाड़ी चला रहा था और कहीं जल्दी पहुंचना था मेरे को, ठीक है. तो उसने रोका और मेरे को बिल्कुल ऐसा है कि डोंट हैव टाइम फॉर द शिट. और एकदम बस ऐसे फटाफट साइड करके निकाला और निकल गया था. और उस लेकिन जो ऐसा फियर हुआ था ना, क्योंकि उससे पहले मैंने एक मेरे दोस्त से भी कहानी सुनी थी कि वो भगा रहा था और उसने पुलिस वाले के पैर पे चढ़ा दिया. तो वो फिर वो उतरा, फिर रुका और उसको बहुत गंदा लगा, तो वो रुका वापस से. तो फिर पुलिस वाले ने उससे कुछ 12,000 ले लिए थे भाई नए जूते के. भाई फ्रैक्चर तो नहीं होगा भाई 12,000 में कवर. नाइकी एयर मैक्स वगैरह लेगा, वुडलाइंस खरीद ले भाई. तो तू जब उस भगा रहा था तो ऐसे एक हाथ में पैसा लेके चला रहा यार ट्रैफिक पुलिस के साथ ठीक नहीं होता वैसे. इट्स नॉट कूल. दैट्स सच अ रिस्क. मतलब फॉर व्हाट आर यू डूइंग? आई फील बैड फॉर देम आल्सो, ठीक है, बट आई आल्सो फकिंग हेट देम ऑफ कोर्स. नो बट व्हेन दे मेस अप द ट्रैफिक लाइक इन माय हाउस, द व्हेन द when they are there it's much worse than when they are not there, which doesn't make any sense. You're a human being who is controlling things, it should get better. Yeah, of course. Yeah, there are some
ट्रैफिक पुलिसमैन हु आर मतलब हु फूल देमसेल्स कि ही कंट्रोल्स ट्रैफिक वाइल्ड डांसिंग ये सब कुछ और रील में याद रहती कि एक बैंगलोर में देयर इज अ कॉप हु डज दिस कितने साल फूल कर लेगा तू अपने आप को नाच नाच के कितने साल बट तू उसके बारे में जानता है ही इज पॉपुलर ही इज जस्ट अ सोशल मीडिया स्टार सो क्या विल ही गेट फकिंग क्रेड डील्स व्हाट ही विल गेट सम काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड ऑल जो हैव यू सीन दोस तूने वो रेडी वाले देखे जो स्पेसिफिक रीजन पे वायरल हो रहे हैं भाई इंडिया में यही नाचता है इंडिया में तो अच्छा वो बिली बाउडन ही इज नोन एज द डांसिंग अंपायर क्या वो अलग आउट देता है क्या सेम ही आउट देता है बस वो उंगली मोड़ देता है यू यू चौके देता है आउट देता है तो बैट्समैन खुश हो जाता है कि चलो आज इसने मोड़ के उंगली गॉट फिंगर्ड तो बट If you see all the Indian social media पे जितने भी रेडी वाले या जितने भी street food वाले popular हैं किसी के खाने की क्वालिटी की वजह से कोई पॉपुलर नहीं वो कह रहे हैं ये नाच नाच के सोडा बेचता है अब वो बंदा क्या कर रहा है सोडे की बॉटल वो यूं भी डाल सकता है लेकिन यूं लेगा और फिर डालेगा अरे भाई तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा एवरीथिंग इज जस्ट ये फसाड बट इट्स लाइक दैट थिंग दैट टर्किश वो जो आइसक्रीम वो जो ऐसे ऐसे फूल करते तुम्हें नोबडी केयर्स अबाउट हाउ गुड द आइसक्रीम टेस्ट इट्स अबाउट द गिमिक बट आई स्टिल अंडरस्टैंड दैट गिमिक इट्स डूइंग समथिंग दिस गाय इफ यू सी आई विल शो यू वीडियोस वेयर दिस गाय इज डूइंग अ लॉट ऑफ जर्की मूवमेंट्स बट ही इज वेरी स्लो कुछ ही इज जस्ट मेकिंग यू फील लाइक ही इज डूइंग रियली फास्ट मूवमेंट्स बट ही इज जस्ट बिग बॉस सो पॉपुलर नो बडी इन दैट हाउस इज डूइंग एनीथिंग स्किल बेस्ड हम तुम्हारे ऐप रेटिंग पे टेम्पो चढ़ा देंगे बेसिकली लौटने को बुला लेंगे हम रेटिंग की डंडे से पिटाई हो रही भेज दो भाई प्ले स्टोर बिग बॉस का एड्रेस ढूंढ कहाँ मुझे शक्ल चाहिए दिखा दे बस एक बार वॉइस एक्टर को पीटे जा रहे हैं भाई वॉइस एक्टर को मारेंगे पक्का तूने ब्लैक मिरर का वो एपिसोड देखा है जो एक कॉमेडियन वॉइस इज अ कार्टून कैरेक्टर हु स्टार्ट्स क्रिटिसाइजिंग पॉलिटिशियंस नो And everybody just throws it, that comedian deeper into politics because people really enjoy a cartoon character because that cartoon character ke piche rehke kuch bhi bol sakta hai correct so wo kuch aisa button dabata hai to cartoon character ka land nikal aata hai aur usse bas mazak hi udata rehta hai politician ka acha ye timestamp bhej de mere ko nahi nahi mere ko dekhna hai yeah, acha episode hai I don't know kya naam tha uska main bhi I'm on a black mirror naya season mein hai ye nahi nahi purane season ka maine naye season ke Waldo अच्छा मैंने नए सीजन के दो एपिसोड देख लिए कौन-कौन से एक तो वो वाला जिसमें कौन सा जोएन इज हां जोएन इज ऑफल देख लिया और एक वो वाला देख लिया जिसमें ये पैपराजी वाला जिसमें एक लड़की बाद में या वेयरवुल्फ हाउ व्हाट वुड यू ऑल से विदाउट गिविंग एनीथिंग अवे इस सीजन 2-3 गुड एपिसोड्स अच्छा दिस सीजन देयर हैज बीन अ कॉन्शियस एफर्ट जिसमें लोगों को लगने लग गया था ब्लैक मिरर इज अबाउट टेक इज बैड हां ठीक है This time they've deviated from that and tried to focus more on ki human behavior is bad. तो उसकी तरफ वो hard bent हो रहा है लेकिन वो थोड़ा सा genre थोड़ा सा dilute हो रहा है. But you guys don't feel कि हम जो shows देखते हैं आजकल predominantly जो अच्छे shows हैं it's all about hope. हाँ वो 100% और जो hopelessness बहुत ही ज़्यादा मतलब sell होती है कि even the shows I like Black Mirror types. कि सब फक हो गया है दैट इज आवर होल जॉनर ब्रॉडली स्पीकिंग आजकल देख देख इसका रीजन क्या है कि जैसे मेरा कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो मैं चाहता हूँ सबका खराब हो जाए दुनिया खत्म हो जाए मजा आ जाए फ्रॉइड जो है वो ही चल रहा है कि मेरा इसमें एक अल्टरनेट टेक ये है ओ भाई साहब हैप्पी एंडिंग्स आर मेनस्ट्रीम एंड वी आर ऑल्ट या एंड वी आर ऑल्ट तो जिसके भाई ये थाईलैंड में चल रहा है क्या ये पॉडकास्ट हर कोई
हर कोई जो वैसे होता ना कि हिंदी मूवी हैक नॉनसेंस साइड में सब अच्छा हो जाता था, तो इंडी मूवमेंट में ऐसा हुआ कि लाइफ इज फक्ड, व्हाई आरंट यू शोइंग रियलिटी, रियलिटी के नाम पे हमेशा इट इज ऑलवेज सम सैड शिट व्हिच इज हाउ दीस थिंग्स आर, कि अरे आया ट्रैफिक पुलिस वाले सामने हाथ जोड़ने पड़े, ये सब कुछ ऐसी एंड होती है लाइफ, जबकि रियल रियलिटी इज इंस्पायर्ड ऑफ दिस वी फाइंड स्टूपिड रीजंस टू बी सॉर्ट ऑफ हैप्पी, वो नहीं दिखाना है स्मेलिंग सॉल्ट्स एग्जैक्टली भाई एक और स्निफ करते करते मजा आता है क्या लोग हो तुम्हें एक्चुअली यार एडिक्शन हो गया तुम लोगों को स्मेलिंग सॉल्ट से, मैं तो आ गया हूं बट इसको खोल के पैकेट से ही स्निफ कर ले भाई, क्योंकि वो थोड़ा लीक हो गया, माइक्रो डोज कर ले इस बार, हां माइक्रो डोज भाई मजा आएगा तभी तो फील आ रहा है, ये खुलना ही नहीं है ना, नहीं नहीं खोल ले क्योंकि अच्छा क्योंकि अब उसने खोल ही लिया तो देन यू हैव टू स्निफ, अब ये क्या कर रहा है Now you guys are too cautious, है ना? Because you know, हो गया? कैसे? माइक्रो पिछली बार से कम करा है मैंने, लेकिन ज़्यादा वो करा है। हाँ, वॉल पर पहली बार जब मैंने किया था, मैं तुझे बताता हूँ इसकी स्टोरी। If a doctor is watching, I'm sorry, I don't know what I'm doing. लास्ट टाइम जैसा सेम मिस्टेक सेम तरीके से करा है मैंने no मुझे ऑनेस्टली लगा कि पता है वो स्मेलिंग सॉल्ट आ रहा था ऐसे और मैं उसके पीक वेलोसिटी पे उसको इनहेल किया एकदम, वो डायरेक्ट ब्रेन पे गया, जो जो ऐसे वो नहीं निकलती है कार्टून में और फिर वो उड़ के उस पे चले जाते हैं स्मेल पे, भाई ये बहुत जोर से लगा इस बार मेरे को, बट पहली बार दिस स्टिल डजंट हिट as hard as it hit me the first time because I had no expectation right I opened it and it only went maine bada sniff ekdam pass se khol ke le liya and Karima saw me so she knew what to expect so she was doing it from here to wo bach gayi but maine aise liya aur ek hi nostril se andar tak chala gaya to ek aankh mein aansu aane laga it was crazy oh that's damn cool actually. yeah ye karna ek bar are ab nahi hoga ab nahi ho sakta tolerance is also increased you can't repeat that is just lightning doesn't strike twice it's just like if you are not expecting a car accident when it happens maximum damage tabhi hota hai when you don't brace yourself the same thing with boxing or you know if you don't if you know the punch is coming correct ha like the time when you lean into it and you get hit that's like a absolute knockout to in a lot of fighters stance also you can see that but jaise Stipe Miocic versus Daniel Cormier fight hua to he didn't expect the punch to come and he got knocked out he uske pehle mane Daniel Cormier is not that strong boxer but ek elbow se he got knocked out but agli fight mein he expected ki aayega aur couldn't knock him out even this guy the British guy Rocky jo what's his name Rocky Balboa no he's talking about Leon Edwards here Leon Edwards I just saw that knockout because that's an insane knockout that one right yeah where Kamaru Usman yeah Kamaru Usman where for a split second he threw a punch and this guy leaned away from it and he leaned into the kick on his face knockout that sound man crazy and this was the fifth round so he was losing the fight he was going to lose the whole thing and his corner they call him Rocky then Rocky come on this is you got to do it you got to get the knockout you have it in you aur wo pura pump up kiya usko wo gaya and he'd been trying this setup for 2-3 times pehle 3 round mein 3 baar kar chuka tha nahi hua is baar he set it up perfectly it worked he saw the opening he leaned in head kick it's like such a kick I felt like as a not regular watcher that it doesn't matter ab us wo career mein kya kare this is a moment which no most fighters will never get movie type ka finish jo mila hai usko man every time I see any clip of UFC it just deters me from fighting 100%. it's scary it is scary ek yun laat pada full sar khul gaya usne are I'll show you a clip jiske baad tu kabhi nahi karega it's just a clip where this guy is almost dead dude you see it and you're like this is a murder how is this not a murder usne elbow se drop kiya aur uske baad ground pe 5-6 elbow yahin pe marta gaya cut aur ye itna late aake referee ne roka ki tab tak this guy looks like he's dead dude it's crazy I remember when I'm not good at remembering the names Dean something was there Dean Thomas nahi theek hai I'll tell you who's the guy with one eye glass eye hai British guy Michael Bisping had an enmity with one American guy that guy hated him personally. Dan Henderson Dan Henderson this guy very close he knocked him out and he knew this guy's out he's on the ground dropped. but he with his whole body he falls and punches him on the face that punch you see it you're like
That's death right and there. That is his highlight reel. So people have their highlight reels. Mm. In Dan Henderson's highlight reel, he has him knocking out Michael Bisping. It's crazy. Just the same like this guy Jorge Masvidal, he knocked out a guy called Ben Askren. Yeah, with the flying I saw knee. The first 10 seconds, 15 yeah. seconds. Yeah, yeah. Oh, no, not even five seconds. 5 seconds. Yeah. This guy is running in, this guy is running. It's too embarrassing. Yeah, yeah, it's very bad because he's stiff. So, ab iski highlight reel aur iska logo, iska pura career is that knee. So oh, one knockout can make or break a career, dude. It's crazy. Okay, he what is making a career that you keep getting ad he's what is it? Now because of that, he's so popular. He has got so much money, ads, everything. People love him. Everywhere he goes, people come. So itna audience uska create ho gaya. And this fame is not short lived. No, because now he is retired, but he has his own promotion. So he's making money everywhere. Okay. You just need that Hollywood moment, yes, and then you have your career. Yeah, set. Yeah. Yeah. It's just you don't need like a consistent 20, 30. Habib ka was consistent every time he would win every round. But this guy had one really good, uske pehle ek aur. So let's say two knockout, but this was the biggest moment in his career and made his career. This is the crazy thing which this reminds me of Shoaib Akhtar ka. Tum logo pata hoga ki nahi, wo YouTube channel bahut popular hai uska. तो उसमें जब एंड्रू साइमंस हैड पास्ड अवे, उसने एंड्रू साइमंस ट्रिब्यूट, उसका वीडियो है, यू कैन सी इट. इट स्टार्ट्स विद शोएब अख्तर गेटिंग एंड्रू साइमंस क्लीन बोल्ड, उसका फुटेज डाला oh, man. फर्स्ट व्हाट स्टार्ट करता है ऐसे वीडियो यार. ही इज नॉट वेरी स्मार्ट डूड. आई वाज टेलिंग हिम कि वो क्या करता था, बहुत फॉर द फर्स्ट 2-3 इयर्स आई थिंक वो अपने वो जो कॉल टू एक्शन नहीं होता है कि सब्सक्राइब, तो उसमें कहता था कि प्रेस द आइकन बटन. Not the bell icon, not the bell button. He said, press the icon button. Icon button दबाइए. क्यों उसको लगता था icon button कहते हैं उसे. Dude, and he kept, nobody corrected him. He kept doing that. But for that three. Might be a genius move. I don't know. Never forget that. That's what he used to say. And you'll be like, अरे bell icon होता नहीं, है. और also जो educated audience है वो सोच रही, wow, what a satire. और जो अनएजुकेटेड ऑडियंस के लिए सारे बटन दबा दो, आइकन बटन ही होता भाई. आई डोंट थिंक दैट वाज अ जीनियस मूव, बट ओके, आई विल गिव हिम दैट. देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन स्टुपिडिटी एंड जीनियस. आई थॉट इट्स अ ह्यूज बैंड, बट अपेरेंटली इट्स अ फाइन. आई मीन इफ यू सी इट फ्रॉम वेरी फार, बहुत फाइन लगता है. मार्स से तो फाइन ही लगेगा. लाइक तुम कहां रहते हो, बैंड्रा अंधेरी से, एक ही डॉट तो है भाई. सैटेलाइट पे तो सेम ही दिख रहा था. पर्सपेक्टिव होता है यार सब. बहुत ही मैक्रो पर्सपेक्टिव है मेरा ये टर्म, तो तुम कहीं भी बोल सकते हो पर्सपेक्टिव. इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, ऑल डिपेंड्स यार कैसे आप आपको ये किस चीज के लिए खरीद रहे हो. ये चाकू है भाई, इसके आगे जहर लगा है, वो मेरी बीवी कड़ी. बट इट्स लाइक नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, राइट? इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव. अरे 1 kg चाहिए कि 2 kg संतरा, बताओ यार. कहां आपको मून पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, उस हिसाब से वेट बदल जाता है. आपको खाना है कि ट्रांस बनना है. ट्रांस बनना है तो मैं नहीं बेचता ट्रांस लोगों को. इट इज ऑल और खाना है तब भी नहीं बेचूंगा क्योंकि आपको ट्रांस बनना है. ट्रांसफोबिक ऑरेंज सेलर इज द स्केच. ओह बाय द वे उसने तो यही बोला था ना, ईशान अली कहता है कि मैं ट्रांस लोगों के ऊपर वीडियो बनाया. ट्रांस नहीं, उसने बोला कि मैं किन्नरों के ऊपर वीडियो बनाया. आई वेंट टू लर्न फ्रॉम देम. कहता है आई कुड हैव इजीली कास्ट समबडी फ्रॉम देयर कम्युनिटी एंड इट वुड हैव बीन एन इजी प्रोसेस, बट आई बिकेम ट्रांस मायसेल्फ टू गिव देम ट्रिब्यूट. स्टेड विद दैट कम्युनिटी, लर्न द नुआंसेस, और फिर उसके बाद. सो ही डिडंट बिकम ट्रांस. नो, ही डिडंट बिकम ट्रांस. नो, बट जो नुआंसेस भी उसने सीखे हैं उसके बाद, इफ यू वॉच द वीडियो, लाइक नहीं सीखे भाई तूने नुआंसेस. यू आर डूइंग द सेम एक्ट. है तो शानू, दिस इज नॉट. तूने जिससे सीखा है वो भी एक्ट कर रहा है कि वो ट्रांस है, वो ठीक से नहीं. दैट वाज अली असगर. दैट वाज ये थोड़ा चाइनीज विस्पर टाइप हो गया. तूने ठीक से न्यूएंस नहीं पिकअप किया. कपिल शर्मा शो से सीख रहा था न्यूएंस. कृष्णा से सीख गया तूने. मैन, but I appreciate like in Bangalore when I would go, I'd see you. I'm like, he is the Guru Mao of comedy. I don't know this reference. No, he's the best joke writer in Bangalore. That's the reference. Yeah, that is. मेरे को फोटो दिखाओ यार, ये कौन है ये? तो हमने चैनली के इंटरव्यू में ये सीखा.
नहीं बोलते क्या हो गया बात तुम कर ही चुके उसमें बोलता है तो मैंने वहां पे सीखा जो ट्रांस कम्युनिटी का लीडर होता है उनको गुरु मां कहते हैं यार ये तो मैं बिना रहे भी सीख जाता हूं यार वो बहुत वो यार मतलब द वे ही वाज टेलिंग हिज स्ट्रगल्स देयर वाज नो स्ट्रगल एट ऑल उसने 5 मिनट में बैठ के बनाया है स्ट्रगल की भाई धूप बहुत थी एक दिन लोग उनको पागल कहते थे लोग कहते थे क्या पागल हो गया ओह मैन कहते थे और कहता मैं स्केच के लिए लड़कियां लाता था तो लोग कहते थे माहौल खराब कर रहा है लड़कियां ला रहा है क्या गलत है फिर जब मैं हॉट लड़कियां लाने लगा उन्होंने कहा अब सही कर रहा है चुप है ये नहीं बोला उसने आई एम श्योर या या ये नहीं बोला बट सो हॉट लड़कियां अच्छी लगती आई मीन इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव ऑल अबाउट कि तुम नीचे से देख रहे हो कि ऊपर से देख रहे हो है ना साइड व्यू टॉप व्यू अगर डांट रही होती तो नहीं अच्छी लगती किसको लेकिन डांट रही है इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव अगर शामिक को डांट रही है तो मुझे अच्छी लगती है मुझे भी आई थिंक वी ऑल एग्री ऑन दिस वन हम सब सेम पेज पे इस वाले अरे हम लोग का किंक सेम है मतलब एवरीबॉडी वांट्स शामिक टू बी ह्यूमिलिएटेड दैट्स माय किंक आल्सो तो उसने तो बता रहे भाई तो दिस इंटरव्यूअर इज आस्किंग हिम तो अभी क्या कहता है कि अब जब भी कोई शादी भी होती है मेरे मोहल्ले में तो सारी भीड़ मेरे घर पे आ जाती है क्योंकि मैं इतना फेमस से मिलेंगे फिर उसके बाद शादी पे जाएंगे तो अब उसने कह रहा है मैंने अपने घर का एक ऐसे सेक्शन बनवा दिया कि बारात आके सीधे जा सकती है वाओ और मेरे से कहां रहता जाएंगे कहां रहता है वो आई डोंट नो चलते हैं भाई शादी करनी पड़ती है उसके लिए ओह शिट किसी की शादी यहां तो चले जाएंगे अभी कोई कॉमिक करेगा शादी पर फ्राइडे 3-6 में अपने फैंस से मिलता हूं और उसी टाइम मेरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है वी पुट आवर पॉडकास्ट एट 4:20 ऑन फ्राइडे तो उस टाइम उसकी बारात चल रही होती वाओ मैन तो इफ वी कैन जस्ट प्रमोट आवर पॉडकास्ट In that barat thing. Yeah, वहीं चले जाते हैं एक बारी बस cross promotion हो जाएगा यार बहुत सही होगा ये मैंने सुना ये useful होता है ये यार मतलब देख स्टार्टअप्स वगैरह में तो होता ही है कि मैंने अपने दोस्त को देखा कह रहा है कि मैंने बूटस्ट्रैप किया तो लोग पूछ रहे हैं कि तुमको पहला क्लाइंट कैसे मिला मैंने कहा अपने नेटवर्क में मैंने बात करी डूड हमने तो अपने नेटवर्क में आज तक वीडियो भी अपना नहीं भेजा मुझे इतनी शर्म आती है हाउ डू आई स्टार्ट द प्रमोशन सब भेजो मैं अपने मम्मी पापा को नहीं ये नहीं भेजो बट आई एम सेइंग स्टैंड अप वीडियो या व्हाटएवर एनी वर्क दैट यू डू स्टैंड अप तो मैं भेजता हूं अपने मैं नहीं भेज अपने यार मुझे शर्म आती मैं अभी भेजने लगा हूं स्लोली मेरे को इट्स आई थिंक इट्स अ गुड थिंग बट आई डोंट नो बट आई आल्सो हैव दैट कि सबको नहीं भेजना मैं आई फील ऑकवर्ड ओनली आल्सो जब भी कुछ मेरे को तो अंदर से अपने अगेंस्ट ये बायस है कि मैं बहुत डर्टी कॉमिक हूँ जबकि मैं उतना नहीं गाली नहीं, देता हूँ कुछ नहीं, करता हूँ हाँ। मैंने बहुत रिसेंटली रियलाइज करा कि मैं एक स्टोरी कर रहा हूँ जिसमें से अगर मैं थोड़ी सी एक आध बस वर्ड्स हटा दूँ तो मैं क्लीन कर सकता हूँ तो दैट वाज अ ह्यूज कम्फर्ट यू मेरे को कॉर्पोरेट में हमेशा ऐसे लगता है मेरे पास है नहीं 30 क्लीन बट अभी मैं सोचा कि बस 2-3 जोक काट के ये फुल स्टोरी सुनाई जा सकती है कॉर्पोरेट क्या आसान है भाई कॉर्पोरेट में ऑनेस्टली बात कर लो उनसे एंड उनको स्टैंड अप चाहिए चाहिए ही नहीं उनको ऑनेस्टली दे हेट व्हेन यू गेट इनटू You start doing jokes ये सब क्या कर रहे हो इसलिए बुलाया था तुमको Seriously, roast करो हमें Yeah, but मैं अपने एक पुराने स्कूल वाला ग्रुप बना हुआ है उस पे भेजना शुरू करा है तो उसमें स्कूल का प्रिंसिपल भी है तो इसके चक्कर में थोड़ा सा ऑड लगता था क्योंकि सब गुड मॉर्निंग फादर क्या क्या कैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रहे हो तुम लोग प्रिंसिपल को भी डाल रहे हो फादर वो प्रिंसिपल जो है उनने ग्रुप बनाया था कुछ कुछ वो एक्चुअली दिस वाज उन्होंने कन्वर्ट करने के लिए ग्रुप बनाया था ये इसमें वीडियो भेज रहा है स्टैंड अप और एडमिन ने उनको निकाल नहीं सकता उन्होंने स्टार्ट किया तो वो ही कह रहे थे इस बच्चे को भी वो याद है तुम्हें तो जो जो उनके फेवरेट स्टूडेंट्स होते आज वन ऑफ देम You look like a very studious kid. I was a very studious kid. Till 10th, 11th में full rebellion phase of getting bad marks. एक mark कम आ गया इसका. इसका bad, इसका rebellion भी बहुत छोटा ही. Rebellion भी मैं तो guilty feel करता था. वो तो बाद में retrospect में उसे rebellion का नाम दे देता. करेक्ट. बहुत रोता था. अच्छा तो तू 11th में rebel किया, then 12th में इतना effort नहीं मारा. 12th में मैंने मतलब मैं I'll tell you the scale of rebellion. 11th में इसका नाम पता था? इसका 11th में क्या नाम था? मंगल पांडे. yeah, yeah, please go ahead. I'm sorry. I don't know why I stopped you for such a bad. Okay, हाँ. क्या 12th में क्या हुआ? Good fun. 12th में. तो 12th में rebellion नहीं था कि अब मैं IIT के लिए नहीं prepare करूँगा, सिर्फ boards पे focus करूँगा. That's the opposite of rebellion. Loser mentality. Yeah. घर वाले खुशी होगा. Yes. This is all mummy papa high five कर रहे हैं. Yeah. He took the bait. इसको लगता है ये important है. मैंने भी किया because ये board exams ही था. Board. क्योंकि board
नोट तो हमेशा रहेगा, वो तो ड्रॉप लेके भी जा सकते हो टाइप का सोचा था मैंने. डू ड्रॉप तो तुम मतलब मेरा ये आ गया था, बिट्स का रिजल्ट अभी तक आया नहीं था एंड आई थॉट कि रिपीट करना क्यों, जेई में तो हुआ नहीं है, तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ रिपीटिंग. और मैंने एक दो बार वो किताब खोल के देखी, मैं भाई मैं नहीं कर रहा नहीं, नहीं, मैं उधर चला जाऊंगा. मैं वैसे सोचता रहता था, जैसे हम कुछ कुछ रिकॉर्डिंग सेट्स में ही सोचते हैं कि मुझे मालूम है जोक फीक है, बस काशा वार्म ऑडियंस आ जाए ताकि ये चल जाए और निकाल दो इसको. वैसे मेरे को फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिक्स सब के बारे में ऐसे ही लगता रहता था पूरे टाइम. बिल्कुल बिल्कुल. और उसके बाद डूड यू गो टू लाइक द कॉलेज, वहां की तुम फिजिक्स और वहां की केमिस्ट्री पढ़ोगे एंड देन यू रियलाइज कि ये सबसे इंटरेस्टिंग थी जो तुम तैयारी में पढ़ रहे थे, वो बेस्ट था क्योंकि वहां पे तो और ही बोरिंग. ऐसा मुझे कभी नहीं लगा भाई. मैथ्स तो मतलब इंजीनियरिंग वाली मैथ्स तो बहुत ही बेकार. बट आई थिंक मेरे लिए तो सब प्रोफेसर पे डिपेंडेंट था कि अगर दैट गाय टीचेस और शी टीचेस विद इंटरेस्ट और जस्ट थोड़ा सेंस लगा कि टीच करो, बच्चे को इंटरेस्ट है चीजों में, थोड़ा एफर्ट लगा दो. फेवरेट सब्जेक्ट हैज ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन फेवरेट टीचर. या मेरी बहुत हॉट टीचर थी तो फिर मुझे बहुत पसंद था. साइकोलॉजी पढ़ाती नहीं, ऑफ कोर्स शाउट आउट टू साइकोलॉजी मैम, नाम नहीं बताऊंगा. नाम भी नहीं पूछा इसने, मतलब इतना नाम तक गए नहीं. मैं एक्चुअली नेक के ऊपर देखा ही नहीं. नहीं मेरे साइकोलॉजिस्ट वही नहीं था यार, कोर्स ही नहीं था मेरा ऐसे. अच्छा तुम्हें देखा ही नहीं उसको एक्चुअली, तेरा सीट वाज फेसिंग द अदर वे साइकोलॉजी क्लास में. हमारे तो कॉलेज में ऐसे मैक्सिमम प्रोफेसर वो थे कि फ्रस्ट्रेटेड. मुझे लगा कॉलेज में मैक्सी पहन के आते थे प्रोफेसर. उनका बड़ा ही घरेलू कॉलेज था तेरा. वेरी या स्पीकिंग ऑफ आउटफिट्स दैट दे वर वेयरिंग, मैक्सी पहन के तो नहीं आते थे. आई आस्क्ड देम मेनी टाइम्स बट दे वर ऑल फ्रस्ट्रेटेड फेल्ड इंजीनियर्स. तो उनको मतलब देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स क्वेश्चंस वाज कि तू चुप रहना यार भाई, खत्म करना है मेरे को, निकलना है यहाँ से, मेरे को पैसे नहीं दे रहे इन लोग. यू वांट मी टू आंसर योर फकिंग क्वेश्चंस. हमारा एक ऐसा लाइब्रेरियन था स्कूल में, उससे हम बोलते थे कि सर ये वाली बुक इशू कराने, कहता था कोर्स की सारी किताबें पढ़ ली. यस ये कोर्स की पढ़ ली सारी, ऑर्डर टू रीडिंग बुक्स. मैं कहा क्रेजी बट नहीं, कह रहा तो फिर ये क्या पढ़ना है. फिर उसकी एक बार बच्चों ने मार लगाई थी, ट्वेल्थ वालों ने उसका टांग तोड़ दी थी यार. फादर के रहते अगर ये हो रहा है तो भाई बिना लाइब्रेरियन टाइप का ट्रोप है, साला लाइब्रेरी से बुक नहीं इशू करने देता था. अरे भाई तो टांग कौन तोड़ देगा फिर उसकी. नहीं टांग तो कुछ उसने किसी मम्मी को कुछ बोल दिया था किसी स्टूडेंट की, तो फिर उसने बाकी दोस्तों को मैं मम्मी को भी नहीं दूंगा बुक, टांग तोड़ दिया. तो तेरी मम्मी कौन सी किताबें पढ़ती है, उससे बोल जाके पढ़ के आए. घर का सारा काम खत्म हो चुका है. किचन के बाहर कैसे निकली है? इसका मैट्रिक सब जॉब में एक मैट्रिक होता है ना मेजर सक्सेस का. इसका ये था कि लीस्ट बुक्स लॉस्ट, इसका मीनिंग नो फिंगरप्रिंट्स ऑन एनी बुक, इंडेक्स नॉट टच्ड. सारे मैट्रिक्स पे 100% लाए उस लाइब्रेरी में. नाउ यू आर सीनियर लाइब्रेरियन, प्रमोशन. आप ऊपर वाली फ्लोर पे बैठे, ऊपर फ्लोर पे भी नो बुक should be touched from now. पर एंड में लाइब्रेरी की सारी बुक गायब, एक किंडल रखा है. लाइब्रेरी को ऐसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसे बना के रखा है. डोंट टच भाई, बहुत पुरानी सी लाइब्रेरी थी. एक मेरे दोस्त ने मेरे को एक बार एक चीज वो दिखाई थी लाइब्रेरी में, मैं हंस हंस के पागल हो गया था. लाइब्रेरी में दीवार पे एक बहुत बड़ा सा क्रैक आया हुआ था और एक टेप लगा हुआ था उस रिश्तों में दरारें. ये तो मेरे को ऑनेस्टली लाइब्रेरी में ये साइलेंस टेस्ट लग रहा है मेरे को. मैं वहां जाके हंस दूंगा जोर से. लाइब्रेरी तो हमारा कॉलेज में वेस्ट ही था, कोई वहां पे जाके पढ़ता नहीं था. सिर्फ ओनली द 10th स्कूल का लाइब्रेरी वाज वेस्ट. 11th 12th की लाइब्रेरी में डीपीएस वुड रियली एनकरेज पीपल टू इशू बुक्स, रीड बुक्स और मेकआउट भी करने जाते थे वहां पे. बुक पे फोकस ज्यादा कर रहे, ट्राई कर रहे थे फोन. अरे उन लोगों ने बहुत बढ़िया बैकग्राउंड बनाया था जिससे एमएमएस अच्छे हैं. फिक्शन सेक्शन में किया है तो इट्स नॉट रियल, डोंट वरी. आप जो भी सेक्स देख रहे हैं सब काल्पनिक है. एंड रिजेंबल्स नो. सर आप वो कैसेट इशू कर देते हैं? जी हाँ, बैच 97, बैच 98, बैच 99. आपको लेटेस्ट देखना है, सीडी भी आ चुकी है हमारे.
हमारे तो कॉलेज का वैसा था कि लाइब्रेरी वाज वेरी गुड बट मोस्टली पीपल वुड गो टू वेरी गुड या बट पीपल वुड गो टू मेक आउट ओनली एज ही सेड या नो आई एम सेइंग द यूसेज एग्जैक्टली वाज नॉट बुक्स चेक आउट तो कम ही होते थे मैक्सिमम जाके वहां पे कंप्यूटर्स थे वहां पे कंप्यूटर पे कुछ टाइम पास कर लेते थे लोग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एटलीस्ट वीआईटी लाइब्रेरी स्टार्टेड डूइंग वाज कि कॉलेज में डोंट बाय दिस एक्सपेंसिव बुक्स ग्रेट इनफ इश्यूज इन द लाइब्रेरी ग्रेट तो सिर्फ एग्जाम के टाइम पे तुम पढ़ने वाले हो तो बस बस ये बच्चे करते थे जो सब्जेक्ट का एग्जाम आने वाला है फोटोकॉपी कर एक हफ्ते पहले वो बुक कहीं और जाके इस सेक्शन में छुपा आएंगे ताकि वो बुक निकल ना जाए हाँ यस यस वी टू डू दिस तो ये तो तुमने लाइब्रेरी का यूजेज ही खत्म कर दिया और कोई आके देखे हमारी बुक उस लाइक हैंडकरचीफ डाल दिया फिर वहीं से छुपा के याद रखना पड़ता था कि ये चंदा मामा वाले सेक्शन में पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक ये जैसे लोग पॉर्न मैगजीन छुपाते तुम लोग अपने वो वाली छुपाते थे और फिर एग्जाम टाइम पे वही निकाल के वहां पे पढ़ो तो वो दैट सेव्ड अप ऑन अ लॉट ऑफ कॉस्ट बट वी आर ऑलवेज एक्सपेंसिव बट इन जनरल ऑल स्टूडेंट्स वुड लाइक रिलाई ऑन दैट वन बुक And you're not even giving it to other student. कितना पैसे बचाओगे अरे भाई भाई क्या attitude की उनका कटना चाहिए It's not enough कि हम सब एक साथ पढ़े Right? बट माइक्रो जेरोक्स होता था तुम लोग कॉलेज के ठीक बाहर चल रहा है माइक्रो जेरोक्स कॉलेज के अंदर ही खोल दिया था उन्होंने जेरोक्स अन्ना नो नो ही इज टॉकिंग अबाउट माइक्रो जेरोक्स चीटिंग करने के लिए चिट्स बनाना तो तू जेरोक्स करके प्रिंट आउट जो कर सकता है ना यू कैन रिड्यूस टू 25% 10% चीटिंग पर्पसेस तो चीटिंग पर्पस के लिए प्रिंट होता था ठीक कॉलेज के बाहर मेरे यहाँ नहीं होता था बिट्स रियली गुड बैंगलोर में कॉलेज मैसूर रोड पे ढूंढ लो तुम लोग लोकेशन मैंने कभी देखा नहीं माइक्रो लिंक डाल दूंगा गूगल मैप शाउट आउट बस यही है लेकिन वो जैसे ये जो करना शुरू किया था तो आई एम जस्ट इंटरेस्टेड टू सी माइक्रो जेरोक्स क्योंकि मुझे बहुत कूल लगता है मैंने कभी देखा ही नहीं बट अगर ऐसे लगा दूं यूं करके भाई मैंने किया आई नेवर टुक इट विद मी टू दिस थिंग आई लाइक द आइडिया लाइक यू सेइंग कन्वीनिएंटली छोटा है मैं रूम में पढ़ रहा हूँ माइक्रो जेरोक्स बोल रहे भाई ये यूजेज गलत है तेरा यूज केस भाई मैंने एक बार 11th में इन जनरल आई वाज जस्ट शॉक्ड बाय कोएड स्कूल के डायनामिक्स देयर वाज अ गर्ल वो अपने थाए पे यहाँ पे लिख के आती थी ठीक है और एग्जाम के टाइम पे की हेल्प कर लो नहीं तो एग्जाम के टाइम पे वो स्कर्ट थोड़ा सा ऊपर करके देखती रहती थी और लिखती रहती थी उससे माय गॉड और मैं उसके बिल्कुल बगल में बैठा रहता था तो तुझे भी चीटिंग करने का मन कर गया एज उसके मार्क्स बढ़ रहे हैं इसके कम हो रहे हैं ये सारे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो ऐसा होता था फुल एग्जाम साइकिल सेम पार्टनर है क्योंकि ऐसे करते थे एक रोज साइंस की बैठी है कॉमर्स की बैठी है तो तुम आपस में चीटिंग नहीं कर पाओगे बट मैं तो पहले एक दो एग्जाम में तो ढंग से फोकस ही नहीं कर पाया था एग्जाम पे और फिर मैंने बाद में जाते टाइम उसको बोला था कि वेरी कूल कहते और क्या कोई स्कर्ट थोड़ी ना उठाएगा मेरी वाओ यार फिर अगले ही उस दिन चिराग ने उठा दी इसको मैडम ये देखिए क्या भाई एक बार मैंने ऐसे दिस गर्ल इन क्लास 6-7 आई डोंट नो शी वाज लाइक हेल्प कर दी मेरे को टेस्ट में यूनिट टेस्ट में एंड शी वाज जस्ट लाइक पैर से ऐसे कर रही थी मेरे को प्लीज हेल्प कर दे तो मैंने उसको इतना हेल्प किया कि मेरे मार्क्स कम आए दो उससे मतलब आई गेव हर सम आंसर्स आई वाज लाइक ओनली यू शुड आंसर दिस राइट मैं खुद नहीं करूंगा मतलब इतना सिम कर दिया मैंने वाओ जब तो वो पहले से तेरे को पैर टच कर रही थी ऐसा नहीं लगा कम ऑन यार अभी एग्जाम चल रहा है या एक घंटा रुक जाओ इतनी क्या जल्दी अशुभ है यार जो तू कर दिया अरे कुछ लोग ऐसे थे जिनको अगर पैर छुआ तो यूं करने लगते नहीं मेरा हाथ बुक से कांटेक्ट कर रहा है तब तू मेरे पैर छुआ तो मैं अभी सर्किट ब्रेक करना पड़ेगा बट मेरा एक दोस्त था उड़िया उड़िया था विनीत कल्याण रथ हाँ नहीं नहीं विनीत एक दोस्त है विनीत कल्याण रथ ओके फाइन मैन विनीत कल्याण रथ जो है तो उसका गलती तुम ऐसे चल रहे हो और अगर गलती से तुम्हारा पैर उसको छू जाए हाथ भी छू जाए तुरंत वो करने लगे तो भाई अगर वो लड़की वैसी होती तो टच कर रही तुम बार बार उसका छू रहे हो तो बहुत ही अजीब बार बार पैच मार तुम बार बार ऐसे कर रहे हो मैम कह क्या चल रहा है ये मैम नहीं सर दे तुम्हारे भाई ये तुम्हें पता ही नहीं है मैं जो कर रहा था आउट ऑफ प्योर रिस्पेक्ट था ये वो वैसा होता है ना कि गॉड रिसाइड्स इन एवरीबॉडी हे व्हाट इफ समबडी हु हैज फुट फेटिश आल्सो डज दिस एवरी टाइम दे टच तो दे भाई पूरे सेक्स में वो बस पैर ही छूते रहे लॉटरी लग गई उनकी वो ये कहीं गया नहीं बट अच्छा प्रेमिस मैंने बनाया था
थॉट वाइज अच्छा है, वी विल वर्क, थॉट वर्क्स, और मेहनत करो इसके ऊपर होगा, देयर इज समथिंग देयर, देयर इज समथिंग देयर इज द बिगेस्ट इंसर्ट, हमें नहीं दिख रहा कुछ अटका ये वाला फ्रेज, हमें नहीं दिख रहा, तुम्हें भी नहीं दिख रहा, ऑडियंस को भी नहीं दिख रहा है, बहुत अंदर बट कुछ फील हो रहा है, कुछ हो रहा है, खुजली हो रही है. व्हाट इज द गुड रीसेंट जोक दैट यू हर्ड Not that. Or if you have a premise that you are okay with. I have a premise riffing I here. Just thought of. Which is. क्या है वो तो ammonium salt और क्या कुछ. यहाँ पे और क्या ही है. नहीं ये जो आजकल ये हो रहा है कि. Good, great, strong start. Yeah, ये जो आजकल के लॉन्डे में. Topical जो हो गया थोड़ा. Strong start. आजकल के ज़माने में. These off screen couples जो on screen भी अपना product एक साथ बेच रहे हैं. I have a problem with that. Ki these two actresses, let's say Vicky Kaushal and Katrina. Tum log mat aao ad mein ek saath. I don't count it as acting. Tum log ek saath aoge na. So it's just you and your spouse. Right. Yeah. You shouldn't get paid for that shit. Kisi aur ke wife ko kiss karo. Haan, then yeah. It's acting. Yeah. This is bullshit. Mere ko nahi dekhna hai. You're just carrying on your relationship in public. And fair. You're money. Getting paid for doing what you do every day at home. Yeah. Which is you're a sick person. Katrina ko kiss karne ke tujhe paise nahi milne chahiye. That is nahi yaar. That's absolutely. Hey, I like it. Earning funny. For your own, kissing your own wife. Come on. How much will you rig the system? You want us to pay you for kissing your wife? Ridiculous. the producer should go like this. Hey, ridiculous. पैसे वापस दे. तो एक काम कर, तू मेरी वाइफ को किस कर और मैं तेरी वाइफ को किस करूं. हाँ भाई इतना तो बनता है. तो पैसे वसूलने के लिए काम तो ठीक से करो यार. काम एक्टिंग है तुम्हारा. किसी और को किस करना काम है तुम्हारा. Also, I am saying this in a way as if ki ad mein kabhi kiss karte log nahi karte ad mein kiss but nahi karte honge. Nahi abhi aaye na love stories mein unne wo kara hai. तमन्ना ने आज तक किसी के साथ कोई हॉट सीन नहीं करा था पर वो ऐड थोड़ी है बट उसने विजय वर्मा के साथ कर लिया एंड दे आर आल्सो डेटिंग इन रियल लाइफ. नहीं तो एक्टिंग जब कर रहे थे तो किस किया उसने बोला ये यार इसको डेट कर लेना उसी टाइम डेट करना शुरू कर दिया. इनका बिजनेस और प्लेजर का एकदम कॉन्सेप्ट नहीं कि सेपरेट लगना चाहिए दो चीज सब. बट मैं ये इसमें था ना शायद फ्रेंड्स या किसी में होता है कि इफ यू हैव केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन इट डजंट ट्रांसलेट इनटू केमिस्ट्री. जोई बोलता है बट इट्स नॉट ट्रू. जोई तो भाई तू डॉक्यूमेंट्री मत सोच ले जोई के बातें. या या आल्सो जोई इज अ कैरेक्टर. उस बंदे को कुछ नहीं आता. या या क्या यू डिडंट नो. ओ शिट जोई ट्रिबियानी इज एक्चुअली द कैरेक्टर. द नेम ऑफ द गाय इज मैट डिब्लॉन्क और समथिंग. तो जोई कहाँ रहता है फिर. जोई अभी मतलब वो जो कैरेक्टर था वो मर चुका है. 100% मर चुका है वो कैरेक्टर. भाई इतना डम. दे ट्राई टू डू अनदर शो फॉर जस्ट जोई. या या आई सीन फेल्ड मिजरेबली. कांट वॉच इट. इट्स नॉट इट डजंट वर्क. They're bringing another Son Pari ka rehash there. Son Pari is coming back. But it's now that to. Sweetie or what is the kid? Fruity is now big bottle of Miranda. Always hated Fruity. Yeah. Uski energy jab tumhe bachpan mein bhi jo loud bachche hote hain wo dikh jate hain jo karke us baat karte rehte hain wo mereko hamesha se. Now she's an adult. She was Fruity Tetra Pack. Now she's 2 liter bottle. अल्तू अंकल. अब सब बुड्ढे हो गए हैं भाई. अल्तू अंकल तो मैंने अभी देखे कुछ वो ठाकरे जो मैं पिक्चर देख रहा हूँ फिक्शन उसमें मिनिस्टर बने हुए हैं. हाँ वो करते हैं काफी एक्टिंग करते हैं. तुम लोगों ने सोन परी नहीं दिखती ज़्यादा. ये स्पाइडरमैन मूवी देखी. मैं देख ली. कैसे लगा. आई लाइक्ड इट. मुझे अच्छा लगा. फेल्ट इनकम्प्लीट की. इनकम्प्लीट. सेकेंडली मेरे अंदर एक आ गया कि कार्टून पिक्चर है थोड़ा समझ के बनाओ. एक घंटे के लिए डेढ़ घंटे के लिए खींच लो. 2.5 hours you are a cartoon. Have some shame. Matlab I accept as an adult. What an uncle thing. As an adult I have a slight shame ki main cartoon dekh raha. It's a my problem. Okay, not your problem. End the shame early. Matlab 1.5 hours I can tolerate. 2.5 hours main yaar cartoon dekh raha hu main. It was really good. Yeah. But I have this that's my own personal problem ki animated hai ye. तेरा हेंताई देख के खड़ा होता है कि नहीं. भाई वो भी 2 घंटे के लिए तो नहीं देख पाऊंगा मैं फॉर श्योर. क्या है यार व्हाट इज दिस शिट. ऑक्टोपस आओ और जल्दी जाओ. 2 घंटे देख लिया. 46 टाइम्स खत्म कर दिया मैंने. कह रहे ये बच्चों वाली पॉन है ना तो मेरा थोड़ा ही खड़ा हुआ. पूरा लंबा नहीं हुआ.
मेरे को तो वही फीलिंग इन अ मच क्लीनर वे आया है ये देख के कि बच्चे वाली चीज देख रहा हूँ मैं. बट इट वॉज वेरी नाइस, द एनिमेशन वेरी नाइस, फनी तो बहुत किया है उन्होंने. ह्यूमर मैन, यू जस्ट पुट ह्यूमर इनटू एनीथिंग और खींचते रहो. पीपल डू दिस एंड देन दे एक्ट लाइक ह्यूमर इज नॉट द बिगेस्ट वेपन. दे लाइक कि कुछ भी बनाएंगे कहीं हाँ फिल्म इट्स ऑल फनी. व्हाट एल्स आर यू डूइंग? मार्वल, व्हाट इज मार्वल डूइंग? व्हाट इज एनी मूवी डूइंग? जस्ट उन लोग मार्वल तो बस माइक ड्रॉप मोमेंट्स आफ्टर माइक ड्रॉप मोमेंट. सुपर हीरो मूवीज में तुमने सिर्फ ह्यूमर से बेचा. दैट व्हाट इज दैट? दैट इज द प्योर ह्यूमर. बट रायन रेनॉल्ड्स वाला कौन सा? डेडपूल. डेडपूल इज ऑल ह्यूमर. व्हाट एल्स इज? आई मीन इफ यू मेटा एक्चुअली आई एम बोर्ड विद मेटा ह्यूमर. या बिकॉज़ दे ओवरडन इट. या नहीं, इफ यू अपलोड दीस मूवीज ऑन YouTube और वो तुम्हें ट्रैफिक व्यूअरशिप का दिखता है ना, ऑल द पीक्स विल बी द डायलॉग नॉट द एक्शन. नोबडी, पीपल विल स्किप द एक्शन. पीपल नाउ बोर्ड. इतना एक्शन दिखा दिया कि नाउ आई थिंक एक्सेप्ट टॉम क्रूज, वो बढ़िया दिखाता है. हां बिकॉज़ वो प्रैक्टिकल करता है. मिशन इंपॉसिबल. बिकॉज़ वो असली करता है. दिस सीजीआई वाला एक्शन हो गया भाई अब. आई थिंक दैट्स व्हाई यूएफसी हैज अनदर गुड मार्केट. की ये तो असली में मरने वाला है ये आदमी. पीपल आर नाउ डूइंग मूवीज अबाउट एमएमए एंड दे आर शूटिंग एट यूएफसी. तो यूएफसी इवेंट में दिस गाय गाइलन जेक जिलनहॉल ही केम एंड इट्स सो स्टूपिड. हम कमेंट्री कर रहे हैं और उसके तो बीच में ही बिकॉज़ ये है तो आया, उन लोगों ने फेस ऑफ किया पूरा नकली. उसके बाद द थिंग्स दैट दे आर शोइंग एन एक्ट जिसमें वो एल्बो मारता है, एक बहुत बड़ा पंच मारता है, फिर रेफरी आ जाता है, वो रेफरी को धक्का मार के और मारता रहता है. एंड डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज़ WWE बना दिया. या पूरा वो कर दिया. बट दैट्स पार्ट ऑफ द मूवी, दैट्स द क्लाइमेक्स ऑफ द मूवी अपेरेंटली. यार ये दिस जेक जिलनहॉल ऑलरेडी प्लेड अ यूएफसी और बॉक्सर. ही प्लेड अ बॉक्सर, साउथ वॉरियर और समथिंग. साउथ पॉ. I don't think there's a bad fighting movie. Like even a bad one is still watchable. What is your favorite fighting movie though? Favorite? मतलब in only like a sport वाला fighting you're saying, right? Because otherwise action genre में fighting होता है. हाँ वैसे तो Transformers नहीं है. हाँ समझ गया. नहीं Transformers तो बिल्कुल कोई भी genre में नहीं. What do you mean sports वाला fighting? मतलब warrior boxing movie होनी चाहिए. Warrior में UFC में ही वो लड़ाई. मैंने Cinderella Man देखा. Cinderella Man very good movie. It's Russell Crowe वाला based on like वही underdog story. Same. Warrior में it is interesting because it is two brothers jiska brothers yahan pe remake kar raha hai. Correct. And usme Tom Hardy bahut cool lagta hai bhai. Ab Tom Hardy hai hi wo sab cool bhai. Wo abhi BJJ competitions mein jata hai to he job jockey Brazilian jiu-jitsu to he is now a blue belt. This guy is blue belt and I think Dave Bautista is now a brown belt. So blue belt is above black, even better. No. Black is the highest. Oh, black highest. मैं सोचा Johnny Walker जैसे ही होगा. highest blue ही होगा. Johnny Walker green. तूने पी है? मैं Johnny Walker वो. मैं actually never got into scotch इसका ये वो है. मेरे को बर्बन विस्की हमेशा ज़्यादा अच्छी लगती है. अच्छा. हाँ मतलब लोगों को आई थिंक फेजेस होते हैं. पीपल डू बर्बन देन दे लाइक नाउ इट्स मेरे को बर्बन थोड़ा टफ लगता है. मैं नाउ आई एम गोइंग थ्रू अ फेज कि आई डोंट लाइक अल्कोहल एट ऑल. फेयर, दैट्स द बेस्ट फेज. आई लव दैट फॉर यू मैन. या लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फेज. रियली हाउ लॉन्ग हैव यू बीन? नहीं आई हैव नॉट लाइक आई डोंट हैव अ मेजर थिंग बट आई लाइक टू ड्रिंक ओकेजनली. मैंने स्कॉच में ये ग्लेन जो भी है वो हां ग्लेडन फिलिक ग्लेन लेविट ग्लेन मोरान जो ये सारे सेम ही रिस्क है. या सारे ग्लेन तो बहुत सही लगते हैं. मतलब स्मूथ एंड ग्लेन बेकहाउस. बट दीस आर ब्लेंडेड. दीस आर नॉट सिंगल मोल्ड. दोस आर नॉट सिंगल मोल्ड. इवन जॉनी वॉकर इज नॉट या इट्स अ ब्लेंड. But you do have like an understanding of the difference? Not really. No, I know. So single malt basically एक barrel से एक ही तरह की whiskey को लेते हैं तो that is single malt. और blend में अलग अलग barrels से मिला के बनाते हैं. हाँ तो अलग अलग grain हो सकते हैं उसमें. But उसमें taste का फर्क कुछ होना चाहिए. हाँ तो ब्लेंड पता चलता है कि मतलब सिंगल मॉल्ट इज स्मूथ. उसमें तुमको वैसा नहीं आएगा. जब मिक्स करते हो तो जैसा टेस्ट आता है वैसा है. मैंने तो उस लेवल पे पहुंचा ही नहीं. मैं भी नहीं है. मतलब मुझे पता पी के वाइफ पे हाथ उठ जाता है. बीपी पी के मैं कॉलेज में सिर्फ बीपी पीता था. ब्लेंड इज प्राइड ना. तभी तो कॉलेज में पिलाते थे. हाँ क्योंकि अभी शादी नहीं हुई. लेकिन फिर मैं प्रोफेसर की बीवी पे हाथ उठा देता. बीवी पे उठना होता है. उस समय एड आया था प्रियंका चोपड़ा का. वो नहीं कर सकते. हाँ भाई उनको लग रहा है कि हम ढूंढ नहीं पाएंगे. तुरंत ढूंढ लिया. जिसने बनाया उसी की बीवी पे चाटे लगा. नहीं ब्लेंडेड पियोगे तो किसी और पे हाथ उठाओगे. अपने अंदर अपने बैरल में हाथ नहीं उठाओगे. उस समय एड इसका आता था प्रियंका चोपड़ा का. एंड दिस वॉज
a level above Royal Stag. है ना, तो हम लोग अफोर्ड ये कर पाते वर्स्ट और लेकिन रॉयल चैलेंजर रॉयल स्टैग दोनों घटिया होते थे. उसके बाद ब्लेंडर्स प्राइड आती थी, ब्लेंडर्स प्राइड हम अफोर्ड कर पाते थे तो हम लोग वही पीते थे. तो कॉलेज में पूरे टाइम वही पिया हमारा इंपीरियल ब्लू सिग्नेचर ये सब दीस वर आल्सो. कॉलेज में हम रम ही पीते थे तो पहले रम तो और फिर उसके बाद बकार्डी लिमोन पे शिफ्ट हो गए थे जब. ओह दैट्स अ वेरी आई हेट एक सीजनल ड्रिंक आई हेट दैट डूड सो मेरा बर्न कर देता वो थॉट मेरा. मेरा रम तो हो ही नहीं पाती थी, कभी नहीं पी मैंने. ओल्ड मंक तो बहुत पी है भाई, ओल्ड मंक मैंने बहुत पी है. थम्स अप एंड ओल्ड मंक, व्हाट अ कॉम्बो. को रम एंड कोक बोला है ना, क्यूबा लिब्रे. या या सम पीपल रियली एंजॉय कि ओल्ड मंक का जो टेस्ट है इज टेस्ट ऑफ पॉवर्टी. या वर्जिन क्यूबा लिब्रे. Virgin which is Cuba just Libre. Coke. Just Coke. Can you make it diet? Yeah. ये जो दो ingredient के cocktails होते हैं, I'm like नाम क्यों दे रहे हो उसको ज़्यादा हाँ? Mimosa क्या भाई क्या है उसमें? Orange juice और whiskey sour. हाँ. वही whiskey sour. Very good. उसमें क्या whiskey और आंसू? अंडा. अंडा होता है ना? अंडा और whiskey. Whiskey sour मतलब कोई South Indian तो मैं जब whiskey serve कर रहा है. इसकी सार और ऑल्सो व्हाट साउथ इंडियन में कॉल द सीईओ ऑफ अ विस्की कंपनी इसकी सार. विजय माल्या का निकनेम था एक टाइम पे विस्की सार आ गया. यार विजय माल्या ने तो अपने बाप की कंपनी डुबा दिया. Seriously? लेकिन क्या ऐश करिए भाई उसने. बर्न इट टू ग्राउंड बट एंजॉय सो मच. लोग कहते हैं कि मतलब लोग क्या एक्चुअली सोनी में बहुत पिचेस आती थी कि विजय माल्या's लाइफ इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. किसी को मंडप से भगा के शादी करी है, ये सब कुछ कुछ करा है, लिकर बैरल बना, कुछ ट्रेन में अलग से भाग के गया था, फिर बोला कुछ ऐसे जो शाहरुख बोलता था कि इस सिटी पे राज करूंगा और फिर कर देता. ऐसी टाइप की कुछ लाइफ थी उसने. लेकिन सेकंड हाफ नहीं प्रेडिक्ट करा था अपना विजय माल्या ने. भाई मुझे लगता है उसका कमबैक होगा. कुछ तो होगा भाई, बाउंस बैक तो करेगा. डूइंग व्हाट, व्हाट विल ही डू मत पता नहीं. AI के लिए दारू बेचेगा वो. इन द फर्स्ट AI विल ब्रिंग विजय माल्या बैक. आल्सो विजय माल्या आई थिंक वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया जिसने ये पिच करा कि यार एयरलाइन एयर होस्टेसेस आर द हॉटेस्ट. करेक्ट है ना, उसने उससे पहले इंडिया में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता. हाँ, अभी अगर विजय माल्या हॉस्पिटल खोल लेता तो वो नर्सेस पे भी आ जाता. वो जो एक्चुअली आई वुडंट माइंड दैट हॉस्पिटल. किंगफिशर एयरलाइन तो मुझे मस्त लगती थी. हाँ भाई बहुत सही थी. ऑल्सो द ऑडेसिटी टू व्हाट इट्स ट्रू ऑडेसिटी टू हैव अल्कोहल ब्रांड एंड एन एयरलाइन, जस्ट टू थिंग्स एक आदमी के पास नहीं होना चाहिए. नो आई फाइंड इट ओके, क्योंकि फिर तुम ये मतलब ये तुम्हारे मन से स्टिग्मा हट जाए. शराब पी के प्लेन तो उड़ा ही सकते हो, गाड़ी नहीं चलाने की जरूरत. पायलट मार मार और ऊपर उड़ाओ माइक पे और मजा आ रहा है, और तेज करूं. देख मैं प्लेन के विंडो से कौवे को उड़ा दूं. प्लेन के विंडो से लाइसेंस तो नहीं दे सकता मैं पुलिस को, तो कितने पंडे हाथ उड़ाओ. अगर तीन बचे अगर ये भी पी लेंगे तो एक बढ़िया समरसॉल्ट मार के देंगे. आई लाइक दैट भाई. 2 घंटे चला रहा हूँ, एनी वन कैन टेक ओवर फ्रॉम द पैसेंजर्स प्लीज. अरे एक बहुत सही जोक है कि मतलब बहुत सही नहीं, ठीक ठाक जोक कि नहीं नहीं अब तो एक फाइटर जेट वाला है, एक फाइटर जेट वाला है, वो एक पैसेंजर प्लेन है, उसके बगल में आता है और कहता है कैन यू डू दिस, उल्टा मार देता है. ठीक है, फिर दूसरा वाला फाइटर जेट आता है, कहता है कैन यू डू दिस, नोज डाइव कम अप. फिर ये कहता है कैन यू डू दिस, ये बोलता है जो पैसेंजर प्लेन वाला है. ठीक है, और एक मिनट तक सीधे ही चल रहा है, कुछ नहीं होता. तो कहता है क्या किया, कुछ नहीं था ये. तो कहता है मैं अंदर गया, पानी पी के, कोक पी के वापस आ गया. बिग विन. क्या हीरो बन रहा है. बिग विन यार, ये तो बिग विन था भाई. क्या नोज डाइव मार रहा, मर जाएगा मैनचेस्टर अभी. हाँ भाई की. भाई मैंने इसका एक वेरिएशन एक पिक्चर में सुना है, हम दिल दे चुके सन हमें. क्या बात कर रहा है. तो उसमें क्या एक लड़के बॉयज दे बीन टेकिंग स्ट्रीट जोक्स फॉर सेंचुरीज आई डिडंट नो बॉयज वर्सेस गर्ल्स कर रहे होते हैं तो वो क्या कुछ कॉम्पिटिशन. You call it sex, bro. Boys versus girls. Naked wrestling, you mean? ये टॉपर वाला लैंग्वेज है ये कि बॉयज वर्सेस गर्ल्स चल रहा था. तुम समझ गए क्या? क्या अंताक्षरी मेरे साथ एक गेम खेलोगी? तो
कुछ ऐसा हो रहा था कि कंपटीशन ऐसा क्या कर सकते हैं मर्द जो औरतें नहीं कर सकती हैं, तो उसमें सलमान खड़ा होता है, तो सलमान अपनी टी शर्ट उतार देता है और सब टी शर्ट उतार देते हैं सारे अंकल, फिर वो औरतें शर्मा के चले जाती है वहां से, वो जीत जाते हैं. ओह अच्छा, तो हाउ इज दिस लाइक really why can't I see any the connection happened. I understand ki ye connection ho gaya tere sir mein, this would remind me of that. I really thought ki un logon ne street joke leke mast ek scene bana diya. No, they just did that, which Hindi movies do a lot. Street jokes le leke banate hain, koi badi baat nahi bhai, but wo street jokes leke वैसे करते हैं. We will enact this. सुनाता नहीं है. अरे मैंने ये देखा, आई वेंट टू वॉच अ प्ले, इट वॉज अ कॉमेडी प्ले, नाटक कल्याण रथ नाम था प्ले का, और उसमें इट्स अ कॉमेडी, इट वॉज ऑल स्ट्रीट जोक्स एंड एट द एंड उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला. दैट्स ग्रेट डूड, आई लव इट. सो इरिटेटेड दे आर डूइंग दिस जोक कि यू माइट हैव हर्ड दिस, कि मैं अपने बट चीक पे W लिख दूंगा दो, ताकि पीछे देखो तो वाव हो जाएगा, वो ऐसे खोलोगे ना तो वाव दिखेगा. ओ क्योंकि यार सो जैसे बोला ऐसा लगा कि दोनों बट पे एक W लिखा जाएगा, ईच बट चीक पे W, W बीच में. दिस इज अ स्ट्रीट, नॉट इवन अ स्ट्रीट, इट्स नॉट इवन अ स्ट्रीट जोक यार, बट ऐसे हंसे लोग वहां पे. आई फेल्ट रियली हर्टफुल एज अ कॉमेडियन की ऐसे तो मैं कुछ भी बोल दूं नहीं हंसेंगे, स्टैंडिंग ओवेशन मिला. यार मुझे प्लेज में ही दर्द होता है देख के. मैं एक प्ले देखने गया था, इतना ड्रैग किया उन्होंने और उसके बाद मजबूर किया तुमको स्टैंडिंग ओवेशन देने में. खड़े हो जाते हैं वहां पे, हाथ पकड़ के झुकते रहते हैं, करते ही आई यू सेइंग बस करके दिखा रहा था. अच्छा एक कर नहीं पाया एक्चुअली. अगर मेरे पास फ्रॉक होती है तो और अच्छे से हो जाता है वो. ऐसे करके पैर पीछे क्रॉस करके और हर डायरेक्शन में बाव करते हैं लोग, मेक श्योर कि सबसे ले ले एक एक ओवेशन. मैं तो बहुत इतना टाइम पे स्टार्ट करने का उनका होता है कि बेल बजेगा स्टार्ट होगा तो जल्दी खत्म भी करो यार, इतना खींचो मत एंड पे. आई एग्री. मैं पृथ्वी थिएटर पे देखा था और वहां बाहर बेल होता है वही. आई एम सो इरिटेटेड. मैं तो बोलता हूं ऑडियंस के पास एक बेल होना चाहिए कि अब 10 मिनट में रैप करो. नाउ द पावर इज विद अस. You decide when it starts, we decide when it stops. Party pressure, musti peeti, baji bell, aur ho gayi chutti. Bhai, bahut sahi hoga ye plays ke liye. Yeah, it's yeah, a great agree. Feature to bring. I agree. Give, like random audience members, give a gong. Yeah. Aur play karega Papa CJ. पापा सीजे ने भी तो कॉपी किया गॉन्ग शो. हाँ गॉन्ग शो तुम लोगों ने किया गॉन्ग शो कभी? मैंने किया दिल्ली में. मैंने कोलकाता में बॉन्ग शो किया. Somehow, आज क्या हो गया भाई? आज somehow मुझे I like it. I never do this for Let's. Somehow मुझे लगा कि ये तू सुबह से सोच रहा है ये मेरे को बोलना है. ये phrase ऐसे deliver हुआ है. नहीं, it is just I think smelling salt has just changed my circuitry because I never do wordplay. मतलब I am unable to. इसमें just the fact that I am attempting it has something to do with this. Ammonia. I like it, dude. ये रहेगा यहाँ पे. This is now part of the podcast. I'll buy 2 more. तो गॉन्ग शो में क्या होता है कि at least you get a minimum amount of time before they can बोलना नहीं होता. भाई वो कुछ गोंगा शो रूथलेस होते हैं. मैं इनको 10-15 सेकंड में भगा देते हैं. बोलते फिर तो शो ही नहीं है यार. कौन सा तो बेसिकली तुमको पंच लाइन पे पंच लाइन जल्दी जल्दी लानी है. वेरी वेरी शॉर्ट जोक्स इज आइडियल एंड एज सून एज यू स्टार्ट डूइंग अ सेटअप देयर लाइटिंग वेरी नर्व रैकिंग. पहली बार पापा सीजे ने गोंग शो करवाया था दिल्ली में अ ईयर इनटू स्टैंड अप. ठीक है मैं भी था उसमें. नहीं मैं एक किया है पापा सीजे वाला तो आई डोंट नो तू था कि नहीं. अक्षरा थिएटर में था. यस और मिलिंद जीता था. नहीं तो मिलिंद नहीं जीता था तो मैं भी. अच्छा क्या हुआ था? मिलिंद ने 3.5 मिनट करे थे, 5 मिनट करने थे. 3.5 मिनट में नोबडी रेस्ड जो भी उसमें आई थिंक गोंग नहीं था तब या कुछ. पापा सीजे थाली बजाता था और वो कुछ पेपर जो भी था. मिलिंद ने 3.5 मिनट जब खत्म करना होता पापा सीजे नंगा हो जाता था. मिलिंद ने 3.5 मिनट करे मे बी डिंग शो डोंग शो. मिलिंद के 3.5 मिनट हुए नोबडी गोंगड हिम. And then he went. No, he said, I am out of jokes. I don't have any more jokes. Because Milan was very early into stand-up. He said, I don't have any jokes. And then everyone took a break and then he went. If you were in the same iteration, then you won Upmanyu and Amit Sharma. Oh, so I don't know. I was there. I don't know who I was. I think you left Delhi. No, I was there. So
उपमन्यु और अमित शर्मा फाइनल राउंड तक पहुंचे थे, फिर दोनों से एक एक मिनट करवाया, फिर चेयर कराया, दोनों के लिए इक्वल चेयर था दोनों ने. ओके, हो सकता तो उसमें मेरे को 59 सेकंड पे वो कर दिया था. एंड आई रियली टुक इट टू हार्ट क्योंकि देयर वर सम कॉमिक्स जो बहुत मेरे को चूते लगते थे. और वो आगे एक डेढ़ मिनट ऐसे फ्लेक्स कर रहे थे हम, तो एक मिनट भी नहीं हुआ. तो उस टाइम पे मैं डर्टी वो करता था, तो आई टुक इट वेरी पर्सनली, आई विल राइट अ क्लीन सेट. ये वो सब आई थिंक 2 या 3 महीने बाद फिर से हुआ था. मैंने 5 मिनट क्लीन बनाए थे और मैंने सेकंड टाइम परफॉर्म करा और 59 सेकंड पे हटाया गया था वापस से. ओह मैन, पेनफुल. ओह देन इट इज जस्ट मी डूड. अमित शर्मा मुझे इतना फनी कैरेक्टर लगता है यार. हैव यू सीन हिम? आई हैव सीन हिम वंस ओनली परफॉर्म. ही इज वेरी फनी डूड. ही से सम रियली वियर्ड. तो एक बार एक अंकल जा रहे हैं उनको पत्थर मारो ऐसी बातें बोलते हैं. पिंकी द होर. एक ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ. ही टॉक्स नॉर्मली इन हिंदी. तो ऐसे कहता है और कैसे हो पाल्स. पीपल लॉस्ट इट. पाल्स क्यों बोल रहा है यार तू? सब तेरा हिंदी. सरप्राइज एलिमेंट. या या हिज सरप्राइज इज वेरी गुड. शॉक्स यू. एक बार कहता है, एक बार मैं फिशिंग कर रहा था और मैंने कांटा डाला, उसमें एक बांग्लादेशी फंस गया. ही डज जोक्स लाइक दिस. इट्स वेरी फनी. एब्सर्ड. या एब्सर्ड. वेरी फनी. एक बार वो एक बिस्ट्रो वो था अमर कॉलोनी में, एक बंदे चलाते थे. ठीक है, तो मैंने उनसे बोला कि मैं फर्स्ट चले जाऊँ, मेरे को आज कहीं जाना है. कहते चिराग पंजवानी, जितना तुम अपने आप को अच्छा समझते हो ना, हो नहीं. या ही इज फुली केपेबल ऑफ सेइंग दैट. या और मिस्टर शाश्वत महेश्वरी पूरा नाम बोलने. मिस्टर शाश्वत सोचा जब तू बोला कि मुझे कहीं जाना है, यूएसए की मुझे ऊपर जाना है करियर में. मैं कहा सेकंड चला जाऊं. सेकंड चले जाऊं. नहीं अभी भी नहीं. थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ. अबे मैं आज जब नीचे आ रहा था ना, तो वो गार्ड ने मेरे को रोका, जो बिल्डिंग वाला गार्ड है. उसने कहा कहाँ जाना है. कह रहा नाम तो मुझे लगा मेरा नाम है पूछ रहा है. मैं चिराग कह रहा है. Wrong answer. मैं कहा आप जिसके जा रहे हो उसका नाम पूछ रहे हो. Wow. मस्त कैरेक्टर है भाई यहाँ पे. सिम का करेक्ट. ये हमारे बिल्डिंग में गार्ड्स हैं, चार चिढ़ते हैं जिनको उठा दो. चार गार्ड हैं, चारों का स्लीपिंग शेड्यूल सेम है. बताओ सेम टाइम पे कैसे चला रहे हो तुम? तो पॉइंट इज कि 24/7 एक को अवेक रहना है. और गुस्सा हो जाता है कि यार सो रहे हैं हम, ये कोई टाइम हुआ घर आने की. यार बैंड्रा में एक्चुअली नींद अच्छी आती है, आई हैव नोटिस्ड. तो इसलिए उनकी गलती नहीं. बड़े मोटे चूहे होते हैं ना, तो कटल कटल कर सकते हैं. कटल बडीज. यार ये बिल्ली नहीं है, मैं तो 2 साल से इसको कटल कर रहा हूँ. सॉरी मैं अंधा भी हूँ. यार बैंड्रा में बढ़िया जगह क्या तूने ढूंढी खाने के लिए? यू बीन लिविंग देयर फॉर अ व्हाइल. मैं तो भाई ऑर्डर ही करता हूँ घर. बट आई विल टेल यू, एक मेरे को सिंध फुल बहुत सही लगता है. क्योंकि तू सिंधी के साथ रहता है. नहीं, उसने मेरे को सेल किया बहुत. फिर मैं सोचा ही इज जस्ट सेइंग अमन. यू हैव टू. बट आई थॉट वो बोलेगा ही सिंधी. मतलब मैं अगर बोलूँ केसी दास से तुम थोड़ा रसगुल्ला खा लो, उसी टाइप का लगा मेरे को. बट देन आई एट दिस उनका बटर चिकन बिरयानी. इट्स द बेस्ट आई हैव हैड इन बॉम्बे. ओह वाओ, व्हिच इज दैट्स इन बॉम्बे. नो ग्रेट, दैट्स स्टिल अ गुड सेल. या आई विल ट्राई. और बर्गर्स भी सही है वहाँ. वो खाए हो गया गुड फ्लिपिन बर्गर्स. और वो तो यहाँ पे भी आते हैं. लुई बर्गर. मैं बर्गर जितने भी यहाँ पे आते हैं सारे ट्राई कर लिए जो मेरे घर पे डिलीवर. वो जो बच्चा कौन सा बच्चा नहीं खाया मैंने. अरे वो क्या नाम है, व्हील बच्चा गाय कुछ व्हील, जो बिग बॉस में भी बच्चा आया था यार, क्या नाम है वो भी नहीं खाया. अब्दू रोजिक. अब्दू रोजिक बुर्गिर. बुर्गिर मैंने नहीं खाया. बुर्गिर खुला है ना यहाँ पे. उसने एक रेस्टोरेंट खोल दिया है बुर्गिर. हाँ भाई इन बॉम्बे. अनबिलीवेबल. तो उसका बर्गर भी छोटा होता है क्या? नहीं नहीं. Just he kept saying burger, burger became popular. So Abdul viral. Abdul Rozik came for the this thing. उसने अपनी photo वोटो सब कुछ लगाई है वहाँ. Wow. Well, what do you think will be, since you're in tune with UFC and the culture it is that is growing? Yeah. What do you think will be the future of these two boys? Nothing. No future. Nothing. They're promoting. So Hasbullah has signed a contract. He is a part of the UFC game. So there's a character that you can unlock. You can fight with him. Yeah, yeah. You can unlock and Hasbullah comes. He's a huge character.
जायंट बन के आता है वो एंड ही कैन फाइट इन एनी वेट क्लास. बहुत मस्त है. तो यही है, इन लोगों से डील इसलिए करी जस्ट टू प्रमोट बिकॉज दे बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ यूएफसी. बट बाकी यू कांट मेक देम फाइट द लिटिल पीपल. नहीं बट मतलब they'll die. What happens, what do you think their future will be as celebrities? क्या होने वाला है उनके साथ? यार जो पॉपुलर हो गया सोशल मीडिया में हो गया, अब वो ऐसे ही चलाते रहेंगे और उनका करियर तो निकल गया. हसबुल्ला इज बिकम वेरी पॉपुलर. वो एनएफटी वगैरह पता नहीं क्या क्या बेच दिया. इज टू बिग यार, टू बिग नाउ. हिज फेस इज वन ऑफ, इज मे बी वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल फेसेस ऑन अर्थ राइट नाउ. या पीपल डोंट नो एनीथिंग अबाउट यूएफसी इन द लाइक हसबुल्ला. ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोस हसबुल्ला. हिज बिगर देन द स्पोर्ट इन मेनी वेज, व्हिच इज क्रेजी. यू नो समबडी वाज डूइंग एन इंटरव्यू विद हिम एंड इज लाइक, ओ ड्रेक वांटेड टू मीट मी, हु इज दिस गाय? या ही कॉल्ड मी. Who is this? कहता है कि I ask for $100,000 to meet. If you want to meet me or talk to me, I ask for $100,000. उसका जो मैनेजर है वो बात करता है, तुम $100,000 दोगे तब वो फीचर करेगा तुम्हारे साथ. सुपरस्टार भी ऐसे करता है. बट $100,000 नहीं लेता ना भाई. किसी ने मुझे बोला था अभी, उसने बोला था शायद अमीन ने कि If you want, we can get you in touch with Puneet Superstar. To my podcast, में आ जाएगा. मैं कोई interest नहीं भाई बात करने. I like him as a character, everything, but बात नहीं कर सकता. Yeah, I don't think you talking to him is the way to. No, no, no. It's the way to move away from what you like about him. Yeah. You'll become popular, but the crowd that'll come, they'll be like, ये क्या कर रहा है? Now there is no novelty left in calling. No, no. जब विनम्र वगैरह ने बुलाया था तब ऐसा था industry first. No, right now is a lot because वो Big Boss में अभी ये सब करके आया है. He's the popularity is skyrocketing right he now. He got knocked out first round, ना? Yeah. First round भी नहीं, उसको निकाला गया. नहीं देखा. In one day he got evicted. Yes. Very UFC. Yeah. UFC term में बोल दिया. First round knockout. उसने जैसे बोला Big Boss मेरी भट्टी में जा रहा हूँ. Oh, that's sad though. But उसका it's all scripted, right? मतलब इतना ही पैसा दिया. I guess. Only person who can confirm this is Munawar. Oh, Munawar was supposed to go on Khatron ke Khiladi. Khatron ke Khiladi. Not on Big Boss. Nahin, he wasn't he's on. He's been a part of OTT Big Boss. वो जो था lockup. Lockup was not Big Boss. हाँ. Not Big Boss, but Big Boss issue. Yeah, yeah. तो Big Boss का copy था. Yeah, yeah. But then he was supposed to be on Khatron ke Khiladi. Yeah, yeah. And he couldn't go because of some visa issues or whatever. कहाँ पे हो रहा है वो? It was happening in South Africa. मतलब तो शूट हो गया होगा. मैंने किसी के साथ बैठ के उसका एक आध एपिसोड देखा था. किसका? खतरों के खिलाड़ी का. रोहित शेट्टी है ना होस्ट. हाँ होगा. एक उसमें टास्क था जिसमें राहुल वैद्या वर्सेस सम सिंगर. तो एक हाँ गाना गाना नहीं, एक पिंजड़े में डाल देते बीच में और शेर आसपास घूमे जा रहे हैं और उनको कुछ डंडा डाल के सिक्का कलेक्ट करना है मैग्नेट से, बट शेर डंडा कभी कभार चबा देते हैं. तो वो उसको ऐसे पोजीशन कर रहे हैं कि शेर घूम रहे हैं बट वो जंग, एक तो तुम उसमें सेफ हो और शेर बिल्लियों की तरह ही बिहेव कर रहे हैं कि वो डंडे के साथ ऐसे खेल रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, बट उनने बैकग्राउंड करके साउंड डाल दिया. दैट्स वाओ, व्हाट अ डेंजरस सिचुएशन. दे डू दिस अ लॉट विथ एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑल्सो कि कितना डेंजरस है. बट भाई तुम हार्नेस पहने हो, नीचे नेट है, देयर इज नथिंग टू फियर. क्या इसमें तुम नाटक कर रहे हो? कि फियर तो ये है जो अभी वो सबमरीन के साथ वो जो किया है वो. या और इवन दिस कि कोई आके बाहर से तुम्हारी खिड़की साफ करता है विदाउट एनी हार्नेस, नथिंग. दैट इज एक्चुअल रैप. या ही डज. आई नो द गाय एंड ही इज लाइक कि भाई हम तो. मैंने कहा तुम लोग हार्नेस पहनते हो तो कह रहा है कि नहीं वो मालिक देता ही नहीं. हार्नेस ही नहीं है भाई, देयर इज नो सिक्योरिटी, नो नेट, नथिंग. वो ऐसे ही साफ कर रहा है. एक्सप्लोजन डाल देंगे एडिट में क्या हो गया. मैंने अभी एक वीडियो देखा बहुत सही. एक लड़की जाती है बैंक. स्ट्रॉन्ग सेल. मतलब वो पहनी हुई है, कुछ हिजाब पहनी है, जो भी पहनी है, पर्स के अंदर से ग्रेनेड निकालती है और एटीएम में रख देती है और इन लोगों को कहती है भाग यहाँ से. वो भागते हैं और ये भी भागते हैं, बम फट जाता है भाई. एंड नीचे क्या लिखा हुआ है? She didn't like this bank services. भाई दो ग्रेनेड बैग के अंदर से निकाल के रख दिया उसने. हंड्रेड नहीं आ रहे थे मशीन. भाई हमने अभी एक वीडियो देखा ईशान अली का ही, ठीक है, जिसमें आफ्टर बाय द वे आफ्टर द पॉडकास्ट लेट्स वॉच ईशान अली. डन मैन. वो क्या करता है, अपनी छोटी बहन होती है उसको बुरखा पहना रहा होता है और एक उसका फ्रेंड आता है उसकी बहन होती है जिसमें बुरखा नहीं पहना होता है. कहते इसको बुरखा क्यों नहीं पहनाया? कह रहे अभी तो बच्चे का लेन देना. कहता है स्टार्टिंग से ही आदत डालो ताकि इनको बिन पर्दे वाले चेहरों से नफरत हो जाए. कह रहे सही कह रहे भाई साहब.
or ends. This is not out of context. You don't even have to cut it out of context to make it bad. This is just bad. Pavlov's conditioning taught in a very different way. वो हमेशा ऐसे देखेगी उसको, अरे पूरा मुंह कैसे है, हार्ट कहाँ से? Wow. और भाई उसने एकदम वैसे सेल किया जैसे एकदम रिलीजियस, उसमें नहीं बोलेगी दोजक की आग में जलोगे अगर ये किया तो. भाई क्या हो रहा है, इट्स गेटिंग वेरी इंटेंस. अदरवाइज ऑल हिज वीडियोज आर जस्ट बी नाइस एवरीथिंग, बट इन हिज माइंड दिस इज अ नाइस थिंग टू डू. बट ओके, एक्चुअली आई गेट इट, दिस इज अ क्रिटिसिज्म एवरीबॉडी गेट्स की इफ समबडी इज बीइंग प्रोग्रेसिव. अरे मतलब कि अगर कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि ये बहुत प्रोग्रेसिव है, सम पीपल कैन बी प्रोग्रेसिव इन ओनली वन एस्पेक्ट. या ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग एल्स, एवरीवन हैज अ लिमिट टू द प्रोग्रेसिवनेस दे कैन बी. एंड आई रिमेंबर द थिंग विद दिस ईशान अली, राइट? ईशान अली, हां, हिज थिंग्स आई हैव ओनली सीन थ्रू रील्स व्हिच समवन एल्स हैज एडिटेड एंड आई डिडंट नो. आई यूज्ड टू थिंक कि ही इज इन ऑन द जोक, ही भी काट रहा है वो. देयर इज वन वेयर ही इज स्टैंडिंग विद दिस हिज लॉन्डेज. Yeah. And this girl is approaching with her brother and he's like, chal, main isko aaj impress karunga. And she comes and he does something like this or something. And she's like, hat. And that's it. He lands on that hat. And no, he's hat and then he moves. And he's like, bas wo reel khatam hota. So in the real video, something he would have done with a comeback and he would have impressed her. But wo nahi dekha. Main usse, what a guy. Aise hi hona chahiye reel. Arre, toh baki, point toh out of context reel katte ho, aise katte. Haan, haan. Koi kehta, teacher meri copy check karo, kehte, tu nichi jaat ka hai. Cut. जो भी लेसन आगे सिखाएगा वो सब बॉडी के बाहर. और द वन आई जस्ट टोल्ड यू, एक कुछ वीवर्स शॉप पे है, ठीक है, वीविंग चल रहा है, right. और एक बूढ़ा जो ही इज द हेड ऑफ द वीविंग व्हाटएवर कम्युनिटी, वो बैठा है एक टेबल पे, गुरु मां ऑफ वीविंग. तो एक आदमी आता है, बोलता है नेक्स्ट मंथ मेरी बेटी की शादी है, तो पहले तनख्वाह अभी दे दो मेरे को. बोलता है हर बार तुम्हें को पहले ही चाहिए पैसा, एक काम करो बेटी को मेरे से शादी करा दो. और इसी पे काट के रील डाल दिया. मैं बोला बेस्ट फ्लिप था ये दैट आई एवर सीन. और इसमें ईशान अली इज नॉट येट फीचर्ड इन दिस पार्ट ऑफ द रील, ही इज जस्ट विजिबल इन द बैकग्राउंड बिकॉज ही इज द मेन कैरेक्टर, वुड कम लेटर. मैं सोचा ही हैज मेड दिस रील कीपिंग हिमसेल्फ इन द बैकग्राउंड. आई वाज लाइक व्हाट एन आईडिया, ग्रेट. क्योंकि ना इफ यू आर डायरेक्टिंग यू कांट रियली बी इन्वॉल्वड, इट्स टफ टू डायरेक्ट योरसेल्फ. वन दैट वी सॉ टुडे वाज की उस वो जा रहा है, उसका बेटा है साथ में और बेटी है, बेटी छोटी है, तो दुकान पे जाता है और बेटा कहता है, बेटे से कहता है तुम्हें क्या चाहिए, कहता है मुझे 20 रुपए वाली टॉफी चाहिए, कहता है हाँ दो. और बेटी कहती है कि पापा मुझे कह रहा है चुप. पहले उसको दिलाऊंगा क्योंकि मैं उसको ज्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे मैं कम प्यार करता हूँ. कोई कुछ छूटना नहीं चाहिए. तो आई नो फॉर श्योर कि जब ये कटेगी तो यहीं पे कट जाएगी. एंड लेटर व्हाट हैपेंस, वो गिर जाता है, उसके कट हो जाता है, उसका बेटा कहता है क्या पापा देख के नहीं चलते, चलो वापस आओ. और बेटी अपनी 2 रुपए की टॉफी जो देती वो वापस करके बैंडेड खरीद के इसके हाथ में लगा देती है. Nobody would show this because out of context it's that his beti. His setup is Gen Z's punchline. Yes. इसके बाद फिर वो जब bandit लगाती है तो कहता है ये सब करके ये मत सोचना मेरा दिल जीत लिया तूने. That is flip number 2 by Gen Z. But dude, the people who are making these reels, they call themselves dank. Everything about this is कि जो भी तुमको लग रहा है समाज में अच्छा हो रहा है उसकी माँ जो तो and just cut out of context reels because in a place where so much content is there only thing that stimulates you is just a kick in the like एकदम and to think you can do this with any movie also right a Pathan or maybe like I think Salman Khan does a lot of these कि हम बहुत ही अच्छी सीख देते हैं समाज को. अच्छा, आप लोगों की मदद करिए, वो दो लोगों की मदद करो. तो वो भी कॉपीड है, वो केविन स्पेसी की, उससे केविन स्पेसी की एक पिक्चर थी जिसमें एक बच्चे को वो सिखाता है कि मैं आपको मोलेस्ट करूंगा. He had us, he got us. और आप दो बच्चों को मोलेस्ट करते हैं. पकड़ लिया इसने. Shit. But there is some I think Sixth Sense में तुमने बच्चा देखा है कौन सा है? Kevin Spacey ने देखा है. मेरे को बच्चा ही नहीं दिख रहा था Sixth Sense. I was also part of the meta story. I don't see live people. It is the same actor. That actor in the kid. Haley Joel Osment, वो बच्चा जो है.
I don't know. पता नहीं क्या एक्टर है. You got us. Yeah. You can say anything right now. तो वो ये स्कीम सिखाता है from a very naive point of view कि if I help other people and they help people, then it'll be nice. Salman did this as a grown up. Yeah. और वो भी same stick figure. अगर आप एक जने की मदद करो और वो दो जने की मदद कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके पूरा संसार हो जाएगा. Which seemed very lame. Yeah. जय हो में. Yeah. That's this is reminding me if you guys have seen Leon the Professional. Yeah. In yeah. And Bichu. Bichu is the remake. Okay. Leon the Professional में the girl is Natalie Portman. Natalie Portman. Yeah. And she's a 12 year old girl or something. But यहाँ पे देश और आनी height. I think height match. Height match. She also acts childish ki wo uski gand dho de rahi hai, sab kuch kuch kar de rahi hai. She's just an adult who acts like a child, which yeah, is so she's a very different vibe than a child who acts like an adult. But I feel like ye jab hua hoga aur unhone bola ki heroine ek choti bachchi rakhenge na, why not allowed India mein unhone bola stay away from this rules ki wajah se. Director ne bola yaar choti bachchi rakhenge to shoot kaise karega. छोटी बच्ची सिलेक्ट कैसे करेंगे क्योंकि कास्टिंग काउच तो चाहिए. भेगेचू अगे डूड पीपल हैव कमेंटेड इन द लास्ट वन कि व्हाई डू यू गाइस ऑलवेज सर्कल बैक टू पेडोफिलिया एवरी पॉडकास्ट यू जस्ट टर्न बैक टू पेडोफिलिया. आई एम रियली सॉरी मैन जस्ट इट कम्स अप. वी आर नॉट बीइंग क्रीपी, वी आर जस्ट मैनिफेस्टिंग. या दिस इज अस नेचुरली. व्हाट डू वी डू. क्या बोल रहा था कि काउच ज्यादा बड़ा होगा इस सिचुएशन में. अरे सस्ते में काम हो जाएगा यार, come on. You don't want the big one now. Shit, yaar. You were nicely circling out of it. Yeah. Mein for no reason. You pulled me back in. Just when you think I'm out. They pull you back. They pull you back in. Crab mentality. Would crabs would think कि भाई हम भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं. ये क्या हमारे ऊपर थोप दिया है crab mentality. हाँ, crab mentality क्या होता है? Crab mentality is bucket में crab if it's trying to escape other crabs pull it back down. ना हम ग्रो करेंगे ना तुम्हें ग्रो करने देंगे. जो मतलब होता है हमारे देश में, हमारे दुनिया में भी होता है, कॉमिक सर्किट में भी होता है. हर जगह 100% भाई अपने एडिटर को नंबर दियो. क्या तुम उसे कम पैसे दे रहे हो? ये भी तो था. अरे भाई एनी प्लेस वेयर क्रैब मेंटालिटी इज यूजफुल. कोई प्रोफेशन आई एम ट्राइंग टू थिंक जहां खींचना इज पार्ट ऑफ द जॉब. सोचूंगा तो ये पार्ट एडिट कर देना और वो डाल देना डायरेक्ट. लगेगा बहुत फास्ट सोच या यही तो इस पॉडकास्ट की हमारी यूएसपी है. रैपिड फायर राउंड हम एडिट कर करके डालते रहते हैं. तो मैं घर पे रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, तुम लोग बीच में अलग लोकेशन का एक क्लिप डाल देना. फुल ज़ूम्ड इन लगा देंगे, सेम टी शर्ट पहन के कर दूंगा मैं. माइक की जरूरत नहीं है, दूर से कर दे भाई. मैं जैसे ये कवर ले लूंगा, मेरे पास माइक है. ये ले जा ऐसे कर. एक स्पून पे ये लगा के सारे टेस्ट तुझे एम्पलीफाइड आएंगे. बहुत ज्यादा आ रहा है टेस्ट यार. मैं वो कह रहा था यार, पद्मलक्ष्मी है ना एक, ऑफ कोर्स है, वेरी हॉट सुपर मॉडल. सलमान जी की एक्स वाइफ. यस. एंड आल्सो शी इज अ सुपर टेस्टर. हर जगह जाके बॉडीज चाट रही है जिससे पता चले खूनी ने क्या खाया था. ऑल दैट आई रियली फाइंड इट वेरी. लगा था ये मर गया, बट थोड़ी थोड़ी इसकी वापस आ रही है. वो जाने तो सर अभी छह सस्पेक्ट है, सबकी उंगलियां चाट रही है, वो खुश हो रही है. और ये ले. बहुत मतलब every 2 weeks she is out of service because paid kharab ho gaya. Dude, to think about it, we think ki agar koi super taster hai kitna usko kitna taste aayega, par usko kharab taste bhi bahut zyada aayega. To while we are not enjoying food, she is really not enjoying. Yeah, it's like a movie critic, you have to watch a lot of garbage. Yeah, absolutely. Wo apni khidki ke bahar jeeb latka ke baithi hai, bahar dur dur se taste aa raha hai. But tum logo ko lagta hai ki I feel mera bahut hi basic palate hai, mere ko acha food samajh mein aata hai, but I'm very bad at distinguishing the contents of that food. I don't mind food that actually. It is full yeah. nostalgia. Remind me of everything I have tasted as a child. Okay, this is not pedophilia. It's not. Oh God. Sorry. मुझे तो शक्कर कम लगता है. क्या यार मम्मी यार. वेल बैलेंस नहीं आपकी डिश. थोड़ा एस्पर्टेम तो डाल दो.
नहीं हाँ तो यू वर सेइंग कि योर्स इज जस्ट जो भी चाट वाट खाया बचपन में वैसी टाइप की चीजें ही राइट बट इट इज नॉट जो भी चाट है ऐसे मैन हाउ डिड आई वॉक इनटू दिस शुड हैव सीन इट इट कांट नाउ यू कांट गो आउट द क्रैब दे विल पुल यू बैक हाँ बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग बट यू कांट कुछ खा के तू जैसे ये पद्मा लक्ष्मी नॉल दे कैन टेल कि हिंट ऑफ ये और हिंट ऑफ ये टेस्ट आ रहा है मेरे को मैं तो साबुन का टेस्ट आ रहा है हर बार चम्मच में साबुन का टेस्ट लाइक व्हाट द फक व्हाई इज एवरीथिंग टेस्टिंग लाइक विम मैं तो नहीं आई कांट डिस्टिंग्विश कि द मेन इंग्रेडिएंट्स साबुन में तो मैं बता देता हूं ये विम है या वो दैट्स वो तो बता देता हूं वेरी स्ट्रांग स्किन तेरा तू डर्टी माउथ है ना तो तूने साफ करने के लिए बहुत साबुन चबाई वॉश माय टंग विद द सोप नो बट If that you have like yes, I'm sorry. ये बोलता I got bars, bars of soap at their pocket. ये ये. But if you like have a really balanced palate, है ना कि मतलब तुम्हारे bitter थोड़े से हैं, थोड़े bitter हैं, थोड़े तुम्हारे sweet हैं ये सारे. तो I think it's easy because तू normal dishes जिनमें बहुत ज़्यादा ऐसे undercurrent नहीं वो कर रहे हैं और ये 50 layer नहीं है you will still be able to enjoy और अगर तू बहुत महंगा वाला खाएगा वो तेरा पैसा वेस्ट ही होगा तुझे समझ नहीं आ रहा वो टेस्ट वो कहेगा कि तुझे मिंट का आफ्टर टे कुछ नहीं आ रहा खाली वो एक स्टेक आया like best quality headphones लिया but तू बह रहा है क्या फायदा क्या फायदा पॉइंट है बेस्ट क्या बेस्ट क्वालिटी साउंड बेस तो पता चलता है भाई लाउड लाउड कर दे दैट्स ऑल माय अंडरस्टैंडिंग इन म्यूजिक व्हाट्स द पॉइंट तूने वाला गाना सुना है तेरी नजदीकियां यार वो उस दिन सुमित सौरभ बता रहा था ना और वो मैं पहले भी मतलब मैंने वीडियो पे देखा था कि डैक लगाओगे तुमको बहुत सारी ऐसे जो चीजें पहले सुनाई नहीं पड़नी एंड देन आई ट्राई डूइंग दैट विद एप्पल एंड Spotify मुझे खास कुछ फर्क नहीं पता चला नथिंग वो डिसअपॉइंटमेंट होगा yeah, yeah. में कि मेरे कान में ही होगा कुछ आई एम नॉट अ सुपर हियरर कान डैक डालना पड़ेगा पहले कान वाला डैक कहाँ मिलता है सर नॉट अ सुपर हियरर आई फील लाइक आई एम जस्ट अ पेडेस्ट्रियन हियरर बट यार दिस इज व्हाट थिंग मेरे को इनफ मजा आ रहा था म्यूजिक में yeah. तुमने yeah, अभी डाल दिया मेरे सर में कि तू म्यूजिक सुन भी नहीं रहा है अभी भी ठीक से yeah. जो चाहिए तेरे को अल्टीमेट फीलिंग लॉसलेस हाई रेजोल्यूशन 8D म्यूजिक है भाई कुछ नहीं समझ सेम है सब सेम है क्या है तुमने एक्सपीरियंस करा है कि म्यूजिक ऐसे करके जो जाता है जो पहले क्लिप भी सर्कुलेट करते थे बार बार कटिंग और सेंसेशन 3D हां 3D साउंड मक्खी उड़ के जाती है तब भी वैसे लगता है सराउंड साउंड वही है ना बहुत हां सराउंड साउंड लेकिन हेडफोन्स में करके दिखाते हैं वो बट वो ज्यादा एंटरटेनिंग गाना नहीं है बाल कटने वाला सुनते रहो तो वेरी लॉन्ग सेटअप फॉर दिस डूड आई केप्ट वेटिंग कि ये क्या बोल रहा है क्या हुआ समथिंग हैज हैपेंड या आई लाइक इट तुम लोग हेयर कट घर पे कराते हो कि यू गो यार आई लाइक हिज ही गेट्स इट डन फ्रॉम अ प्रोफेशनल व्हाट कंपनी तो मैं भी अर्बन है तो एमेच्योर से कराता है क्या नहीं मैं किसी भी लड़के को ऐसे ही कैंची दे देता हूँ बोलता शुरू हो जा चल ₹10 दे देता अरे भाई एमेच्योर क्या करवाऊँ आई गेट इट फ्रॉम अर्बन कंपनी बट I don't understand what haircut I want. I show him one picture और वो हमेशा वही कट रहा होता है But I like every time he gets something different. तू का अब इनकम सी नहीं करता? No, no, it is the same haircut. I just keep losing hair. Oh, अच्छा. Sorry. It seems like it's a new cut. It seems like तू हर बार थोड़ा और short cut कर रहा है. थोड़ा और short कर रहा है इस बार. No, no, fair hair loss तो मेरा भी हो रहा है. But I'm saying कि वो style जो fade और ये सब I like that. वो style is male pattern. Baldness. मैं घर में अब इनकम नहीं का वो haircut वाला बंदा आया था. मैं बोला इस direction में बैठूँ मैं face करूँ बोला आपका घर है यार कहीं फेस करो मेरे को क्या फर्क पड़ता है बिकॉज तुझे मिरर नहीं था मैं बस हॉल में बैठ के मतलब मैं इसी कमरे में कटा था ओह सही मिरर तो लाता है हां मिरर तो लाता है वो बट वो असेंबल नहीं किया सेकंड टाइम बहुत छोटा होता है मिरर उसका फर्स्ट टाइम असेंबल किया पूरा दिया उसने फीचर्स सेकंड टाइम बोला पता ही है तुमको सब वो कहता है ये मिरर मैं तब यूज करूंगा जब आप स्कर्ट पहन के आओगे और मिरर नीचे रखूंगा मैंने कहा सर क्या कर रहे हो यार प्लीज यार सबके सामने नहीं मालिश वालिश भी करवा दो मैं तो हेयर कट के बाद फुल मसाज और अच्छी नहीं होती लेकिन मैं हमेशा आई एम जस्ट ऑलवेज अच्छी तो नहीं होती कभी अच्छी नहीं होती आई एम ऑलवेज टेम्प्टेड कि इस बार शायद अच्छा कर दे ये निचोड़ दे नहीं कोई नहीं अच्छा करता तूने ये देखा हेयर कट जब कराते हो तो हेयर कट का हैप्पी एंडिंग मसाज होता है वही ना वैसे ताली बजा के मसाज का हैप्पी एंडिंग
कभी एक बार जो हेयर कट नहीं होता है कभी सबसे इंट्रूसिव चीज जो करी है किसी ने वो एक हेयर कट के बाद मसाज में ना एक मशीन पहन लेते हाथ वाइब्रेट या आई हेट दैट वो उसने करते करते मेरे कान में उंगली डाल दी थी और मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि इससे अच्छा तो गांड ही मार ले मेरे इतना इंट्रूसिव लगा था ना वो ऐसे वो तो करते 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 ऐसे करके जिक्र में गए क्या कर रहे हो थर्ड बेस तक पहुंच गया वो कह रहा इससे अच्छा तो गांड मार लेते दीस लेवल्स आई नेवर अंडरस्टैंड कि कान में उंगली डाली छोड़ देन यू फक मी ओनली सर मैं कहा ये क्यों कर रहे हो कह रहा एक बढ़िया रोल दूंगा अपनी पिक्चर में चिराग ने अपनी एज बता गया है ओवर एज ये तेरा तू तेरा लाइब्रेरियन जैसे बन गया कि घांट मारे नहीं मारा तो ये सब क्या कर रहा है कान में हाथ क्यों दे रहे हो जाओ पहले घांट मार गया एक ऑर्डर होता है चीज की यार आ जाते हैं तुरंत ही बुक पढ़ने आ गए बाकी काम किए नहीं मैम के साथ अफेयर है मैं किताब क्या पढ़ रहे हो Dude, they never had like hot librarians. Of course not. No. But yeah, this guy was also not hot at all. No, I understand. But for the women, not yeah, good looking. And in popular culture, it is always वैसे ही हम रखे हुए हैं कि book issue कराई है. हाँ, but हाँ, never. But वो popular culture जो तू बोल रहा है actually very unpopular. Popular world और ये सब पे popular हुआ है. वहाँ पे कोई भी profession hot ही लगता है ना. That's all. इसकी documentaries देखी हैं Brazzers की. भाई या ब्यूटीफुल डॉक्यू सीरीज अबाउट दे रियली कैप्चर द ब्यूटी ऑफ एवरी कंट्री एंड एवरी प्रोफेशन एक्चुअली क्या है मैंने एक मूवी देखी उसमें जमादार इतनी हॉट थी मैंने वो देख लिया भाई वीआर वाला पॉर्न जितनी तारीफ करी थी उतना अच्छा नहीं ठीक था सही था बट आई अंडरस्टैंड द फ्लॉज ऑल्सो एक तो सर में दर्द होने लगता है इतनी देर देख के 50 मिनट का वीडियो था भाई तूने वो कैटेगरी देखी पॉन में प्योर तब्बू देखिए हैदर आता है उसमें और नहीं प्योर टैबू या ऐसी अभी समझा शिट Because तूने ऐसे बोला yes कि मेरे को सही में लगा कुछ cosplay that is the game cosplay का कुछ होगा वो भी सकता है तब्बू का cosplay रो रही है बैठ के जमीन पे लेट के रो रही है मुंह पे लात पड़ रही है रो रही है दो अक्टूबर को हमें आ गए मैंने पाव भाजी खाई थी भाई pure तब्बू also really captures the beauty of family yeah I've seen so many families like that भाई मेरे को तो कभी कभी ये हुआ कि the acting is laughable yeah. and it really takes you out of the yeah, yeah I agree yeah, oh the setup Dude, has to be believable completely yeah. believable also cannot directly start point I feel like if these TV actors and movie actors if they start making porn it'll be so much better because yeah. they know acting those Absolutely. Guys just they don't have clothes but otherwise they're yeah. not beautiful also and they don't act well at all yeah. and it irritates you You have no skill. You just have no fear also. Exactly. You have no fear. You're like, हम नंगे हो जाएं. कहाँ करवाना है बता दो. That's it. Emotionally नंगे हो. पहले दिखाओ हमको. साबित करो कि तुम actually तुम्हारी soul नंगी हो रही है. जो आत्मा की जो बटन उतार दें वो वाली चीज़ देखनी. तो नंगे लड़के अच्छे. It's all about perspective again, as I've said multiple times. कितना call back करूँ मैं इस पे हाँ? I think that's a great idea. मैं बहुत दूर से देखूँगा तो नहीं अच्छी लगती honestly. I agree. Any what are the next shows that you're doing? Anything? You want to plug something? कब आएगा? Promote something. पता नहीं random. Long term game क्या आपका? हाँ भाई मैं तो आप comedy seller पे कब जा रहे हो बता दो we'll tell the dates. Madison Square Garden के dates check करते रहना. जब भी शामिक का नाम आए खरीद बस जस्ट चेक करते रहे ना मेरा नाम आएगा तो कंट्रोल एफ करके और नहीं तो क्या करूं मैं प्लग कर दूं क्या या इन मुंबई यू योर पॉडकास्ट यू हैव अ पॉडकास्ट वो नहीं पता नहीं उसका okay. अभी भी बट इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार शामिक चक्रवर्ती वहां पे आई विल पुट माय शोस आई विल डू आई विल बी टूरिंग मुंबई where I live and par different parts of Mumbai and then Bombay and then Bangalore Yay. And then Calcutta and a couple of other places yeah. so Shamik Chakrabarty Instagram okay. is there a message you want to give them ki enjoy monsoon ya some public service announcement yeah
ध्यान से रखिए. As Guru Ma, what would you like to? Because they take you seriously. Yeah. You're the leader. Yeah. What? What's going? Also, वो सब जो नहीं करते हैं कि मॉनसून के टाइम पे सारे पेट्स आपकी गाड़ियों में छुप जाते हैं, तो ऑन करते समय 30 सेकंड वेट करिए. ऐसा टाइप का इज देयर सम 30 सेकंड बाद जो मौत आती है उनकी, वो मस्त स्पेसिफिक चीज बोल दिया तुमने. यही मैसेज है मेरा, व्हाट ही सेड, दैट्स माय मैसेज. आई डोंट हैव एनीथिंग मोर स्पेसिफिक. आई थिंक आई विल से डोंट सेकंड गेस योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट. ए ब्यूटीफुल डू, थैंक यू. ये मेरे को एक भिखारी ने बोला था स्ट्रीट पे. कहाँ, लंदन में? कौन सा भिखारी? इंग्लिश में, यूएस में बोला था. पैंडरा भी हो सकता है. क्रिश्चियन भिखारी गिटार बजाते हुए बेसिक कॉर्ड्स. डोंट सेकंड गेस योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट. ऑलराइट केनी, व्हाट आर यू डूइंग? चलो सेम.